गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू हेलो हेलो ऑल ऑफ यू बेटा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर ओके है प्रॉपर आपको दिख रहा है और सुन पा रहे हो तो ओके लिखो फटाफट ओके ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो ओके लिखो ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर ओक, ओके है बेटा अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा ठीक है तो आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ठीक है बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक एप्लीकेशन को आपके ब्रेन में सेट करूंगा आज मैं ठीक है ओके 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 मस्त एकदम सही बहुत बढ़िया तो स्टार्ट करते हैं ठीक है बेहतरीन तरीके से तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था ठीक है फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी प्रोसेस क्या है ठीक है क्या मैथडोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी की किस पर बेस्ड है बायोटेक्नोलॉजी ठीक है उसका प्रिंसिपल्स क्या है प्रोसेस क्या है ठीक है वो समझ में आ गया हमारा बेसिक बायोटेक्नोलॉजी है क्या मैंने बताया था भाई रिकॉम्बिनेंट बनाना देन उसको किसी भी होस्ट में ट्रांसफर करके ट्रांसफॉर्मेशन करके ट्रांसफॉर्मेंट बनाना सिंपल मेथड है आपको समझ में आ गया था इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए थे इसके लिए आपको एक वैक्टर रिक्वायर्ड था जो आपके जीन को होस्ट में ट्रांसफर करेगा और एक होस्ट रिक्वायर्ड था और वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो होस्ट में अपनी मल्टीपल कॉपी को जनरेट कर पाए यानी क्लोनिंग कर पाए ठीक है साथ में आपके जीन की भी क्लोनिंग होगी इतना ही नहीं आपका जीन नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो तभी सही मायने में आप बोलोगे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेगा यानी वो ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा तो ये वाली बात एकदम क्लियर थी यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिंदास तरीके से लास्ट लेक्चर में बच्चे कंफ्यूज थे पीबीआर ठीक है थ्री ट्वेंटी टू नो डाउट ठीक है उसको भी अभी क्लियर करेंगे तो लास्ट लेक्चर अपडेट पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू पहले मैं उसको अपडेट क्लियर कर देता हूं ठीक है क्योंकि वाटर मार्क की बेसिस डायग्राम को एनसीआर से नहीं लिया गया जिसकी वजह से थोड़ी सी करेक्शन आई थी इसमें वो मैं अपडेट कर देता हूं ठीक है उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ भी हुआ था बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक एक क्वेश्चन अटेंशन मत लो एक एक बात की ध्यान रखेंगे जरा सा भी कहीं प्रॉब्लम होगी उसको अपडेट कर देंगे ठीक है वैसे तो पूरा कहीं हुआ नहीं बस लास्ट लेक्चर में ही आगे थोड़ा सा ये एनसीआर टी वजह से हो गया ठीक है कोई नहीं अब इको आर वन ध्यान रखना है आपको इको आर वन टेक्ट्रा साइक्लिन में नहीं था इको आर वन कहां पर प्रेजेंट था टेट्रा साइक्लिन के आउटसाइड था इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि अगर टेक्ट्रा साइक्लिन की बात करते हैं तो बाम एच वन और साल वन और एमपसिलिन की बात करते हैं तो पीवी वन और पेस्ट वन ये ध्यान रखना है आपको ठीक है अकॉर्डिंग टू एनसीआर में मैंने बताया ना कि कुछ ये डायग्राम एनसीआरटी के अलावा वाटर मार्क की वजह से शायद ठीक है पीपीटी मेकर ने बाहर से अप्लाई कर दिया था तो उस वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आई थी कोई दिक्कत नहीं ठीक है उसको अपडेट कर दिया है हमने इको आर वन टेट्रा रेजिस्टेंट जीन में नहीं होता आउटसाइड होता है एकदम क्लियर है तो अब इसको समझ लो ठीक है इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए बेटा अब आपको ध्यान रखेगा टेक्ट्रा साइक्लिन की बात करता हूं भाई ओ आर आई साइड यहां पर एप्लीकेबल है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेक्टर का ओ आर आई साइड का समझाया था मैंने वेक्टर में सेलेक्टिबल मार्कर की अगर बात करते हैं तो टेक्ट्रा साइक्लिन और एम्पसिलिन दोनों सेलेक्टिवल मार्कर यहां पर है सेलेक्टिवल मार्कर जो बताते हैं रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना या ट्रांसफॉर्मेंट बना या नहीं बना या रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करने के लिए या ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वही है क्या सेलेक्टिबल मार्कर और सेलेक्टेबल मार्कर में मैंने बताया था ड्रग रेजिस्टेंट जीन और साथ साथ में लेग जेड जीन यूज किया जाता है पीबीआर 322 को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था ठीक है इसका मतलब भी बताया था पी मतलब प्लास्मेट बी मतलब साइंटिस्ट का नाम है Rodericu, और 322 यानी उस लैब में इस नंबर का ये प्लास्मेट बनाया था और भी ढेर सारे प्लास्मेट बनाए थे पीयूसी एड के बारे में भी बताया था मैंने जिसमें लेग जेड जीन ऐड किया था तो वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए और यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट ठीक है यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट अगर यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स की बात करते हैं ठीक है तो आपको ध्यान रखना है वो साइट कह सकते हो जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाम क्या करते हैं कट लगाते हैं इनको क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर फॉरेन डीएनए जिसको आपको टैग करना है ठीक है जिसका आपको रिकॉम्बिनेंट बनाना है ठीक है जिसको आपको होस्ट में ट्रांसफर करना है तो वहां जुड़ता है तो ये क्या है बाम एच वन और साल वन और पीवीयू वन और पेस्ट वन ये क्या है बेटा वो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो क्लोनिंग साइट है जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं ठीक है तो मैंने बोला भी था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वही काम के रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट वही काम के हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होते हैं ठीक है तो यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट िन में कितने थे नंबर वन नंबर टू ये ध्यान रखना है एम्पसिलीन में नंबर वन नंबर टू ये आपके काम के रिमेनिंग आपके काम के नहीं है क्योंकि वो सेलेक्टेबल मार्कर के आउटसाइड है एकदम क्लियर था ना यहां तक आप मतलब मैं कोशिश यही करूंगा कि बेहतर बेहतर और बेहतर ठीक है आपको ये क्योंकि इससे दस क्वेश्चन आने हैं भाई ठीक है मतलब तो दस नौ क्वेश्चन आए थे लास्ट लेक्चर में दस तक आ सकते हैं मान के चलो तो यार इस चैप्टर पर तो कमांड करना है कोशिश तो मैंने की हर चैप्टर पर कमांड करना है आपको तो आप समझ गए ना और लास्ट टाइम है मैं बोल रहा हूं ठीक है लास्ट टाइम है धैर्य यानी समझ रहे हो ना तो कम मत होने देना विलीफ को अपने जो अपना विलीफ है अपने ऊपर उसको कम मत होने देना ठीक है और बस अब दौड़ लगा देना ये लास्ट टाइम ही दौड़ लगानी है आपको ठीक है ये वन मंथ है खतरनाक तरीके से दौड़ लगाना और मैंने बोला भी था आपको कि ऐप पर ऑलरेडी हमने एक स्प्रिंट सीरीज भी स्टार्ट किया बच्चों के लिए शायद आप देख रहे होंगे उस स्प्रिंट सीरीज में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं और मैंने बोला भी है लास्ट टाइम पर थ्योरी नहीं अब चैप्टर फिनिश होते ही एक छोटा सा चैप्टर और है स्ट्रेटेजी वाला शायद मुझे लग रहा है ठीक है उसको भी मैं वन आवर के अंदर फिनिश करके आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा उसका ठीक है बहुत बेहतरीन तरीके से वन आवर के अंदर कर देंगे उसको उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन के बेस पर रिवीजन करना है ठीक है जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन करोगे मजा आएगा फिर ठीक है तो पीवीआर फी ट्वेंटी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक ठीक है 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 ये ये तीनों तीनों के रिस्ट्रिक्शन तीनों, आप बोलोगे द सेलेक्टेबल मार्कर ध्यान रखना है आपको तो आज हमारा टारगेट क्या है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन भाई इतना तो समझ में आ गया बायोटेक्नोलॉजी है क्या ठीक है उसके प्रिंसिपल समझ में आ गए उसकी प्रोसेस समझ में आ गई बेसिक कंसेप्ट है इतना समझ में आ गया कि बस दो काम करने हैं आपको क्या एक तो सेलेक्टिवल मार्कर आपको दे दिया जाए मतलब एक सॉरी एक एंजाइम्स दे दिया जाए आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या लाइगेज uh, दे दिया जाए आपको ठीक है और साथ साथ में अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करते हैं कट लगाते हैं लाइगेज क्या काम करता है उसको एड करता है और पॉलीमरेज क्या काम करता है पॉलीमराइजेशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आपको बताए भी थे ठीक है ये नॉर्मली प्रो कैरियो में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होते हैं वहां से उसको आइसोलेट किया था ठीक है वो वाली बात एकदम क्लियर थी लाइगेज जो यूज किया है टी फोर लाइगेज यूज किया है ये बताया था मैंने जो बैक्टेरियो फास्ट से आइसोलेट किया था तो उसको यहां पर यूज किया है हमने ठीक है और पॉलीमरेज ठीक है अक्सर कट ठीक है पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो यहां पर ज्यादा यूज किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर तो तीनों एंजाइम मैंने समझा दिए थे बैक्टीरियल वॉल या फंगल वॉल या एनिमल सेल की वॉल को लेयर को हटाने के लिए मैंने बताया था थ्री टाइप के एंजाइम्स थे ठीक है लाइसोजाइम ठीक है फंगस के लिए मैंने काटीनेस बताया था और प्लांट के लिए हाँ प्लांट के केस में बताया था मैंने सेल्यूलेज तो ये एंजाइम्स रिक्वायर्ड है आपको ठीक है फिर मैंने बताया था एक बढ़िया बेहतरीन वैक्टर वैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके पास ओ आर आई साइट ऑरिजन ऑफ एप्लीकेशन ठीक है साइट होने चाहिए नंबर दो नंबर टू उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए उसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए ठीक है तब जाकर के आपका बेहतरीन वेक्टर कहलाएगा वो ठीक है तो आप जीन को आप क्या करोगे इन एंजाइम्स की हेल्प से वेक्टर में जोड़ोगे ठीक है वेक्टर क्या है मोलिकुलर व्हीकल जो आपके जीन को होस्ट में लेके जाएगा फिर होस्ट में ट्रांसफर करने की टेक्निक भी हमने आपको बताया था किस तरीके से होस्ट में ट्रांसफर करते हैं ठीक है हमने आपको जीन गन भी समझाई थी ठीक है हमने आपको ठीक है माइक्रो इंजेक्शन मेथड भी बताया था ठीक है हमने आपको कैल्शियम क्लोराइड की हेल्प से ठीक है वो वो मेथड भी बताया था हीट शॉक ट्रीटमेंट उससे भी एंटर करा सकते हैं या हमने आपको बोला था अगर प्लांट के अंदर एंटर करना है तो टीआई प्लाज्मिड यूज करोगे ठीक है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यूज करोगे इनकेस ऑफ प्लांट और इन केस ऑफ एनिमल आप क्या यूज करने वाले हो रिट्रो वायरस और बैक्टेरिया केस के में तो आप नॉर्मल प्लाज्मिड यूज करोगे ही तो इतना क्लियर हो गया था फिर फाइनली आपका जीन होस्ट में ट्रांसफर अगर हो जाता है तो वो होस्ट क्या कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट क्लियर था बिल्कुल अगर रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफर होता है तो उस होस्ट को रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे और अगर एंटर नहीं करता तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सेलेक्टिवल मार्कर का पूरा कंसेप्ट समझाया था जो बहुत बेहतरीन था ठीक है मेरे हिसाब से बेहतरीन था आपको अच्छा लगा नहीं लगा मुझे पता नहीं बट अपने हिसाब से जो भी बेहतर से बेहतर होता है जितने भी बेहतरीन बुक्स हैं इंटरनेशनल बुक्स उनके कंसेप्ट मैंने आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से यूज किए हैं एनसीआर के साथ एनसीआरटी लाइन टू लाइन कराई है और आज भी पूरी एनसीआरटी लाइन टू लाइन कराने वाले हैं मतलब नीट के हिसाब से एकदम हंड्रेड परसेंट जो भी बेस्ट हो सकता है ठीक है तो आज स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू आगे यहां तक कोई एकदम क्लियर है लास्ट लेक्चर तक का बिल्कुल क्लियर है ठीक है तो पीवीआर 322 से रिलेटेड जो फ्यूजन हो गया था वो एकदम क्लियर है ठीक है? R1, में बाहर होता है अंदर नहीं होता एकदम तो तो क्लियर तो ठीक है तो समझना तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में एप्लीकेशंस क्या है ठीक है तो मेन टारगेट है एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है क्या देखो अब आपको पता होगा मतलब आप पता ही नहीं होगा कि आपके एटमोस्फियर में वो क्या क्या चीजें आप यूज कर रहे हो जो वाकई में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो ठीक है प्रिपेयर हो रहे हैं तो अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसकी एप्लीकेशन है कहां ठीक है अगर आप ठीक है रिकॉम डीन टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक वैक्सीन है आपको पता बताइए हेपेटाइटिस बी की उस वैक्सीन को लगवाने जाते हो तो वहां बायोटेक्नोलॉजी यूज की गई है आप समझ रहे हो इसके अलावा मार्केट में देखिए इंसुलिन जो मार्केट में जो कॉमनली सब लोग यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना हुआ है मेडिसिन में इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बहुत सारे क्रॉप ऐसे हैं ठीक है जो बायोटेक्नोलॉजी से इनको मॉडिफाइड किया गया है ठीक है यानी कह सकते हो कहीं ना कहीं उनको रजिस्टेंस पावर दी गई है जो पेस्ट से रजिस्टेंस इंसेक्ट से रजिस्टेंस तो रजिस्टेंस पावर बायोटेक्नोलॉजी दी गई दी गई है इसके अलावा और आपको पता नहीं होगा आप घर में भी बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट यूज करते हो जैसे आज की डेट में जो तो फ्रूट्स आते हैं बेटा ठीक है जैसे आप टमेटो की बात कर लो टमेटो हम एग्जाम्पल यूज करेंगे ठीक है ट्रांसजेनिक टमेटो ठीक है फ्लेवर सेवर तो नॉर्मल पुराने टाइम पर क्या होता था या उससे पहले जब टे, टे, टेक्नोलॉजी यूज नहीं की थी तो टमेटो है जैसे सपोज उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ठीक है तो रास्ते में कहीं ठीक है टाइम लग गया ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो उसके अंदर एक जीन होता है वो एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर के एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जो उसको सॉफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो कभी कभी क्या होता था बड़े लार्ज स्केल पर ठीक है इसको कहते हैं पोस्ट हर्वेस्ट लॉस तो हार्वेस्टिंग के बाद बहुत बड़ा लॉस के सारा सारा टमाटर सड़ गया आपका ठीक है तो इस लॉस से बचाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज की गई ठीक है इसमें आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू हमने उस जीन को साइलेंट कर दिया जो इसकी सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था तभी तो देखा होगा आज के डेट में आप मार्केट से आप कोई भी फ्रूट्स लेके आते हो ठीक है तो ऑटोमेटिकली इनको ट्रीट करके दिया जाता है ठीक है कि मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे होते हैं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल उसमें अभी सॉफ्टनिंग स्टार्ट ही नहीं हुई बट आप घर लाते हैं कुछ दिनों में सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो जब मार्केट में आते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद आते हैं जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा वो वैसे के वैसे ही रहेंगे आपको देने से पहले उनको ट्रीट कर दिया जाता है देन अगेन ठीक है पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो एकदम सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाती है तो इससे बहुत बेहतर तरीके यानी एक्चुअल में देखा जाए तो आपके आसपास बायोटेक्नोजी बहुत यूज हो रही है ठीक है इसके अलावा डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स लाइक ग्रोथ हॉर्मोन्स बायोटेक्नोलॉजी से बन रहे हैं ठीक है इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो हमने आपको समझाया था एम डिसऑर्डर ठीक है जिसमें बताया था कि ठीक है लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं

अगर देखा जाए तो आपके आसपास बायोटेक्नोलॉजी रोटेट कर रही है घूम रही है कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं आपसे इंटरेक्ट भी हो रहे हो ठीक है तो वही तो समझना है कि कहां कहां इसकी एप्लीकेशन हैं ठीक है तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां होता है आर इंटरफेरेंस मतलब अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं आर एन इंटरफेरेंस है क्या ठीक है जो आज बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा ठीक है मतलब कोशिश करूंगा कि ये बहुत बेहतरीन मतलब आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में है क्या जीन थेरेपी जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में हर साल क्वेश्चन आ रहा है जीन थेरेपी से वो हम क्लियर करने वाले हैं ठीक है थीके? तो चलो आज हमारा टारगेट क्या है भाई एग्रीकल्चर में हम फोकस करेंगे कि क्या क्या चीजें एग्रीकल्चर में हम यूज कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है और मेडिसिन में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं एनसीआरटी ने मेडिसिन में जो दिया है वो इंसुलिन दिया है तो इंसुलिन कैसे बनाते हैं ठीक है क्या प्र... उसका प्रोसेस है ठीक है किस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज किया गया वेक्टर क्या यूज किया होस्ट क्या यूज किया ठीक है किस तरीके इसका फॉर्मेशन जो एनसीआरटी में रखा पूरा क्लियर करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आती है बायोटेक्नोलॉजी मैंने बताया था एप्लीकेशन हम एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले हैं उसकी एप्लीकेशन हम मेडिसिन में पढ़ने वाले हैं ठीक है फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ने वाले हैं ठीक है फिर बायोथिक्स जो फाइनली हम इसको फिनिश करेंगे ठीक है तो अब सबसे पहले एग्रीकल्चर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं समझो अगर लेटेस्ट देखा जाए कि एग्रीकल्चर के क्या क्या तरीके हैं भाई एक तो आप ठीक है डिफरेंट टाइप के आप केमिकल्स यूज करते हो बायो फर्टिलाइजर्स नॉर्मल एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर आप यूज करते हो जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो ठीक है तो एग्रोकेमिकल बेस्ड का मतलब है ऐसे केमिकल जो क्रॉप कल्टीवेशन या क्रॉप के ठीक है लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बढ़िया क्रॉपिंग के लिए वो सारे के सारे क्या के? है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर वो यही तो हो रहा है ठीक है भाई यूरिया लगा रहे हो डिफरेंट टाइप के आप फर्टिलाइजर्स लगा रहे हो केमिकल्स लगा रहे हो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो उसके लिए सब केमिकल्स हैं ठीक है फिर आगे जाकर के देख रहे हो आज की डेट में एक नया ट्रेंड चला है ठीक है क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कहीं ना कहीं बात करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जिसमें आप ठीक है नॉर्मली आप ठीक ठीक है है बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो यहां भाई ऑर्गेनिक टर्म आ गया तो हर चीज बायोलॉजिकल बायो होगी भाई बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो बायो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो यहां पर ठीक है यानी बायोलॉजिकल सब्सटेंस यूज कर रहे हो ठीक है तो कहीं ना कहीं इससे क्रॉप बेहतर होती है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एटमोस्फियर भी इको फ्रेंडली होता है क्योंकि तो केमिकल के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं ठीक है अब आप यूरिया यूरिया कंटिन्यू दोगे ठीक है जैसे तो यूरिया के साइड इफेक्ट तो अपने हैं ही ठीक है थीके? तो 100 परसेंट बेटर है और इससे थोड़ा क्रॉप में और बेटर ठीक है कह सकते हो कि और, पर ये बहुत कॉस्टली पड़ता है तो हर फार्मर इसको यूज नहीं कर सकता ठीक है फाइनली हम बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर जो लेटेस्ट क्योंकि अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं भाई ग्रीन रिवोल्यूशन जरूरी है जिस तेजी से मैंने बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तेजी से ना तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हम हमें फूड प्रोवाइड करा पाएगा बेटा ना तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बेस्ड ठीक है तो अब हमने क्या किया एग्रोकेमिकल के साथ ऑर्गेनिक के साथ साथ हमने एक और टेक्नोलॉजी इसमें ऐड कर दी जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप ठीक है तो इस क्रॉप से हम क्या करेंगे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे कोशिश करेंगे क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मेंटेन हो ठीक है तो अब इन तीनों को मिलाकर के जो हम इस एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं ठीक है वो क्या काम कर रहा है? ग्रीन का काम कर कर रहा रहा है है ग्रीन का तो अब हम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ग्रीन रेवल्यूशन के लिए जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर किस तरीके से हो रहा है किस तरीके से हम प्लांट को मॉडिफाइड कर रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है वो मैं समझाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस में है क्या क्या करना है आपको कैसे ठीक है तो अब आपको अच्छा एक चीज ध्यान रखना ये तो पता तो होना चाहिए जैसे एग्रोकेमिकल बेस्ड के अंदर हम जो यूज कर रहे हैं मैं थोड़ा हिंट तो दे देता हूं आपको पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं फंजीसाइड यूज करते हैं हर्बिसाइड्स यूज करते हैं ठीक है इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं ऑल आर पेस्टिसाइड्स ठीक है अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जहां ऑर्गेनिक टर्म आ गया तो ऑर्गेनिक के अंदर आपने सुना होगा अक्सर कर ठीक है बायो फर्टिलाइजर जितने भी बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं ठीक है ये बायो कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है थीके? या कह सकते हो तो बायो बायोलॉजिकल टर्म आ गया ठीक है तो बायो पेस्टिसाइड्स बायो कंट्रोल लगाते हैं इसके लिए बायो टर्म आ गया ठीक है बायो तो कहीं ना कहीं बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड बायो कंट्रोल ये किस में आ गया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर आ गया और अभी जो हम बात कर रहे हैं ठीक है जेनेटिकल इंजीनियरिंग इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन ये क्वेश्चन तीन तरीके के बन सकते हैं ठीक है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवल्यूशन तो इतना क्लियर हो गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है ठीक है भाई एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या है क्या यूज करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन किस पर बेस्ड है मतलब ये तो इंक्लूड है ही साथ में जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर अब वो क्या है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर ठीक है तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा यहां एनिमल्स को प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं एडिशन एंड डिलीशन ऑफ जीन ठीक है जो हार्मफुल जीन्स हैं उनको डिलीट कर रहे हैं जो बेनिफिशियर जीन्स हैं उनको एड कर रहे हैं तो यही तो है जेनेटिकल इंजीनियरिंग और किसी भी प्लांट में आप किसी फॉरेन जीन को आप इंट्रोड्यूस कर देते हो तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है यही तो है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड की अगर बात करते हैं तो किस भाई कहां यूज हो रहा है तो मैंने बताया था आज की डेट में परेशानी फार्मर्स को कहां पर है आपको पता है कि कोल्ड पड़ गया ठीक है क्रॉप का लॉस हो गया बहुत बड़े लेवल पर ठीक है ड्रॉट सूखा पड़ गया लॉस हो गया बहुत साल्टी सॉइल है तो बहुत नुकसान वहां कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं होगा हीट ज्यादा हो गई तो नुकसान हो गया तो कहीं ना कहीं जो एबायोटिक समझ रहे हो स्ट्रेस है तो ऐसे क्रॉप किए जो देखा होगा कहीं वही बारिश ज्यादा हो गई या कहीं ओले पड़ गए बहुत ज्यादा ठीक है बर्फ के जो गोले होते हैं तो उससे क्रॉप को नुकसान हो गया तो बहुत सारे एबायोटिक स्ट्रेस हैं तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्रॉप को क्या किया जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जो इसमें इंक्लूडेड है ठीक है तो मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस तो पहला टारगेट तो हम ये लेके चल रहे हैं दूसरा रिड्यूस ठीक है रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड भाई धीरे-धीरे हमें क्या करना पड़ेगा जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनसे अपना जो विलीफ है वो कम करना होगा क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा यूज करोगे तो वो इको फ्रेंडली नहीं होते आपको पता ही है जितने भी आप केमिकल आप क्रॉप में यूज करोगे वो कही कहीं ना कहीं क्रॉप में एडिड होंगे क्रॉप में एडिड होंगे तो आपकी हेल्थ को कही कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेंगे ये आपको पता ही है तो कैसे भी उस पर थोड़ा हमें कम डिपेंडेंसी रखने पड़ेगी और आगे उसको रिप्लेस करना होगा पर अभी जैसे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए तो उस पर डिपेंड अभी तो है ही हम हां पर इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है पेस्ट रजिस्टेंस क्रॉप किस तरीके से आप ठीक है पेस्ट भाई आप नॉर्मली क्या करते हो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो तो वो एक तरीके से पॉइजन है पॉइजन कहां जाएगा क्रॉप में जाएगा क्रॉप से उसके सीड में उसके अंदर डिपॉजिट होगा ठीक है उसको आप फूड में फूड की तरह यूज करोगे तो आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो क्यों ना हम क्रॉप को ही मॉडिफाइड कर दें और पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना दें जो टेक्नोलॉजी हम करने वाले हैं इसमें हम दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं आपके लिए दो टेक्निक यूज करेंगे इसके अंदर अब क्या क्या टेक्निक यूज करने वाले हैं पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप के लिए एक तो मैं एग्जाम्पल देंगे आपको बीटी टॉक्सिन का एक एग्जांपल देंगे हम आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई आरएनएआई का मतलब पता है आरएनए इंटरफेरेंस तो बीटी टॉक्सिन पढ़ाएंगे आपको इस बीटी टॉक्सिन को हम किस-किस क्रॉप बीटी टॉक्सिन के जीन से हमने किस-किस क्रॉप को मॉडिफाइड किया है डिटेल में आपके सिलेबस के अंदर कॉटन का दे रखा है बीटी कॉटन ठीक है उसको तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे उसके जीन को समझाएंगे मतलब इतना है आज मैं इस चैप्टर को आपके ब्रेन में सेट करा के ही मानूंगा ये पक्की बात है ठीक है चाहे अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो तो आज सेट होगा ही होगा ही ठीक है हंड्रेड परसेंट ठीक है तो क्वेश्चन मैं जो लिख रहा हूं वो डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो समझना मैं इसलिए लिख रहा हूं क्वेश्चन आएगा पेस्ट रजिस्टेंस क्रॉप ठीक है कौन किस किस टेक्निक के थ्रू ठीक है मॉडिफाइड होते हैं आप बोलोगे बीटी टॉक्सिन के, बी के थ्रू हमने इस पर वर्क किया है और आर एन इंटरफेरेंस ये दोनों ही टेक्निक यूज की जाती है पेस्ट रजिस्टेंस क्रॉप को बनाने के लिए यानी ऐसे क्रॉप जिनमें पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो क्रॉप खुद ही मॉडिफाइड हैं अब वो कैसे होता है वो मैं डिटेल में समझाऊंगा ठीक है इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं ठीक है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मैंने बताया था ना कि हार्वेस्टिंग हो गई बहुत बढ़िया भाई ठीक है क्रॉप कल्टिवेशन बहुत बढ़िया हो गया हार्वेस्टिंग भी कर लिया हमने भाई टमेटो का हमने एग्जाम्पल दिया उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में कहीं जैम लग गया तो बड़े पैमाने पर जो टमेटो थे ठीक है उनमें वो जीन एक्टिवेट हो जाएगा भाई उसका तो टाइम अपना

ट्रांसजेनिक टमेटो हम इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टमेटो किसमें आ जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को ठीक है क्या एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इसके अलावा इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल ठीक है ये तो हम खैर इसमें एग्जाम्पल नहीं दे रखा इसका इनहांस एक ये भी एग्जाम्पल हम देने आपको पढ़ाने वाले गोल्डन राइस गोल्डन राइस का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इन्हांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड जैसे कई जगह ऐसी हैं बेटा जहाँ पर विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर विटामिन ए डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि तो वहां जिस टाइप का फूड मिलता है उसमें विटामिन ए डेफिशिएंसी होती ही है ठीक है बहुत सारे ऐसी जगह हैं वर्ल्ड में जहां के लोग लोगों को विटामिन ए डेफिशिय होती है ठीक है तो पर वहां पर पानी बहुत ज्यादा है तो इसलिए वहां पर लोग चावल ठीक है राइस इनटेक करते हैं तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया उन्होंने कहा राइस को ही मॉडिफाइड कर दिया जाए क्योंकि वहां पर फाइव ईयर तक के बच्चों को विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से वही कह सकते हो ब्लाइंडनेस तक हो जाती है और कई केसों में डेथ भी हो जाती है ठीक है बहुत बड़े लेवल पर ठीक है तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पर राइस को मॉडिफाइड कर दिया गया ठीक है और हमने ट्रांसजेनिक राइस बनाया ठीक है गोल्डन राइस बोलते हैं जो कह सकते हैं उसमें विटामिन ए कंटेंट बहुत ज्यादा था आप समझो मतलब नॉर्मल राइस में तो विटामिन होता है नहीं है कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है बट हमने यही तो मॉडिफिकेशन है यानी हमने उसको ट्रांसजेनिक कर दिया मॉडिफिकेशन कर दिया उसका जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया तो वही हम पढ़ने वाले हैं तो आज हमारा टारगेट क्या क्या है बीटी टॉक्सिन आरएनए एन फ्लेवर सेवर ठीक है ट्रांसजेनिक टमेटो और गोल्डन राइस जिसमें वैटामिन ए वाइटामिन ए होता है तो ये हमारे टारगेट हैं एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्चुअल तो एक एक करके चलेंगे ठीक है एक एक कंसेप्ट कर क्लियर करते हुए चलेंगे कोई भी डाउट हो तो मुझे बताते जाना आप ठीक है कोई भी डाउट आपको लग रहा है मैं देखता जाऊंगा साउंड मेरी रुक जाए तो मुझे इंडिकेट कर देना ठीक है क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं जाएगी आज ठीक है मैं पर्टिकुलर टाइम के अंदर फिनिश करूंगा कोशिश करूंगा क्योंकि तो ऑलरेडी थोड़ा लेट ही हुआ है स्टार्ट चलो आगे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन राइस ठीक है गोल्डन राइस जो नॉर्मल ने, नेम है इसका ओराइजा सटावा ध्यान रखना ठीक है ओराइजा सटाइवा भाई ट्रांसजेनिक वैरायटी है इसमें क्या होता है इसके अंदर खास बात है बीटा कैरोटीन जिसको प्रोविटामिन ए बोलते हैं ये तो आपको पता भी है कि हम बीटा कैरोटीन इंटेक करते हैं लिवर का काम होता है ए में कन्वर्ट करना में कन्वर्ट होती है ए के अंदर तो हम जो कर रहे हैं वो प्रो विटामिन ए बीटा कैरोटीन इंटेक कर रहे हैं ठीक है तो बीटा कैरोटीन कन्वर्ट इंटू विटामिन ए ये वर्क किसका है लिवर का तो अगर हम इस जीन को आइडेंटिफाई कर लें तो क्या मैकेनिज्म है ठीक है एक बात दिमाग में बैठाना अगर किसी भी जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है आप क्या यूज करने वाले हो एग्रो बैक्टेरियम ट्यूम ठीक है किसी भी जीन को एनिमल में इंट्रोड्यूस करना है आप क्या यूज करने वाले हो रेट्रोवायरस किसी भी जीन को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना है क्या यूज करने वाले हो प्लाजमेट ये कॉमन चीज आपको पहले चैप्टर में सेट करा दी है तो अभी हम मोस्टली क्या यूज करने वाले हैं प्लांट भाई मॉडिफाइड प्लांट बना रहे हैं तो मैक्सिमम केस में हम वेक्टर क्या यूज करने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियम बैक्टेरियम आप समझ गए ना मेरी बात और एग्रोबैक्टीरियम में भी क्या टीआई प्लाजमेट तो अब एक बात क्लियर हो गई कि जितने भी हम अभी एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं उसमें मोस्टली हम एग्रोबैक्टीरियम यूज करेंगे उसका टीआई प्लाजमेट यूज करेंगे ठीक है ठीक है किसी भी प्लांट को मॉडिफाई करने के लिए तो अब बहुत बेहतरीन तरीके समझाता हूं ये वाली बात ठीक है कोशिश करते हैं देखो डेफोडिल समझो एक क्रॉप है डेफोडिल ठीक है येलो कलर के फ्लावर होते हैं इसके अंदर ठीक है अगर सर्च करो कि नेट पे मिल भी जाएगा ठीक है तो डेफोडिल एक क्रॉप है जो बहुत बड़े पैमाने पर पे कल्टीवेट होती है इसमें खास टाइप का एक जीन होता है भाई बीटा कैरोटिन ठीक है जो कि वाइटामिन ए की, की फॉर्म है फॉर्म है इनिशियल फॉर्म है तो हमने क्या काम किया अगर अपने ठीक है कोई भी एक राइस की वैरायटी ली उसको हमें मॉडिफाई करना है मॉडिफाई का मतलब उसको ट्रांसजेनिक बनाना है मीस उसके अंदर कैरोटिन के जीन को ट्रांसपोर्ट करना है तो बीटा कैरोटिन के जीन को पहले आइसोलेट करोगे ना वही मैकेनिज्म आइसोलेशन तो कहां से करोगे आप डेफोडिल तो डेफोडिल से हमने क्या किया आइसोलेशन ऑफ बिल्कुल बेसिक तरीके समझाऊंगा सबसे पहले हम क्या करने वाले आइसोलेशन ऑफ ऑफ बीटा कैरोटीन जीन तो बीटा जीन को पहले आइसोलेट किया मेरी बात समझना बीटा कैरोटिन जीन को आइसोलेट किया कहां से आइसोलेट किया डेफोडिल क्रॉप से ठीक है डेफोडिल से आइसोलेट कर लिया भाई जीन तो आइसोलेट कर लिया आपने आप जानते कैसे आइसोलेट करते हैं भाई प्लांट है तो प्लांट के लिए आप क्या यूज करोगे सेलुलेज वॉल टूटेगी डीएनए आप आइसोलेट करोगे फिर डीएनए को क्या काम करोगे आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे कट करने के बाद अपना डिजायरेबल जीन को आइसोलेट करना है तो क्या काम करोगे आप जेल पर रन कराओगे आपका जो डिजायर्ड जीन है वो आपको मिल जाएगा क्या एक जीन थोड़े जीन से काम चल जाएगा ना क्या करोगे उसको एम्प्लीफाई कराओगे पीसीआर में डाल दोगे एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा अब आप स्टार्ट करोगे क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स अब उसका क्या बनाओगे आप रिकॉम्बिनेंट बनाओगे फिर ट्रांसफॉर्मेंट बनाओगे आप समझ गए ना मेरी बात जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जीन मिल गया आपको कौन सा जीन आपका डिजायरेबल जीन मिल गया बीटा बीटाटिन कहां से मिल गया प्लांट से बात। और क्या बनाना है? बिल्कुल कलर की होते हैं ठीक है और उसमें क्यों गोल्डन कलर की होते हैं ठीक है सोर्स हो है, है? होता है ठीक है तो अब आप क्या करने वाले हो आइसोलेशन कर लिया बीटाटिन जीन का अब क्या करने वाले हो आइसोलेशन के बाद इस जीन को इस जीन को हम दिखा देते हैं ठीक है बीटा कैरोटीन जीन हमने आइसोलेट कर लिया अब जीन को हमें किसके साथ जोड़ना है वैक्टर वैक्टर हम क्या यूज करने वाले हैं ठीक है भाई टी एग्रो बैक्टेरियम ठीक है टीआई प्लाजमेट बस एग्रो बैक्टेरियम टीआई प्लाजमेट के संग इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है कॉम्बिनेंट अगर रिकॉम्बिनेंट की बात करते हैं ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट ठीक है रिकॉम्बेंट मिल चुका आपको ठीक है बीटा का जीन आपने डेफोडिल से आइसोलेट किया एग्रोबैक्टीरियम आपने टीआई प्लाजमेट निकाल लिया इसमें इसको अटैच किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करोगे इस दोनों मैकेनिज्म के लिए क्या यूज करने वाले हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके दोनों को टैग कर दोगे बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट ठीक है रिकॉम्बिनेंट बन चुका है अब रिकॉम्बिनेंट को ठीक है एक टेम्पलेट कह सकते हो कि स्ट्रेन होता है राइस का उसमें आप इंट्रोड्यूस कर दोगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर गोल्डन राइस में ठीक है तो इसको आप एंटर करा दोगे टेम्पलेट और इसका मॉडिफिकेशन कर दोगे आप कन्वर्ट इनटू गोल्डन राइस तो गोल्डन राइस को बनाने के लिए आपने डेफोडिल से क्या क्या यूज किया बीटा केरोटिन के जीन को आइसोलेट किया जीन आपको मिल गया एग्रोबैक्टेरियम क्योंकि प्लांट को मॉडिफाई करना है एग्रोबैक्टीरियम से टीआई प्लाजमेट निकाला रिकॉम्बिनेंट बनाया और उठा करके ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया और बन गया गोल्डन राइस यानी नॉर्मल जो क्या कह सकते हो टेम्पलेट स्ट्रेन था राइस का मतलब नॉर्मल स्ट्रेन ठीक है उस नॉर्मल स्ट्रेन को आपने मॉडिफाई कर दिया और बना दिया गोल्डन राइस और आएगा सटाइवा ओराइजा सटाइवा ठीक है अब इसकी खास बात क्या थी इसके अंदर क्या था भाई इसके अंदर प्रो वाइटामिन ए क्या था प्रो वाइटामिन ए बीटा कैरोटीन था जिसको आप इंटेक करोगे राइस को इंटेक करोगे साथ साथ में प्रो विटामिन ए बीटा कैरोटीन भी आपके अंदर पहुंचेगा लिवर्स को विटामिन में कन्वर्ट कर देगा मींस जिन रीजन के अंदर लोगों में विटामिन ए डेफिशिएंसी थी वो राइस इंटेक करने से कंप्लीट हो जाएगी तो यही तो है यही टेक्नोलॉजी आगे यूज होने वाली है और हो रही है ठीक है तो बड़े लेवल पर यूज हो रही है धीरे इस उसमें वर्क चल रहा है कि साइड इफेक्ट भी देखे जा रहे हैं तो प्रॉपर स्टडी करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक गोल्डन राइस वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है यहां तक बताओ कोई डाउट है मैं एक एक टेक्निक को आपसे पूछता हुआ चलूंगा भाई एग्रीकल्चर में हम चार चीजें बताने वाले हैं गोल्डन राइस समझ में आ गया ठीक है सेकंड गोल्डन राइस समझ में आ गया समझ में आया तो थम चाहिए मुझे ठीक है प्यारी सी स्माइल और थम वो इंडिकेटर है कि हां समझ में आ गया बस मैं यही चाहूंगा कि लाइव में बहुत प्यारे बच्चे जुड़े हैं ठीक है क्योंकि प्यारे बच्चे जुड़ते हैं ठीक है तो मतलब थोड़ा सा टीचर को भी क्या लगता है यार बूस्टिंग मिलती है एनर्जी मिलती है अब दो तरीके हैं या तो लगता है यार बच्चे ऐसे ही है लाओ ठीक है खत्म करा दो ठीक है बच्चे लगता है बहुत बेहतरीन बच्चे हैं तो समझ रहे हो ना फिर एक अलग से अंदर से एनर्जी आती है लगता है यार अब तो बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म कराओ ठीक है तो आपके रिस्पॉन्सेज ठीक है मैंने बताया ना टीचर को बूस्ट करते हैं और तब टीचर में आग लगती है तो टीचर आप में भी आग लगा देगा मतलब खतरनाक तरीके से ठीक है आपको भी बूस्ट करेगा हर कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट करेगा ठीक है तो वह यही तरीका होता है ठीक है तो बस मैंने बताया जितनी देर क्लास चलेगी उतनी देर सीरियस रहो मैं हंड्रेड परसेंट ब्रेन में सेट करके मानूंगा ठीक है प्रिंसिपल को, को आपके ब्रेन में सेट करूंगा बिल्कुल कंसेप्टअल लेके चल रहा हूं ठीक है बिल्कुल कंसेप्टचुअल लेके चल रहा हूं तो आप थोड़ा समझो इस चीज को ओके 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 ओके, ओके। बहुत बढ़िया ये स्माइल इंडिकेटर है कि आग लग गई ओके तो बेसिक समझ में आ गया डायफोडिन लिया हमने कैरोटिन निकाला रिकॉम्बिनेंट बनाया ट्रांसफॉर्मेंट बनाया नॉर्मल जो ठीक है टेम्पलेट स्ट्रेन था राइस का उसको मॉडिफाई कर दिया गोल्डन राइस में जो एक बहुत बेहतरीन सोर्स बन गया वाइटामिन ए का कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आगे बढ़ते हैं अब सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं फ्लेवर सेवर टमेटो ठीक है मैंने बताया ना ये टमेटो पर ही अप्लाई नहीं करते आज की डेट में मैक्सिमम फ्रूट्स पर अप्लाई करते हैं को ठीक है जो मार्केट में आ रहे हैं बिल्कुल एकदम कच्चे से होते हैं देखा होगा अनराइब ठीक है बट आप घर में तीन दिन रख लोगे तुरंत तो ठीक है उसमें सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाएगी बहुत तेजी सॉफ्टनिंग स्टार्ट होती है क्योंकि आज की डेट में वो जीन स्विच ऑफ करके मार्केट तक आ गया जब तक वो स्टोर में है जीन्स स्विच ऑफ है ठीक है जब मार्केट में वो आता है तो ट्रीट करके दिया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद वो बहुत तेजी से उसमें सॉफ्टनिंग होती है समझ रहे हो ना मेरी बात तो बस समझना कि आखिर वो टेक्निक है क्या एक बहुत प्यारा सा हम बनाते हैं टमेटो ठीक है चलो तो अब यहां क्या है बेटा जीन है पर्टिकुलर जीन को भी रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर यह जीन क्या प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम ठीक है यह एंजाइम क्या काम करेगा यह एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा सॉफ्टनिंग ऑफ टमेटो responsible FOR SOFTENING OF FRUITS भाई फ्रूट्स की सॉफ्टनिंग के लिए एंजाइम नाम भी लिख देते हैं चलो उसका वैसे नाम की जरूरत तो नहीं है ठीक है 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 ये ये एक एंजाइम एंजाइम काम करता है? जब जीन एक्सप्रेस करता है तो ये इस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट ठीक है तो अगर आपने इस एंजाइम को साइलेंट कर दिया साइलेंट का मतलब शांत कर दिया स्विच ऑफ कर दिया तो ये मैकेनिज्म नहीं होगी तो किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को यानी उसके कह सकते हो प्रोटीन सिंथेसिस को ठीक है ट्रांसलेशन को ब्लॉक करने के लिए एक टेक्निक है इसको बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग या कह सकते हो आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करना जो बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आ, आगे ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर इस टोमेटो के इस जीन को जो पॉलीगेलेक्टो यूरिनेस को एक प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स ठीक है तो इसके लिए क्या, टेक्निक क्या यूज करने वाले आर एन ए इंटरफ्रेंस आर एन ए आई आर एन इंटरफ्रेंस यूज करेंगे इस आर एन करने वाले हैं आरएनए इंटरफ्रेंस क्या का काम करेगी ये अच्छा एक आरएनए इंटरफेरेंस भी हो सकते हो उसके अच्छा क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछे गए आर एन भी हो सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक है एंटी सेंस एंटी सेंस आर एन ए आर एन आर एन ए इंटरफ्रेंस या एंटी सेंस आर एन ए के थ्रू उसको ब्लॉक करना या ऐसे भी बोल सकते हो ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए ऐसे तो भी क्वेश्चन आता है ऐसे भी क्वेश्चन आता है और ऐसे भी क्वेश्चन आता है बिल्कुल उस फॉर्म में करा रहा हूं जिस फॉर्म में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ कि मेरा एक ही टारगेट है नॉलेज हो वो एक अलग बात है पर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आता है आप कर पाओ ठीक है तो बस वो टारगेट हमको ले चल रहे हैं ठीक है तो एंटी सेंस आर अब आप कहोगे सर एंटी सेंस आरएनए क्या होता है अभी समझाता हूं बहुत डिटेल में समझाता हूं इस चीज को पूरा आर एन ए इंटरफेरेंस समझाऊंगा विद एंटी सेंस सेंस क्या होता है बेटा पूरी मैकेनिज्म समझाने वाला हूं पर अभी इतना ध्यान रखो कि यहां पर आरएनए इंटरफ्रेंस या एंटीसेंस आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके थ्रू हम क्या कर देंगे यहां पर जीन को ब्लॉक कर देंगे ठीक है ब्लॉक कर देंगे ठीक है इसको हम ब्लॉक कर देंगे ब्लॉक करने के बाद जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा जब जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा एंजाइम नहीं बनेगा एंजाइम नहीं बनेगा तो उसकी सॉफ्टनिंग नहीं होगी और सॉफ्टनिंग नहीं होगी तो इस टमेटो को या कोई भी फ्रूट्स हो उसको आप लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो इसी को बोलते हैं पोस्ट हर बेस्ट लॉस आप समझे ना प्रिवेंट करना तो इस टेक्नोलॉजी से तो कर पाए अगर हम आर एन नहीं समझ पाते नहीं जानते और इस बेटेक्नोलॉजी यानी इस टेक्निक को अप्लाई नहीं करते तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से तो फार्मर परेशान था ही आपको पता है तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में जो फ्रूट्स को ठीक है हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले लॉस से बचाने के लिए हम उस जीन को आइडेंटिफाई कर पाए जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था फिर उस जीन को साइलेंट करने के लिए उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक करने के लिए आप समझ रहे हो हमने आरएनए इंटरफेरेंस या एंटीसेंस आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज किया और उस जीन को हमने क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया साइलेंट कर दिया स्विच ऑफ कर दिया आप समझ गए ना मेरी बात जिसकी वजह से एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ और एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो जो नेचुरल मैकेनिज्म होनी थी वो नहीं हुई ठीक है एकमा क्लियर है बिल्कुल यानी अब ये भी समझ में आ गया कि फ्लेवर सेवर टमेटो यह ट्रांसजेनिक टोमेटो है ये क्या है ट्रांसजेनिक टोमेटो है इट इज अ ट्रांसजेनिक टोमेटो जिसको आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब है इसमें उस एंजाइम को बनाने वाले जीन को साइलेंट कर दिया है समझ रहे हो जो इस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था पोस्ट हर बेस्ट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल था एकदम क्लियर है तो दो टेक्निक आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी बेटा दोनों टेक्निक में अब कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ दो टेक्निक आपकी क्लियर हो गए गोल्डन राइस क्या है ठीक है बैक्टेरियो बेटा कहां पर दिया है जब मैंने बताया ना यूज़ करोगे? क्या फेस प्लांट को इन्फेक्ट करता है बैक्टेरियो फेस कहां इन्फेक्ट करेगा बैक्टेरियो बैक्टीरिया को करेगा तो यहां बैक्टीरिया कॉमन सेंस तो लगाओ यार ठीक है ठीक है आपके मैसेज पढ़ता हूं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि तुम कॉमन सेंस नहीं लगाते हो ठीक है बैक्टेरियो कहां जब बैक्टीरिया में किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना है तो बैक्टीरियो फेस यूज करोगे अब प्लांट के लिए तो एक ही याद रखना है आपको टीआई प्लाजमेट ठीक है भाई टीआई कोई तो मॉडिफाई करके हम किसी भी जीन को प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं वो हमने आपको सारी टेक्निक दी आपको ठीक है प्लांट के अंदर टीआई प्लाजमेट यानी एग्रो बैक्टीरियम ठीक है एग्रो बैक्टीरियम एनिमल केस में एक बस फिक्स कर लो ब्रेन के अंदर एकदम कंसेप्ट एनिमल के अंदर किसी भी जीन को आप इंट्रोड्यूस करोगे रिट्रो ठीक है प्लांट के लिए बता दिया मैंने और अगर बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना है ठीक है तो आप क्या यूज करोगे भाई यूज कर सकते हो क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वही ट्रांसफर करेगा जीन को आप समझ गए ना मेरी बात तो और हां अगर बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना है तो प्लाजमिक भी यूज करते हैं तो वेक्टर प्लाजमिक भी यूज कर सकते हो वायरस यूज करोगे तो बैक्टेरियो फेस वायरस यूज करोगे ठीक है तो दो तरीके हैं बैक्टीरिया के लिए एकदम क्लियर कट हो जाना चाहिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है बस एग्रोबैक्टीरियम ध्यान रखना है तो ये प्लांट के लिए यूज करेंगे एनिमल के लिए एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है सिंपल तरीके से तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा ओके 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 चलो तो दो टेक्निक क्लियर हो गए अब हम आगे बढ़ते हैं बीटी टॉक्सिन थर्ड टेक्निक ठीक है मैंने फोर टेक्निक समझानी थी एग्रीकल्चर के अंदर ठीक है दो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं बीटी टॉक्सिन से क्वेश्चन आता है ठीक है बीटी टॉक्सिन है क्या ठीक है समझाऊंगा फिर उसकी किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं प्लांट को वो समझाता हूं फिर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक आएगी आरएनए इंटरफेरेंस तो पहले समझो बीटी टॉक्सिन यहां हम क्या कर रहे हैं अब तक हम प्लांट्स को पेस्ट से बचाने के लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल पेस्टिसाइड्स देखे होंगे पहले के लोग क्या करते थे एक कोई शोल्डर पर एक बहुत बड़ी कैन को हैंग करते थे ठीक है एक बड़ा पे एक, 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 ठीक है स्प्रेयर होता था उसको स्प्रे करने के लिए एक केमिकल्स होते थे केमिकल्स तो को स्प्रे करते थे क्रॉप के ऊपर देखा होगा आपने फार्मर्स उस समय ठीक है क्योंकि उसमें केमिकल्स होते थे एक तरीके से बोल सकते हो वो ठीक है डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स थे फंजी साइट्स, साइट्स, उनको स्प्रे करते थे तो वो क्रॉप से अंदर भी जाएंगे कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के साथ भी समझ रहे नुकसान हो सकता है तो उसको रिप्लेस किया साइंटिस्टों को एक चीज मिली एक बैक्टीरिया ठीक है समझना एक ऐसा बैक्टीरिया था ठीक है बेसिलस ठीक है तो एक ऐसा बैक्टीरिया था उसके अंदर एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होते थे समझना उसमें एक एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होते थे अगर उन एंडोटॉक्सिन को या उस बैक्टीरिया को कोई इंसेक्ट इंगल्फ कर ले या खा ले उसको समझना मेरी बात तो वो एंडोटॉक्सिन उस इंसेक्ट में जाकर के एक्टिव हो जाते थे और उस इंसेक्ट की डेथ कर देते थे यार ये चीज तो बड़ी अच्छी मिल गई साइंटिस्टों को समझना मेरी बात फिर से समझना मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं इस चीज को तो अच्छे से समझ में आएगा देखो मानो एक लीफ है प्लांट है लीफ जब आपने इसको बोलेंगे एक तरीके से ठीक है यहां पर आपने किसी केमिकल को यूज नहीं किया यहां पर आपने एक बैक्टीरिया इतना समझ में आ गया कि इस बैक्टीरिया के पास खास बात क्या है ये अपने अंदर कुछ टॉक्सिंस बनाता है एंडोटॉक्सिंस एंडो का मतलब अंदर एक्सो का मतलब जो बाहर रिलीज होते हैं तो एंडोटॉक्सिंस इस बैक्टीरिया के अंदर ही बनते थे आप समझना मेरी बात एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर ही प्रोड्यूस होते थे ठीक है तो समझना मेरी बात अगर इन एंडोटॉक्सिन की बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब, ठीक है जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी में भी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में आपको बताया है कि इन इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि एक्टिव फॉर्म में अगर एंजाइम का फॉर्मेशन हो गया तो वो सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे जिसके अंदर इनका फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है तो ये टॉक्सिन ऐसे है जिससे बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये टॉक्सिन कब एक्टिवेट होते हैं जब इनको एल्कलाइन मीडियम मिलता है ठीक है तब ये एक्टिवेट होते हैं और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो समझना मेरी बात ये वहां पर पोर क्रिएट कर देते हैं तो बैक्टीरिया को नुकसान नहीं है बैक्टीरिया के अंदर कोई कोई गट नहीं है है यहां पे एसिडिक और मीडियम हो ठीक हमको भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा अपर वाला पार्ट टोटली एसिडिक होता है और एसिडिक मीडियम के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब एक्टिवेट कहां होते हैं अगर ये एल्कोलाइन मीडियम में एंटर कर गए तो वहां पर एक एंजाइम होता है ठीक है प्रोटीओलिटिक एंजाइम या कह सकते हो प्रोटी एस एक्टिव कर देता है और एक्टिव अगर हो गया ये और एल्कलाइन मीडियम के अंदर डायरेक्टली इसको मिल गया तो ये वहां पर पोर क्रिएट कर देगा अब समझना मेरी बात तो हमने क्या काम किया इस बैक्टीरिया की खास बात बेसिलस ठीक है थ्योरिन जो बैक्टीरिया है इसकी खास बात क्या थी कि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करता था एंडोटॉक्सिन जो इनएक्टिव होते थे ठीक है इस बैक्टीरिया को हमने स्प्रे कर दिया पूरे भाई लीफ पर या क्रॉप पर स्प्रे कर दिया सॉल्यूशन बना करके ठीक है ये बायोपेस्टिसाइड होगा एक तरीके से बायोपेस्टिसाइड अगर हम इसको हम दिखाते हैं एक इंसेक्ट दिखा देते हैं आप कोई इंसेक्ट आया इंसेक्ट मान लोग बिठा देते हैं इंसेक्ट ठीक है मान लो ये इंसेक्ट है ठीक है कोई इंसेक्ट आया उस लीफ को खाना स्टार्ट कर दिया इसने ठीक है लीफ को खाना स्टार्ट कर दिया तो इनडायरेक्टली इस इंसेक्ट के अंदर ये बैक्टीरिया भी एंटर कर जाएगा बिल्कुल तो समझना आराम से ठीक है हमने बेसिलस ठीक थ्रेन जिन्सिस बैक्टीरिया को यूज किया है जिसकी खास बात है ये एंडोटॉक्सिन बनाता है इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं इसलिए बैक्टीरिया को कोई लॉस नहीं है हमें भी कोई लॉस नहीं है क्योंकि हमारा अपर मीडियम एसिडिक होता है स्टमक तो तो हाईली एसिडिक होता है पर लॉस किसको होने वाला है इंसेक्ट यह क्या है इंसेक्ट जब कोई इंसेक्ट आएगा और इस लीफ को ठीक है खाना स्टार्ट करेगा तब उसके अंदर खिलोने वाला है अब क्या होने वाला है आप देखो उसके संग क्या होने वाला है ठीक है अब ये एंटर कहां करेंगे गट एंटर इन गट ऑफ इंसेक्ट यानी अब ये टॉक्सिन जब इंसेक्ट खाएगा तो बैक्टीरिया भी जाएगा बैक्टीरिया जाएगा तो इंसेक्ट की गट में जाएगा स्पेशली मिड गट में ठीक है गट ऑफ इंसेक्ट में एंटर करेगा और वहां पर मीडियम कैसा होता है ठीक है मिड गट यहां पर मीडियम होगा एल्कलाइन मीडियम यानी ये एंटर कर जाएंगे इसके एल्कलाइन मीडियम वाली मिड गट में और वहां पर क्या हो जाएगा एक्टिवेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन एक्टिवेशन ऑफ एंडो टॉक्सिन और जब एंडोटॉक्सिन एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या काम करते हैं उसकी मिड गट में पोर क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है ठीक इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ इंसेक्ट

जितने भी फार्मर्स हैं क्रॉप के ऊपर वो बायोपेस्टिसाइड जिससे ना हमको कोई लॉस है ठीक है इन्वायरमेंट भी इको फ्रेंडली है सारा का सारा बहुत बेहतरीन है कहीं केमिकल्स यूज नहीं हो रहे हैं ठीक है सॉइल को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा क्रॉप को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा पर इंसेक्ट को हो रहा है ठीक है तो बेहतरीन तो पहले हमने समझ में आया ना अभी स्प्रे की बात चल रही है तब साइंटिस्टों ने कहा यार बहुत हो गया तब तक क्या क्या आई बायोटेक्नोलॉजी आई बायोटेक्नोलॉजी आई तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इसके भाई इसके जो एंटोटॉक्सिन बन रहे हैं इसको बनाने के लिए जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है हमने उस जीन को ढूंढ लिया क्राई जीन सी आर वाई क्राई बहुत टाइप के क्राए होते उस जीन को आइडेंटिफाई किया ठीक है अब क्या करना है वैक्टर चाहिए टी वेक्टर में अटैच किया क्या बनाया रिकॉम्बिनेंट और एंटर करा दिया डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर यानी अब जो एंडोटॉक्सिन कहां बन रहा था ये एंडोटॉक्सिन समझ हो ना मेरी बात बैक्टीरिया के अंदर बन रहा था अब यही एंडोटॉक्सिन

अब ये झंझट ही खत्म कर दिया क्या कि भाई स्प्रे करो बायोपेस्टिसाइड या नॉर्मल ठीक है के, के, केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स कुछ चक्कर ही नहीं है अब अब क्रॉप को ही जेनेटिकल मॉडिफाई कर दो क्रॉप अपने को खुद प्रोटेक्ट करेगी जैसे हमने बताया था आपको ठीक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पहले हम होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन देते थे ठीक है आगे जाकर के सब यूनिट वैक्सीन स्टार्ट कर दी और लेटेस्ट हम क्या करने वाले हैं डीएनए वैक्सीन यानी हमने डीएनए को ही आपके अंदर इंड्यूस कर दिया अब डीएनए जाएगा आपकी सेल के संग मिक्स हो जाएगा और आपके अंदर ही वो प्रोटीन बनने चालू हो जाएंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे तो सेम वही चीज तो यहां कर रहे हैं ठीक है एक तरीके से प्लांट को हमने उन इंसेक्ट से वैक्सीनेट कर दिया समझ पा रहे हो ना मेरी बात बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझाने वाला हूं कि छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए कि है क्या ठीक है तो ये टेक्निक समझ में आई बेसिक समझ में आया कि एक्चुअल में है क्या अभी मैंने टेक्नोलॉजी स्टार्ट नहीं की अभी तो मैंने आपको बेस बताया है कि टॉक्सिन क्या थे किसके अंदर बनते थे पहले फार्मर्स क्या करते थे वो कहानी समझा दी मैंने आपको अब इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं किस पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं ठीक है तो यहां तक समझ में आया हो बेटा तो रिस्पॉन्स दो अगर यहां तक समझ में आया तो रिस्पॉन्स चाहिए बेटा आज मान के चलो आपका लास्ट लेक्चर है ठीक है रिस्पॉन्स धीरे में कभी मत छोड़ना ठीक है तो क्योंकि तो लगभग लगभग एंड ही है अगर एक लेक्चर मिलेगा तो एक घंटे का शायद लेक्चर और होगा ठीक है स्ट्रेटेजी का वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर पर मोस्टली जो मेन लेक्चर वो आज है ठीक है तो लेक्चर के बाद भी अपने रिस्पॉन्स जरूर देना ठीक है तो जो भी है जिससे थोड़ा सा ठीक है समझ में आ गया यानी कोई डाउट नहीं है ओके okay. अब देखो बीटी टॉक्सिन पहले मैं मैंने एनसीआरटी की सिंगल लाइन भी कराऊंगा ठीक है सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल्स आर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की बात कर रहे हैं तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की अगर हम बात करते हैं बेटा

भाई बीटी मैनी समझ रहे हो ना मेरी बात शॉर्टली बोलते हैं ये एक खास टाइप के टॉक्सिन बनाता था एनसीआर नहीं है मैंने समझा दिया इनको बोलते हैं हम एंडोटॉक्सिन बीटी टॉक्सिन एंडोटॉक्सिन ठीक है तो बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोड उनको क्लोन कर दिया किसके साथ हमने फ्रॉम बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट भाई बैक्टीरिया से जीन को आइसोलेट करके हमने क्लोनिंग किसके संग कर दी प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया अब वो प्रोटीन ठीक है ये प्लांट कैसा हो गया रेजिस्टेंस हो गया इंसेक्ट से विदाउट नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्चुअल में इन्होंने पूरी कहानी नहीं समझाई जिससे बच्चे को समझ तभी तो बच्चे को समझ में नहीं आती क्योंकि तो इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको पूरी कहानी को जोड़ता हुआ हर कंसेप्ट क्लियर कराते हुए आगे बढ़ रहा हूं ठीक है जिससे कि आपको हिडन चीज समझ में आए ठीक है कि एक्चुअल में इस बैक्टीरिया को कहां से आइडेंटिफाई किया पहले क्या करते थे इस बैक्टीरिया के साथ जब ये टेक्नोलॉजी आई तो हमने इस बैक्टीरिया को रिकॉम्बिनेंट बना करके क्रॉप को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो आज की डेट में हमने कितने प्लांट को मॉडिफाई किया है यह क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना ठीक है ये क्वेश्चन आएगा हमने बीटी कॉटन बनाया हमने बीटी कॉर्न बनाया हमने राइस बनाया हमने टमेटो भी बनाया जो पेस्ट रेजिस्टेंस है हमने पटेटो भी बनाया और साथ में सोयाबीन को भी हमने क्या काम कर दिया इसी तरीके से रेजिस्टेंस पावर दे दी पेस्ट रेजिस्टेंस पावर किसकी हेल्प से आप बोलोगे इस जीन की हेल्प से क्राय जीन बोलते हैं पूरा डिटेल में समझाना जीन लेवल पर अब मैं आ रहा हूं ठीक है तो एनसीआरटी क्या कहना चाह रही है समझ में आ गया कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को कैसे बनाया जाएगा इस बैक्टीरिया के उस जीन को आइडेंटिफाई करके

एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं डिटेल में बी कॉटन ठीक है तो ये जो तो बेसिक था कि भाई बेसिलसना क्या था टॉक्सिस क्या होते हैं और किस तरीके से इनकी कहां कहां अप्लाई किया कॉटन पे भी किया कॉर्न पे भी किया राइस पे भी किया टमेटो पे भी किया ठीक है सोयाबीन पे भी किया एटसेट्रा तो अब हम कॉटन क्योंकि एनसीआरटी ने कॉटन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो एनसीआरटी बोलती है कि इंसेक्ट की भी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं इस पर क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने

कॉटन बॉल बॉम कौन है लैपिडोटेरेंस इन दो को ही तो एक्सप्लेन किया है एनसीआर ने ठीक है और टू ध्यान रखना इन दो का ना, नाम यूज नहीं किया इन्होंने तो इसलिए क्वेश्चन बनता है और बच्चा इसलिए फंस जाता है

लार्वा डाल मतलब वहां पर हैचिंग होती है लार्वा उसके अंदर होता है तो लार्वा उसको बर्बाद कर देता है ठीक है खत्म कर देता है इसलिए इसको कॉर्न बोरर बोरिंग का मतलब है उसको होल कर देता है उसके अंदर तो पूरा बेकारी हो जाता है वो फिर किसी काम का नहीं होता तो नुकसान होता है इससे कॉटन बॉल बॉम जो कॉटन की बॉल होती है ना उसमें भी लार्वा उसकी कॉटन की बॉल को बर्बाद कर देता है ठीक है तो बहुत बड़ा लॉस होता है तो अब हमें क्या करना है अब हमें इन क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है जिससे ये इंसेक्ट ठीक है उन क्रॉप को नुकसान ना पहुंचा पाए तो हमने क्या करना कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हैं बीटी टॉक्सिन समझ गए ना मेरी बात उस टेक्निक को यूज करेंगे उसके क्राइजीन को आइसोलेट करेंगे रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे और इन प्लांट को ट्रांसफॉर्मेशन करके ट्रांसफॉर्मेंट बना देंगे और ये प्लांट बन जाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी अगर इंसेक्ट ने आंख उठाने की भी कोशिश की खत्म समझ गए ना मेरी बात तो क्वेश्चन कहां आएगा लेपिडोपटेरन तो लिख दिया बीटी कॉटन सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस ठीक है थ्रेन प्रोड्यूस ठीक है प्रोड्यूस प्रोटीन

कौन सा प्रोटीन किस फॉर्म में बनती है क्रिस्टल फॉर्म में बनती है ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ दियर ग्रोथ दीज कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टीसाइडल प्रोटीन ठीक है कैसे काम करते हैं मैं पूरी समझाने वाला हूं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तम आगे बढ़ेंगे एक मिनट देखते हैं ओके जगह है हमारे पास ओके चलो अब समझो हमने उस जीन को आइडेंटिफाई किया जो क्या बनाता था ठीक है जो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता था ठीक है तो एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाले जीन को हम जीन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको क्राइजीन भाई जीन जब एक्सप्रेस करेगा जीन का एक्सप्रेशन होगा ठीक है तो इस जीन से क्या बनेगा एमआरएनए बनेगा एम आर ए अगर बनेगा जीन से फिर इसकी प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी राइबोसोम की यूनिट बाइंड करेंगे देन अगेन प्रोटीन सिंथेसिस होगी ठीक है अगर मैं इस प्रोटीन की बात करता हूं तो इस ये, ये प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गई इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं कुछ तरीके से स्ट्रक्चर होगा ये ऐसे ऐसे मान लो ठीक है समझाने के लिए ये प्रोटीन है ठीक है एक प्रोटीन बन गई ठीक है तो ये एक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव इनएक्टिव प्राइप्रोटीन इन फॉर्मेशन हो चुका एक तरीके से हैं इनएक्टिव प्राय प्रोटीन बोल सकते हो या एंडोटॉक्सिन्स बोल सकते हो ठीक है ये बन चुके हैं ठीक है एंडोटॉक्सिन भी बोल सकते हैं उनको एंडो टॉक्सिंस ये कहां बन गए बैक्टीरिया के अंदर ही बन गए ठीक है या आप इसको अगर किसी को मॉडिफाइड कर रहे हो तो ये प्रोटीन अब कहां बनेंगे अगर प्लांट को मॉडिफिकेशन कर दिया तो सेम ये जीन प्लांट के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा तो प्लांट के अंदर बनेंगे अब प्रोटीन करते क्या है समझ समझना अगर इन प्रोटीन ये प्रोटीन कहा एंटर कर गए मान लो ये इंसेक्ट की गट में एंटर कर गए ठीक है इंसेक्ट की अगर मिड गट में एंटर कर गए ठीक है तो मिड गट में क्या होगा एक्टिवेशन एल्कलाइन मीडियम के अंदर किसके द्वारा बाय प्रोटीएज एंजाइम भाई प्रोटीज एंजाइम क्या हो जाएगा एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो इस इनएक्टिव प्रोटीन का एक्टिवेशन कैसे होगा आपके सामने देखो ये कर देते हैं एक्टिव यानी अब प्रोटीज एंजाइम इसको कट कर देगा कट करने के बाद इसका स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा ये ऐसे बस ये एडिशनल प्रोटीन क्या हो गई कट हो गई यहां से एडिशनल प्रोटीन कट हो गई अब क्या हो गया ये एक्टिवेशन हो गया ये हो गया एक्टिवेशन इन मिड गट ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट की मिड गट में एक्टिवेशन अगर इंसेक्ट इसको इंटेक करेगा ठीक है एंटर करेगा तो एक्टिवेशन इन एल्कलाइन मीडियम में इसका एक्टिवेशन हो जाएगा क्योंकि वहां प्रोटीज़ एक्टिवेट हो जाएंगे प्रोटीज़ एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसको कट कर देंगे यहां से कट करने के बाद अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ठीक है अब ये क्या काम करेगी <coughs> अब ये जो मिड गट के एपिथिलियल टिश्यू से उनसे अटैच होगी ठीक है अटैच होकर के वहां पर पोर क्रिएट करेगी ठीक है होल कर देगी क्रिएट पोर्स और फाइनली क्या हो जाएगा डेथ ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट की फाइनली डेथ हो जाएगी मतलब समझ में आ गया बेसिक क्या है तो इतना क्लियर हो गया कि एक्चुअल में क्राइजीन पर क्वेश्चन आता है क्राइजीन जो क्या बनाते हैं एंडोटॉक्सिन बनाते हैं ये एंडोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर हो गया इनएक्टिव फॉर्म है इसकी अगर ये गट में एंटर करेगी इंसेक्ट की तो गट में एल्कलाइन मीडियम के अंदर प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा जो उसको कट करेगा कट करते ही इसका एक्टिवेशन हो जाएगा और एक्टिव फॉर्म क्या करती है एपिथीलेट टिश्यू से अटैच हो जाती है और वहां पर होल क्रिएट कर देती है ठीक है क्योंकि तो क्योंकि एल्कलाइन मीडियम के अंदर क्रिस्टल सोलबल हो जाते हैं और सोलबल होते ही इसका समझना एक्टिवेशन हो गया कट लगते है एक्टिवेशन हो गया होल जनरेट कर देगी होल जनरेट करते ही खत्म मिड गट ही खत्म आप समझ गए ना मेरी बात तो ये टेक्निक समझ में आई होगी जो अब देखो यहां इन्होंने समझ वही समझाया द बेसिलस ठीक है द एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिट ठीक है एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है भाई इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं इनएक्टिव ठीक है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं बेटा बट वंस एन इंसेक्ट इनजेस्ट अगर इंसेक्ट इसको इंटेक करता है तो ये क्या हो जाते हैं इनएक्टिव टॉक्सिन आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव एक्टिव फॉर्म में इट इज कन्वर्ट इन टू एक्टिव फॉर्म ठीक है ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्लाइन पीएच किस पीएच पर एक्टिव हो रहे हैं पी पीएच पर एक्टिव हो रहे हैं ऑफ द गट विच सोल्युबिलाईज भाई एल्कलाइन पीएच एच पर क्या हो जाएंगे सोलिबिलाइज हो जाएंगे मतलब उसमें कट लग जाएगा प्रोटीएस की वजह से मैंने पूरी मैकेनिज्म बता दिया आपको ठीक है और एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या कर देंगे ये बाइंड कर जाएंगे सरफेस ऑफ मिड गट ऑफ एपिथिलियन सेल उससे बाइंड करने से क्या हो जाएगा क्रिएट पोर पोर्स बन जाएंगे ठीक है पोर्स बनते ही सेल क्या हो जाएगी स्वेलिंग आ जाएगी लाइसेंस हो जाएगी और फाइनली उसकी क्या हो जाएगी डेथ एकदम क्लियर कट हो गया होगा यहां तक मुझे लगता नहीं कोई डाउट है ठीक है डेथ ऑफ इंसेक्ट और इंसेट की डेथ हो जाएगी ठीक है ये मेन पॉइंट सारे आपके कवर हो गए जिनसे क्वेश्चन आते हैं पूरा मैकेनिज्म ही मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया यहां पर तो पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया किस तरीके से डेथ हो रही है कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा अब मैं बताऊंगा इसके अंदर देखो कहां यूज किया है इसको ठीक है ये दिख रहा है न... कॉटन की बॉल बॉल में देखो ये क्या हो रहा है होल हो रहा है बेटा क्योंकि इसका लार्वा इसको बर्बाद कर देता है खत्म कर देता है ठीक है तो वही दिखाया है कि किस तरीके से ये जीन मतलब लार्वा इसको बर्बाद करता है खत्म करता है ठीक है तो वही दिखाने की कोशिश की है तो अब अगर हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे तो यह जीन प्लांट में पहुंच गया प्लांट में जीन पहुंचने से क्या होगा क्राय प्रोटीन ठीक है अब प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होगी यानी अगर इंसेक्ट कॉटन में या किसी भी जो मैंने वैरायटी यूज की उसमें एंटर करता है तो उसको इनटेक करेगा इनटेक करेगा तो इन प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा एक्टिवेशन होगा तो उसकी मिड गट खत्म हो जाएगी समझ में आ गया होगा मुझे लगता नहीं यहां कोई डाउट है तो अब इसमें थ्री जीन यहां टोटल इसमें जीन के बारे में बताया है बस वही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको जीन पर किस तरीके क्वेश्चन आता है तो एक तो ध्यान रखना क्राय फर्स्ट एसी जीन इस पर क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन आएगा इस पर क्वेश्चन आएगा यहां ये बस तीन क्वेश्चन बनेंगे ठीक है अब मैं बताना चाह रहा हूं बेटा टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन जीन को क्या बोलते हैं क्राय जीन, ठीक है क्राय जीन बोलते हैं ठीक है ठीक है क्राय क्राय कॉटन बॉल बॉम जो कॉटन बॉल बम को कंट्रोल करते हैं क्राय फर्स्ट एबी कंट्रोल द कॉर्न बोरर ये दो क्वेश्चन आने वाले हैं अब कैसे याद रखोगे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉर्न बोरर के लिए कौन होगा कॉर्न बोरर के लिए होगा क्राय फर्स्ट एबी ऐसे याद रखो फर्स्ट पहले आएगा और ए के बाद बी आएगा तो ये कॉर्न बोरर है कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने वाला जीन है यानी कॉर्न के अंदर जो हमने मॉडिफिकेशन किए हैं तो उसमें कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया होगा क्राइफर्स्ट ए बी जीन को हमने ठीक है एग्रोबैक्टेरियम की हेल्प से टीआई प्लाजमेट की हेल्प से कॉर्न में इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है और कॉर्न बोरर जो इंसेक्ट थे जो उनको खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक बात क्लियर हो गई अब क्राइ सेकेंड ऐसे क्लाय फर्स्ट ए बी क्राय सेकंड ए बी

तो याद ऐसे ही रहेगा कि क्राय फर्स्ट वही पहले फर्स्ट आएगा क्राय फर्स्ट ए बी ये था कॉर्न के लिए कॉटन के लिए नहीं था फिर हमने बात की क्राय वही फर्स्ट हो गया आप सेकंड करोगे क्राय सेकंड ए बी ये किसके लिए होगा कॉटन के लिए तो क्राय फर्स्ट सेकंड तो कंप्लीट हो गया तो ए बी की जगह ए सी करना पड़ेगा तो तीसरा क्या होगा क्राय सेकंड ए सी तो क्राय सेकंड सॉरी क्राय सेकंड की जगह ए बी हो गया क्राय फर्स्ट ए सी क्योंकि ये तो चेंज कर चुके हो अब बी की जगह सी करोगे तो ये किसके लिए हो गया कॉटन बॉल बॉम्ब तो कॉटन बॉल बॉम के लिए दो जीन हमने यूज किए ठीक है एक तो क्या क्राइसेकेंड ए बी और एक क्राइफर्स्ट ए सी समझ गए ना मेरी बात और फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर के लिए यूज किया डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा वेरी इंपॉर्टेंट बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आता है ठीक है उसको मैंने अलग कर दिया इसलिए एनसीआर की लाइन है इनको निकाल करके बाहर रख दिया है और इस तरीके से रखा है जो आपको मेमोराइज हो जाए तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं ठीक है कंक्लूड का मतलब थ्री टेक्निक हमारी कंप्लीट हो गई गोल्डन राइस हमारा क्लियर हो गया ठीक है फ्लेवर सेवर हमारा क्लियर हो गया तीसरा हमने बीटी टॉक्सिन और एक्सप्लेनेशन किसका दिया हमने बीटी कॉटन बीटी मतलब बैक्टीरिया का नाम हो गया टॉक्सिन का मतलब है एंडोटॉक्सिन बनाने वाले जीन का नाम हो गया क्राइजीन ठीक है इनएक्टिव फॉर्म में टॉक्सिन बनते हैं एक्टिवेशन हमेशा कहां पर होगा एल्कलाइन मीडियम में इसलिए इन टॉक्सिन से बैक्टीरिया को भी कोई नुकसान नहीं है इन टॉक्सिन से ठीक है ह्यूमन को भी कोई नुकसान नहीं है आप समझ गए ना मेरी बात नुकसान किसको है जिसकी गट एल्कलाइन है जिसकी गट में एसिडिक मीडियम है ही नहीं इंसेक्ट तो एक तरीके से ठीक है इंसेक्ट जब इस टॉक्सिन को इंटेक करते हैं किसी भी फॉर्म में बैक्टीरिया को इंटेक करने की वजह से या लीफ को या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को तो उनकी गट में इसका एक्टिवेशन होता है और एक्टिवेशन होने से उनकी गट की में, गट की की स्पेशली मिड में पोर बन जाते हैं और पोर बनने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो इस टेक्निक को हमने कॉटन में भी अप्लाई किया कॉर्न में भी अप्लाई किया और डिफरेंट टाइप की वेराइटीज में अप्लाई किया डिटेल कहां पढ़ना था मैं कॉटन का ठीक है बट साथ साथ में जो एडिशनल कॉर्न और कॉटन के बारे में दे रखा है तो दोनों ही एनसीआरटी लेके चल रही है तो दोनों ही चीज समझ में आई होंगी बेटा मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस टेक्निक के अंदर अब मुझे बताओ कोई भी डाउट है इस टेक्निक के अंदर कोई भी डाउट बेटा जीन गन में कंफ्यूजन क्यों होता है आपको बताओ तो मैं बताओ समझो मेरी बात अगर आप वेक्टर की हेल्प से दो तरीके हैं मैं समझ गया आप कंफ्यूज कहा हो रहे हो आप सर जीनगंज में तो आपने बताया था कि प्लांट सेल में एंटर कराना है और सर यहाँ बता रहे हो एग्रोबैक्टेरियम आप समझो मैं समझा देता हूं समझ गया कहा आप कंफ्यूज हो गए देखो अगर वैक्टर के थ्रू वैक्टर के थ्रू किसी जीन को ठीक है आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो ठीक है तो आप वैक्टर क्या यूज करोगे यहां पर आप वैक्टर कौन सा यूज करने वाले हो यहाँ पर ठीक है आप बोलोगे एग्रोबैक्टेरियम टीमे ठीक है समझना मेरी बात पर जीन गन कहां यूज की जा रही है जीन गन वहां यूज की जा रही है बेटा ठीक है जहां पर ऐसा वेक्टर आपके पास वेक्टर जो है ठीक है वो ऐसा वेक्टर है कि कि आपके जीन को को उस संग जोड़ तो सकता है पर डायरेक्टली मेरी बात समझो कि अगर आप वेक्टर को, ठीक है बैक्टीरिया के थ्रू एंटर कराओगे तो तो एग्रोबैक्टेरियम टीमी करोगे। अगर आप बैक्टीरिया के थ्रू एंटर नहीं करा रहे ठीक है डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करना चाहते हो प्लांट सेल के अंदर तो आप जीन गन यूज करोगे ठीक है तो जीन गन के अंदर आप

एनिमल सेल में डायरेक्टली जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए ठीक है माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्म को डायरेक्टली एंटर कराने के लिए उसकी स्पोर साइज बढ़ाने के लिए हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं तो वो एक टेक्निक तो अलग हो गए ठीक है पर दो टेक्निक मैंने ऐसे बताए हैं आपको जो अक्सर कर यूज किए जाते हैं एनिमल सेल के लिए और प्लांट सेल के लिए एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम जो होस्ट पर बेस्ड है आप समझ गए मेरी बात दोनों ही केस में भाई वहां पर इंटरमीडिएट आपने वायरस यूज किया यहां इंटरमीडिएट आपने पूरा बैक्टीरिया यूज किया ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड है यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है तो आप डायरेक्टली समझ रहे हो ना मेरी बात कि आप सीधे सीधे बैक्टीरिया को और वायरस को यूज कर रहे हो तो आपको जीन गन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको माइक्रो इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है अगर आप किसी बैक्टीरिया और वायरस को यूज नहीं कर रहे हो डायरेक्टली जीन को इंट्रोड्यूस करना है प्लांट सेल के अंदर जीन गन ठीक है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज समझ में आ गया होगा गोल्ड टंगस्टम पॉजिटिव चार्ज था डीएनए नेगेटिव चार्ज था इंट्रोड्यूस कर दिया एनिमल सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन तो समझ में आया होगा बेटा समझ में आया तो बताओ सर तुम एनसीईआरटी को फॉलो करो बेटा क्राए एनसीईआरटी ने साफ साफ कहां दे रखा है एनसीईआरटी ने कहा एनसीईआरटी जो दे रखा है आपके सामने है वाई क्राए वाई तो दे नहीं रखा एनसीईआरटी ने जो एनसीईआरटी बोल रही है उस पर फोकस करो तुम कोई पता नहीं क्या बुक पढ़ रहे हो कहां पढ़ रहे हो मुझे आइडिया नहीं है पर जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो चीज एकदम तो फोकस करो ठीक है कई बच्चे कई टाइप की बुक्स भी होती हैं कई बोर्ड्स अलग अलग हैं ठीक है यहां तक बताओ ठीक है कोई डाउट है ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ओके बहुत बेहतरीन बेटा बहुत बेहतरीन तो आप ओके बहुत बढ़िया तो अब तीन टेक्निक हमारी समझ में आ चुकी है मैं फोर्थ फो टेक्निक बता रहा हूं ना वो बहुत बेहतरीन टेक्निक है वो टेक्निक है जो मुझे लगता है क्योंकि तुम्हारे लेवल पे समझ में ही नहीं आ सकती क्योंकि बुक्स में है ही नहीं वो नॉर्मल बुक्स में नहीं है एनसीआरटी डायरेक्टली पढ़कर के इस टेक्निक को कोई समझ ही नहीं सकता क्योंकि एनसीआरटी में कुछ लिखा ही नहीं है ठीक है और बच्चे फिर इसलिए कंफ्यूजन के सागर में गोते लगाते हैं क्योंकि इस टेक्निक का एक्सप्लेनेशन है ही नहीं ठीक है तो इस टेक्निक को मैं आपको बहुत मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप तो अब मुझे लगता है आज के बाद दिक्कत नहीं आने वाली है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हम बेसिक समझेंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे फिर मॉडिफिकेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगी ठीक है अब देखो क्या करते हैं उसके लिए ओके चलो ठीक है तो अब बात करते हैं आर एन ए इंटरफेरेंस सब समझ में आ आगे होगा इंटरफेरेंस का मतलब है इंटरफेयर करना जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तीसरा बच्चा आया उसमें इंटरफेयर इंटरफ्रेंस मत कर इंटरफेयर मत कर हमारी बातों के बीच में यानी एक आरएनए दूसरे आरएनए के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन को रोक देता है इंटरफेरेंस क्रिएट करता है आप समझ हैं मेरी बात ठीक है यानी आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना ठीक है यानी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना यानी जीन के एक्सप्रेशन को रोकना ठीक है यानी जीन को ब्लॉक कर देना यही तो टेक्निक है आरएनए इंटरफेरेंस जो मैंने अभी बताया था फ्लेवर सेवर के अंदर हमने उस उस जीन को साइलेंट किया था ब्लॉक कर दिया था

क्रॉप कल्टीवेशन में एक प्रॉब्लम आती है क्या भाई होता है, है? एक निमेटोर, निमेटोर समझते हो, warm, है? एक तो उस प्लांट को न्यूट्रिशन तो सप्लाई हो ही नहीं पाएगा न्यूट्रीन तो यही खा जाएगा तो धीरे धीरे वो क्रॉप सारे सारे क्रॉप क्या हो जाते हैं ठीक है ठीक है लॉस हो जाते हैं ठीक है डेथ हो जाती है सारी क्रॉप की और बहुत बड़ा लॉस होता है इसके अंदर ठीक है तो अब समझना तो अब क्या करना है अगर भाई भाई प्लांट के ऊपर कोई इंफेक्शन अलाओ स्प्रे कर देते हैं अब पॉसिबल नहीं ना प्लांट को आप निकालो फिर रूट में स्प्रे करो फिर लगाओ या समझ रहे ना मेरी बात तो ये बहुत तगड़ा लॉस था टोबैको तो का तब दिमाग लगाया आर एन का कि इस टेक्निक को यूज किया जाए और इन निमेटोड को टारगेट बनाया जाए अगर निमेटोड इन प्लांट्स की रूट में एंटर करते हैं और रूट को अपना फूड बनाते हैं तो वो मारे जाएंगे तो वो ट्रिक क्या है तो उसके लिए पहले क्या पता करना पड़ेगा आपको भाई निमेटोट की वीकनेस पता करने पड़ेगी वो वीकनेस क्या है उसकी ठीक है तभी तो टारगेट करोगे उसको अब निमेटोड की वीकनेस समझनी होगी आपको तो मॉडिफाइड करेंगे ठीक है? अगर उस मॉडिफाइड प्लांट को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आर एन एंटरफ्रेंस इंटरफ्रेंस समझ में आ गया आई मतलब इंटरफ्रेंस पेस्ट ये भी किसके लिए डेवलप कर रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए तो दो टेक्निक हो गए बेटा एक तो बीटी टॉक्सिन उससे भी आपने क्या बनाया पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो पेस्ट से रेजिस्टेंस पावर रखते हैं क्लियर हो गया सारी बात अब यहां पर भी हम क्या कर रहे भाई, बना रहे हैं। आप बोल सकते हो ठीक है ठीक है आप ठीक है इस टेक्निक को बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो पहले आप यहां पर अप्लाई कहां कर रहे नेमेटोड ठीक है इनकोशिया तो मिले ठीक है मिलोइडी गायनी इनकोनेशिया जो एक निमेटोड है निमेटोड समझते हो निमेटोड मतलब राउंड वॉर्म ये राउंडवर्म क्या काम करता है ये टोबैको का प्लांट है रूट में एंटर कर जाता है और नोड्यूल्स बना लेता है ठीक है और सारा न्यूट्रिशन ये लेता रहता है जिसकी वजह से क्रॉप खत्म हो जाती है ठीक है तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में अब टारगेट हमारा बहुत डेंजरस है रूट को टारगेट बनाना है ऊपर होता तो हम चलो ठीक है और भी चीजें यूज कर लेते रूट में तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं अब प्लांट को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा तो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी आर एन ए इंटरफेरेंस आर एन ए के थ्रू आर एन ए के एक्सप्रेशन को रोकना अब कैसे होगा देखो आप समझाते हैं बेहतरीन तरीके से तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है समझ ही रहे हो देखो यहां पर अभी आप आपने ट्रीट नहीं किया तो नॉड्यूल्स बने हुए हैं यहां पर नेमाटोड भरे हुए हैं इसके अंदर ठीक है जो खत्म कर रहे हैं इसको अब यहां आपने प्लांट को ट्रीट कर दिया ट्रीट मतलब ट्रीट करने के बाद इन्फेक्शन किया नेमाटोड का कोई भी नेमाटोड ग्रो नहीं कर पा रहा ठीक है यानी नेमाटोड ग्रो कर ही नहीं सकता इसके अंदर तो ये एनसीआरटी का एग्जाम्पल है ठीक है समझ में आ गया होगा अब मैं समझाता हूं पहले समझाऊंगा बेटा आर एन है क्या ठीक है बेसिक मैंने कहा पहले मैं बेसिक यूज करूंगा फिर मैं अप्लाई कराऊंगा उसको किस पर टोबैको तो के प्लांट पर तो पहले बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूं कि एक्चुअल में टेक्निक पता तो नहीं चाहिए कि आर एन इंटरफेरेंस है क्या बस मेरी क्लास में इसीलिए टाइम लगता है क्योंकि तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं बेस यानी एक बार न्यू मतलब आपका बेस स्ट्रांग हो जाए ना तो कोई आपको हिला नहीं सकता आप समझ गए ना मेरी बात तो बस वही मैं मेरी हर लेक्चर में एक चीज मिलेगी टाइम जरूर थोड़ा लगेगा पर मजबूती इतनी मिलेगी सुपर लेवल की ठीक है बस एक ही टारगेट है एक बार पढ़ो पर ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े आर एन ए इंटरफ्रेंस तो एक समझना इट इज अचुरली अकरिंग मैकेनिज्म दैट लीड टू द साइलेंसिंग ऑफ जीन ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो जीन साइलेंसिंग के लिए अक्सर कर यू कैरी में मिलती है यू कैरी सेल अपनी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में इसको यूज करती है जैसे मैंने बताया था आपको कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो उनके पास भी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है क्या वायरस से बचने के लिए उनके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं बताया था मैंने ऐसे ही यू कैरियोट के, के पास भी वायरस से प्रोटेक्शन के लिए ठीक है आप कह सकते हो एक मैकेनिज्म होती है एक एंजाइम होता है रिस्क या कह सकते हो आर एन एंटरफेरेंस इस के थ्रू वो वायरस से प्रोटेक्ट हो सकते हैं वही मैं समझाऊंगा कि कि मैकेनिज्म क्या है प्रो कैरियोट की मैकेनिज्म समझा चुका हूँ मैं यू कैरियोट की बात करता हूं ठीक है तो इस क्या है बेटा आर एन इंटरफेरेंस इज अचुरली अकरिंग मैकेनिज्म दैट लीड टू साइलेंसिंग ऑफ जीन भाई पहले हमने नेचुरली देखा तभी तो उसको हमने मॉडिफाई करके प्लांट को मॉडिफिकेशन किया पहले हमने देखना पड़ेगा नेचर में ये कहां थी कैसे थी क्या करती थी ठीक है तो इट इज अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म कहा मिलती है अंगेस्ट वायरसेज इनके अंदर इन ऑल यू कैरियोटिक्स जितने भी यू कैरियोटिक होते हैं बेटा सेल चाहे वो प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो उन दोनों के अंदर ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है ठीक है और आप लोगों सर कैसे है समझ में नहीं आई आप समझाते हैं इस चीज को ये तो समझाने के लिए बैठे हैं जैसे मान लो ये एक सेल है चलो ये सेल है ठीक है इस सेल में वायरस का इंफेक्शन दिखा दो आप ठीक है टिक सेल है बेटा वायरस का इंफेक्शन होगा तो वायरस का काम करेगा का अपने जीनोम को स्पेशली डबल स्टैंडर्ड आरएनए आर एन की बात कर रहे हैं एंटर कराएगा यानी ऐसा वायरस जिसके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ठीक है तो ये एंटर कर गया अंदर ये एंटर कर गया डबल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए तो एक्चुअल में ये जो मैकेनिज्म है डबल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए पे काम करती है ठीक है अब समझना पर सिंगल पे भी काम में समझाता हूं पूरी सम, पूरी बात समझाता हूं ठीक है तो यहां पर क्या है आप समझ देखो वायरस के पास अगर डीएनए होगा तो डी डीएनए को एंटर कराएगा तो बाद में आरएनए बनेगा अगर आरएनए होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो उसमें एक आरएनए का स्टैंड होगा वो सेंस होगा एक होगा एंटी सेंस तो समझना जो याद करने का तरीका बता रहा हूं तो ना किसको कहते तो ना बात करते हैं आपस में तो, भाई तुझे सेंस है नहीं है सेंस का मतलब है समझदारी यानी सेंस का मतलब है ठीक है कि आपको अगर सेंस है सेंस का मतलब वो आर एन ए जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है वो सेंस है और जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता वो एंटी सेंस है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों तो एक दूसरे के ठीक है तो यहां पर एक स्टैंड तो होगा सेंस डीएनए में भी तो बताया ना आपको जैसे डीएनए है ठीक है डीएनए के दो मॉलिक्यूल हैं ये ऐसे ऐसे आपको पता है ना डीएनए में भी सेम ही चीज होती है भाई दोनों के तो आरएनए नहीं बनते ना एक ही स्टैंड से तो आरएनए बनता है जब एमआरएनए बनेगा तो अगर मान लो इस वाले स्टैंड से एमआरएनए बन रहा है ठीक तो है तो जो स्टैंड कॉपी बनाने में कैपेबल है मतलब जो काम कर रहा है वो सेंस है जो काम नहीं कर रहा वो एंटी सेंस है तो डीएनए में भी ये टर्म यूज करते हैं पर हम अभी आरएनए की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? अभी हम आरएनए की बात करते हैं यानी आरएनए में एक स्टैंड तो होगा सेंस एक होगा एंटी सेंस बिल्कुल बेसिस से लिख चल रहे हैं ठीक है सेंस आ रहे एक एंटी सेंस आ रहे सेंस आ रहे क्या होगा यह प्रोटीन बनाने में ठीक है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन जबकि एंटीसेंस प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता यानी इस यू कैरियोटिक सेल को किससे ज्यादा खतरा है भाई उस आरएनए सेगमेंट से जो अंदर वायरल प्रोटीन को फॉर्मेशन करेगा यानी सेंस। इसीलिए अब क्या यू कैरियोटिक सेल ये यू कैरियोटिक सेल समझना इसके अंदर एक आर आई रिस्क एस सी यानी आर एन ए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स रिस्क प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है तो ये रिस्क प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इस डबल स्टैंडर्ड आर एन ए से जुड़ जाएगा रिस्क क्या जुड़ कर जाएगी इस डबल स्टैंडर्ड आर एन से रिस्क अटैच हो जाएगी रिस्क रिस्क अटैच होगी इस डबल स्टैंडर्ड आर एन ए रिस्क मतलब है आर एन ए ठीक है

तो अब फाइनली क्या बचेगा एक ही स्टैंड रह जाएगा यहां पर कौन सा स्टैंड रह जाएगा ये तो रिस्क हो गया और ये एंटी सेंस एम एंटी सेंस आर एन ए आर एन ए इससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब सेल में क्योंकि भाई सेंस को उड़ा दिया ठीक है सेंस का क्या हो गया ब्रेकडाउन ठीक है सेंस को ब्रेक कर दिया इसने इस रिस्क ने बचा क्या एंटी सेंस तो एंटी सेंस रह जाएगा यानी कभी भी गलती से सपोज इसमें सेंस आ रहे आ गया प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा तो वो सेंस आ रहे से सेंस से क्या कर लेगा डबल स्टैंडर्ड बना लेगा अगेन सेंस को मार दिया जाएगा यानी ये एंटी सेंस अंदर रहेगा तो सेंस से तुरंत बाइंड करके क्या कर देगा ये प्रोटीन डिस्ट्रॉय कर देगा ये आर एन ए दूसरे आर एन ए से बाइंड करेगा और जो सेंस आर एन हमेशा काट दिया जाएगा यानी कभी भी प्रोटीन नहीं बन पाएगी यानी ये वायरस कभी भी सेल के अंदर ठीक है अपने को मल्टीप्लाई ग्रोथ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर एंटी सेंस आर एन ए विध रिस्क यानी आर एन एंडिविंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस टेक्निक को साइंटिस्टो ने समझा यार ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है ठीक है, है इसको अगर हम यूटिलाइज करते हैं ठीक है मॉडिफिकेशन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो हम किसी भी होस्ट के आरएनए के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं अब तो कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको पहले बेसिक समझ में आया कि आरएनए इंटरफेरेंस होती क्या है एक नेचुरली साइलेंसिंग मैकेनिज्म है यू कैरियोटिक में सेल्फ डिफेंस का काम करती है ठीक है यहां किससे बचा रही है डबल स्टैंडर्ड वायरल आर से प्रोटेक्ट कर रही है इस मैकेनिज्म में ऑलवेज उस आर को उड़ा दिया जाता है जो आर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है समझ गया हो ना मेरी बात प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट का मतलब है सेंस तो सेंस का पर हम क्या ब्रेक डाउन कर देते, कर देते. सेंस अगर गया ठीक है तो कभी भी क्या हो जाएगा सेंसारे ने गया तो कभी भी बेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा सेंस सारे ने गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा और समझ रहे हो ना ये वायरस कभी भी सेल में ग्रो नहीं कर पाएगा तो ये चीज साइंटिस्ट ने समझी और इसको कैसे अप्लाई किया बायोटेक्नोलॉजी में अब मैं वो समझाऊंगा एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी क्या आएगी तो पहले बेसिक तो समझ में आ गया कि सेंस क्या है एंटी सेंस क्या है ठीक है डीएनए में भी सेंस सेंस एंटी होते हैं ऐसे आर में भी सेंस एंटी सेंस होते हैं सेंस, सेंस, है। सेंस जो प्रोटीन सिंथेस में पार्टिसिपेट करेंगे एंटी सेंस जो प्रोटीन सिंथेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये कैसे काम करेगा इस टेक्नोलॉजी के अंदर ठीक है और रिस्क एक तरीके से आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है जो हर एक यूकैरियोटिक सेल में होता है जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होता है जो बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए या आरएनए के इन्फेक्शन से इन यूकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्ट करता है तो इतना समझ में आया बेसिक गया नहीं आया पहले तो ये बताओ फिर मैं आगे बढ़ता हूं यहां तक बताओ बेसिक क्लियर है सबसे बेहतरीन टेक्निक है ये वाली ठीक है बेटा क्यों रो रहे हो सर मुझे मार डालो कैसी कैसी बातें करते हो तुम ठीक है ओके समझ में आ रहा है सर ओके ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स चाहिए आपके मुझे बेहतरीन रिस्पॉन्स चाहिए ठीक है बेहतरीन रिस्पॉन्स आएंगे ठीक है तब हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे ठीक है ओपी भी तभी होगी जब ठीक है आपके बेहतरीन रिस्पॉन्स आएंगे तो ओपी हैप्पी बर्थडे टू यू इट्स ओके ठीक है बेहतरीन रिस्पॉन्स आपके और बेहतरीन ठीक है ये इंडिकेटर है कि हां कंसेप्ट समझ में आ रहा है बिल्कुल हड़बड़ी नहीं कर रहे एक एक बेसिक कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं ठीक है, है चाहे दो की जगह ढाई घंटे या तीन घंटे तक खींच देंगे क्लास को पर इसमें आपकी एप्लीकेशन आपकी टिप्स पर होंगी पक्की बात है अब मैं वो टेक्निक बता रहा हूं आप रियल में समझो ना समझो वो टेक्निक वो उस तरीके से समझा रहा हूं एक भी चीज हवा में हम क्रैश कर रहे हैं क्रैश समझते हो ना क्रैश का मतलब क्रैश क्रैश कोर्स क्रैश की तरह होते हैं आधा समझ में आता है आधा समझ में नहीं आता मेन मेन कुछ पॉइंट्स लेकर के खत्म कर दिया जाता है बस हर जगह क्रैश कोर्स ऐसे ही होता है पर आपको मैंने वाकई में बहुत बेहतरीन कोर्स दिया है एक बच्चे ने आपको पता भी होगा मैं बोल ही देता हूँ एक बच्चा मुझसे मतलब कमेंट लिखता है यहाँ पर कि हमारे साथ धोखा हो रहा है ठीक है तो एम सर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं तो, तो मैंने देखा क्या धोखा कर रहे हैं देखें क्या बच्चा लिख रहा है धोखा क्या हो रहा है धोखा हो रहा है कि हमें क्रैश की जगह बहुत बेहतरीन कोर्स कराया जा रहा है धोखा ऐसा हो रहा है ठीक है जो बहुत सुंदर है तुम तो बड़ा मजा आया मुझे भी हंसी आई ठीक है नो डाउट no आपको क्रैश नहीं करा रहा मैं क्रैश की ही तरह सिंगल शॉट में बहुत बेहतरीन कोर्स दे रहा हूं यानी नीट का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आप समझ रहे हो ना एक, एक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे ठीक है मतलब जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है ठीक है जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है तो कोशिश कर रहे हैं ठीक है अब देखो सच में मैं कह रहा हूं ये सब ये टेक, सब टेक्निक्स हैं जो हाइपोथेटिकल मेरी बनाई हुई हैं ठीक है थीके? बहुत सोच करके कि बच्चे को कैसे कंसेप्ट सेट किया जाए उसके लिए सिर्फ इंटरनेशनल बुक्स यूज किए हैं ठीक है इंडियन बुक्स में तो चीजें है ही नहीं तो सब एक डिजाइन की हुई चीजें हैं तभी आप कंसेप्ट समझ पाओगे ठीक है बिल्कुल इनोवेटिव चीजें हैं इनोवेटिव का मतलब बिल्कुल डिफरेंट ठीक है ये चीजें कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी आपको तो क्योंकि आपको बेहतर तरीके से सिंपल तरीके से समझाना है एक छोटे बच्चे को भी समझ में आए तो समझना बेटा यार ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझना हम बात कर रहे हैं निमेटोड की यहां बात करेंगे प्लांट की पहले तो निमेटोड को समझना निमेट, निमेटोड की वीकनेस क्या है निमेटोड के किस जीन को साइलेंट करना है जिससे वो मारा जाए तो अब समझ समझो मेरी बात अगर मैं निमेटोड की बात करता हूं ठीक है का अपना डीएनए वही नेमेटोड की बात कर रहे हैं आप जानते हो रेप्लीकेशन फॉर्क बनता है जब भी रेप्लिकेशन होती है और जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तब भी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है यह है डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डी एन ए निमे की बात चल रही है और आप जानते हो इसमें से एक स्टैंड ऐसा होगा जो एम बनाएगा ठीक है तो यहां से यह बन रहा है इससे यह क्या बन रहा है एम आर एन ए मानो हमने एक जीन को आइडेंटिफाई कर लिया एक जीन था ये पर्टिकुलर ये जीन पर्टिकुलर ये पूरा एक जीन है यहां से यहां तक इस जीन से एक ऐसी प्रोटीन बनती है जिस वजह से ये नेमेटोड पैरासिटिज्म शो करता है यानी ये प्रोटीन नहीं होगी तो ये कभी भी प्लांट के ऊपर पैरासाइट बनके नहीं रह पाएगा बस टारगेट चूज कर लिया हमने हमने उस जीन को ढूंढ लिया जो इसकी पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके पैरासाइट होने के लिए है तो भाई पैरासाइट होने वाले जीन को आइडेंटिफाई कर साइलेंट कर, कर दोगे आप तो काम बन गया ना आपका समझ समझना मेरी बात ये जीन है इससे एम आर ए बनेगा ठीक है और ये एम आर ए बनेगा कौन सा एम आर ए होगा सेंस होगा एंटी अं� सेंस समझ गए होगे सेंस एम आर ए भाई जिससे प्रोटीन बनेगी वो सेंस है ये सेंस एम आर आएगा यहां से और आकर के ये प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ग्रीन कलर ले लेते हैं राइबोसोम बाइंड किए और ये बनने स्टार्ट हो गई प्रोटीन अब प्रोटीन से क्या होगा समझना ये क्या बन रही है प्रोटीन इस प्रोटीन की वजह से क्या करता है अब मैं नेमाटोड की बात करूं तो मान लो ये नेमाटोड है मान लो उसका ये दिखा देते हैं नेमाटोड को ऐसे बना करके एक मतलब एक हाइपोथेटिकली जो सब आपको याद दिलाएगा ठीक है ये नेमाटोड है ये ये नेमाटोड है ठीक है समझा रहा हूं अब ये निमे इसके प्लांट को इंटेक करेगा तो उसको अंदर ये प्रोटीन होनी चाहिए ये प्रोटीन क्या काम करती है इसकी पैरासिटिज्म के लिए यानी ये प्रोटीन क्या काम करेगी इसकी सरफेस पर होगी समझो जब ये प्रोटीन बनेगी उसकी सरफेस पर बाइंड करेगी तब जाकर के ये होस्ट ठीक है ये होस्ट सेल को यहां से क्या कर पाएगा प्लांट सबस्टेंस को इनटेक कर पाएगा इस प्रोटीन के थ्रू समझना मेरी बात बेटा यानी ये प्रोटीन क्या है पैरासाइट जो इसके पैरासिटिज्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है यानी कोई भी चीज में एंटर किसके थ्रू थ्रू करेगी करेगी इस प्रोटीन के ठीक है प्लांट का जो भी सबिस्टेंस होगा वो इस प्रोटीन के थ्रू एंटर करेगा और इस प्रोटीन को बनाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है और जीन किस, किस में कन्वर्ट होगा एमआरएन ए में ठीक है अगर मान लो ये प्रोटीन नहीं बनती है तो यह क्या पैरासाइट हो पाएगा प्लांट के ऊपर भाई नहीं हो पाएगा प्लांट में एंटर समझना मेरी बात भाई प्लांट में एंटर करने के लिए प्लांट को खाने के लिए क्या चाहिए उसको एक प्रोटीन का फॉर्मेशन जो वॉल पर प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन की हेल्प से ये प्लांट को इंटेक करेगा अब समझना मेरी बात और अगर वो प्रोटीन नहीं बनती है तो प्लांट को इनटेक नहीं कर पाएगा और उसको इनटेक नहीं कर पाएगा तो स्टारवेशन भू की वजह से मारा जाएगा यही हम ढूंढना चाहते थे और हमने ढूंढ लिया हमने ढूंढ लिया इसका कि वो कौन सी प्रोटीन है ठीक है, है? आइडेंटिफाई कर, कर लिया और उस जीन से बनने वाले एम को आइडेंटिफाई कर लिया जो सेंस एम है तो अब क्या करना है बस इस एम इस जीन का हमने क्या किया सी डी एन ए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया ठीक है अब उसको हमने क्या काम किया टीआई प्लाज्मिड अब इस प्लांट को ये आपके सामने प्लांट है ठीक है कोई भी प्लांट हो सकता है इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है क्या करना है जेनेटिकली मॉडिफाई करना है अब देखो क्या करते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए ठीक है तो वही यूज करेंगे यहां पर ठीक है वही पूरा मैकेनिज्म हमने ठीक है यहां पर एग्रोबैक्टीरियम की यूज करेंगे एग्रोबैक्टीरियम सेम वही ti प्लाज्मिड <laughs> समझना टीआई आई प्लाजमेट इंट्रोड्यूस कर दिया इसकी खास बात क्या है ये टीआई डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लेके आएगा ठीक है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा पर यहां जो डबल डीएनए ना वो मॉडिफाइड है, है बेटा एमआरएनए बनाएंगे यही हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ है ठीक है मॉडिफाइड टीआई प्लाजमेट की हेल्प से हमने क्या काम कर दिया एक मॉडिफाइड डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखा ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करेगा समझना ये दोनों ही स्टैंड एम आर एन ए बनाएंगे दोनों ही स्टैंड एम आर एन ए बनाएंगे यानी हमने इस कुछ तरीके से मॉडिफाई किया है कि इसमें एक स्टैंड ना पार्टिसिपेट करके इसके दोनों ही स्टैंड एम आर ए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जिसमें डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बनेगा तभी तो मैकेनिज्म एक्टिवेट होगी और वो कौन सा जीन लगाया हमने वो जीन जो इस पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस जीन को ही तो हमने टी आई प्लाज्म में क्या कर दिया इंट्रोड्यूस कर दिया इस जीन को टी आई प्लाज्मेट में इंट्रोड्यूस किया ठीक है और इसको मॉडिफाई किया ऐसा मॉडिफिकेशन कि दोनों ही डबल स्टैंडर्ड रिस्पांसिबल होंगे को बनाने के लिए तो अब वही करने वाले हैं बेटा ठीक है क्या अब यानी यहां पर एक आर एन ए नहीं बनेगा यहां पर दो आर एन ए बनने वाले हैं यानी इससे भी आर एन ए बनेगा और इससे भी आर एन ए बनेगा समझ रहे ना मेरी बात यानी अब सेंस आर एन ए भी बनेगा और एंटी सेंस आर एन ए भी बनेगा सेंस आरएनए भी बनेगा और एंटी सेंस आर भी बनेगा एंटी सेंस आर तो बस मॉडिफाइड डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने ऐसा मॉडिफिकेशन किया है कि इसका दोनों ही स्टैंड ठीक है आरएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है यानी यहां पर बन गए आप डबल स्टैंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड आर यही तो हम चाहते थे डबल स्टैंडर्ड आर एन ए यू कैरियो सेल में डबल स्टैंडर्ड बन चुका है हमने मॉडिफाइड जीन ठीक है टीआई प्लाज्मिड के अंदर हमने उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जो किसके पास था आप बोलोगे निमेटोड के पास था ठीक है उस जीन की समझ रहे हो ना डबल स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई और हमने कहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया उसको उठा करके ठीक है मॉडिफाई करके प्लांट के अंदर किसकी हेल्प से टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से बस डबल स्टैंडर्ड आ चुका है ठीक है एंटर कर चुका है अंदर अब इसमें एक सेंस है और एक सेंस, एंटी सेंस सेंस वर्क करने वाला इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है आर एन ए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स अब आर एन ए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स यहां पर वर्क करेगा बेटा क्या वर्क करने वाला है, है जो सेंस और एंटी में से किस उड़ाने वाला है सेंस को उड़ाने वाला है कौन सा बचेगा एंटी सेंस बचेगा कौन सा एंटी सेंस बचेगा वो एंटी सेंस जो पर्टिकुलर इस जीन का कॉम्प्ली इस जीन के आर एन ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ठीक है भाई इस जीन को तो बन जीन से तो बन रहा है यानी अब क्या मिलने वाला है आपको यहां पर एक ही आर एन ए बचेगा कौन सा आर एन एंटी सैंस सैंस तोड़ गया ठीक है अब यहां बचने मिलने वाला है आपको ओनली एंटीसेंस एम आर एन ए और साथ में रिस्क भी है अब ये इस तरीके के एंटीसेंस आ रहे विद रिस्क इस प्लांट में बनेंगे अब उस प्लांट को क्या करने वाले हैं प्रोटेक्ट करने वाले हैं ठीक है, है? यानी नेमेटोड के अंदर क्या चल रहा है भाई नेमेटोड के अंदर हमने उस जीन को आइडेंटिफाई कर लिया जिसकी वजह से पैरासीटेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था प्लांट के अंदर हमने क्या कर दिया मॉडिफाई कर दिया कोई भी टोबैको प्लांट हो सकता है कोई भी हमने टी आई प्लाजम के थ्रू इस जीन को मॉडिफाई करके मॉडिफिकेशन का मतलब है दोनों स्टैंड से आर एन ए बनेंगे इंट्रोड्यूस करा दिया अंदर जाकर के सेंस और एंटी सेंस आर एन ए बन जाएंगे इसमें से सेंस आर एने डिस्ट्रॉय हो जाएगा रिस्क प्रोटीन की हेल्प से बचेगा क्या एंटी सेंस आर एन विध रिस्क अब क्या होने वाला देखो अब क्या अब मैं बताता हूं आगे क्या इसका मैकेनिज्म का फायदा क्या है यानी अब यहां हम प्लांट सेल की बात करते हैं समझना ये प्लांट सेल है इस प्लांट सेल के अंदर क्या देखने को मिल रहा है इस प्लांट सेल के अंदर बेटा आपको एम देखने को मिल रहा है एम आर एन एम आर एन ए कैसे एम आर एन ए जिनसे क्या लगा हुआ है इन एम आर एन ए से एक प्रोटीन लगी हुई है रिस्क 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 ये मॉडिफाइड प्लांट हो गया ठीक है मॉडिफाइड प्लांट ये मॉडिफाइड प्लांट है जिसके पास रिस्क भी लगा हुआ है अब समझना अब हम इसको इंफेक्ट कराते हैं किससे से देखो आप नेमेटोड दिखा देते हैं चलो नेमेटोड भी बना देते हैं ये देखो ये नेमेटोड मान लो ये कोशिश करेगा इस प्लांट में एंटर करने की और प्लांट को इनटेक करने की ठीक है दिखा देते हैं ऐसे ही हम बना करके एक हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर मान लो ये नेमेटोड है आंख भी बना देते हैं ये इस प्लांट को खाने की कोशिश करेगा ठीक है जब जब प्लांट को इनटेक करेगा नेमेटोड तो इस नेमेटोड के अंदर क्या एंटर कर जाएगा यह प्रोटीन भी एंटर कर जाएगी ठीक है करा देते हैं एंटर थोड़ा सा नेमेटोड को और बड़ा कर देते हैं थोड़ी ये मानो नेमेटोड है मान लो ये नेमे, नेमेटोड है ठीक है तो इस प्लांट के अंदर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंटर करेगा ठीक है जिसके पास क्या होगा रिस्क होगी आरएनए कैसा होगा सेंस होगा एंटी सेंस एंटी सेंस एंटी सेंस, सेंस आर एन ए एंटी सेंस आर एन ए आ चुका है इस नेमेटोड में इसको बर्बाद करने के लिए ये एंटी सेंस आर एन एस कौन सा एंटी सेंस आर एन ए इस निमेटोड की जो पैरासिटिज्म के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल थी उसी का तो एंटी सेंस है यानी अब निमेटोड इसको एंटेक करने के लिए क्या काम करेगा अपना सेंस बनाएगा। वही जीन पूरा मैकेनिज्म दिखा देते हैं। निमेटोड में क्या था जीन था ठीक है निमेटोड के अंदर जीन था समझ रहे ना मेरी बात ये ठीक है इस जीन से एमआरएनए बना था कैसा एमआरएनए बना था आप लोगों सेंस और सेंस आरएनए से क्या बनती है सेंस आरएनए से बनती है प्रोटीन ठीक है प्रोटीन और यह प्रोटीन इसको इस प्लांट पर पैरासाइट होने के लिए मॉडिफाई करती है यानी ये प्रोटीन बनेगी तभी जाकर के ये प्लांट पर पैरासाइट हो पाएगा समझना सेंस इसमें बन रहा था एंटी सेंस आर आ चुका है अब ये एंटी सेंस आर ए क्या काम करने वाला है जहां जहां इसको सेंस दिखेगा सेंस को अलग कलर से दिखाते हैं ज्यादा समझ में आएगा ये है सेंस आर ए ग्रीन कलर से दिखा देते हैं ये ग्रीन कलर से दिखा देते हैं एंटी सेंस को व्हाइट कलर से दिखाया है ठीक है तो इसके आने से क्या हो जाएगा ये ग्रीन कलर वाला सेंस आर ए और व्हाइट कलर का एंटी सेंस आर एन ए तुरंत भाई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं जुड़ जाएंगे जुड़ते ही क्या होगा जुड़ते ही ये रिस्क प्रोटीन सेंस को क्या कर देगी उड़ा देगी यानी अब ये आर एन के अंदर पहुंच चुके हैं जब भी सेंस आर बनेगा ये बाइंड कर जाएगा रिस्क उड़ा देगी बाइंड करेगा ये रिस्क उड़ा देगी तो रिस्क क्या काम कर देगी इसको कट कर देगी ठीक है यानी यहां पर रिस्क क्या करने वाली है सेंस आर के टुकड़े करने वाली है ठीक है तो ये क्या है सेंस ठीक है जब सेंस आरएनए इसमें एस में समझ लो सेंस आरएनए एन स्टेबिल ही नहीं हो पाएगा पैरासाइट के अंदर तो प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो धीरे धीरे भूख की वजह से ये मरना चालू हो जाएगा क्योंकि पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन थी वो इस आर से बन रही थी अब वो प्रोटीन नहीं बनेगी प्रोटीन नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी क्योंकि इसमें कौन एंटर कर चुका है इनिशियल फेज में आप बोलोगे सिंगल स्टैंडर्ड एंटी सेंस के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगा यानी अब इस जीन को साइलेंट कर दिया यानी आरएनए ने आरएनए के एक्सप्रेशन को रोक दिया क्या करके डबल स्टैंड बना करके क्योंकि डबल स्टैंड का कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती प्रोटीन सिंथेसिस सिंगल स्टैंड की होती है उसमें भी सेंस आरेने की प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा सेंस आरेने इसके अंदर क्यों क्योंकि रिस्क ऑलवेज उसको डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर देगी ठीक है डिस्ट्रॉय नहीं भी करती है तब भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई कॉम्पलीमेंट्री आ आएगा तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे तुरंत बाइंड कर जाएगा उससे और बाइंडिंग करते ही अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी ठीक है और रिस्क अगर उसमें जुड़ी हुई है तो रिस्क क्या कर देगी सेंस को उड़ा देगी सेंस उड़ गया तो बस काम बन गया फिर ये दूसरे सेंस बनेगा फिर से बाइंड करेगा फिर सेंस को उड़ा दिया जाएगा फिर सेंस बनेगा फिर बाइंड करेगा फिर सेंस को उड़ा दिया जाएगा यानी अब इसके अंदर वो प्रोटीन बनेगी ही नहीं और प्रोटीन नहीं बनेगी तो आप समझ रहे हो ये प्लांट पर पैरासाइट नहीं हो पाएगा और हर बार मारा मतलब खत्म हो जाएगा तो हमने प्लांट को ही मॉडिफाई कर दिया क्या करके एक ऐसा आरएनए प्रोड्यूस कर दिया प्लांट के अंदर जो उस होस्ट की पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन का एंटीसेंस बना लेता है और एंटीसेंस तो जब भी एंटर करेगा सेंस से बाइंड करेगा सेंस से बाइंड करेगा खेल खत्म तो सेंस और एंटी सेंस समझ में आया होगा इस टेक्निक को हाइपोथेटिकल ही सही पर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश की है समझ में आई भी होगी बेटा अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है मैं चाहता हूं सारे अच्छे बच्चे जुड़े ठीक है ऑनलाइन और अच्छे बच्चे कमेंट भी अच्छे अच्छे से करें ठीक है जिससे कि ऑनलाइन ट्यूटर्स मैं ही नहीं बहुत सारे ट्यूटर्स होते हैं उनको एक आप समझ रहे हो ना एक एक्टिवेशन मिलता है तो मतलब लोग लोगों को लगता है कि ऑनलाइन क्वालिटी नहीं है बच्चों के अंदर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मटेरियल मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं करते ठीक है इसलिए लोग लोगों को टीचर से टीचर्स को लगता है यार मतलब फ्री में कोई चीज देना बेकार है ठीक है फ्री में दे रहे हो तो बच्चा वैल्यू नहीं देगा आपको ठीक है और आप उससे भी लो क्वालिटी पैसे में देते हो तो बच्चा आपको वैल्यू देगा क्योंकि सब कुछ पैसे से समझ रहे हो ना तो पहले मैं भी सोचता था पर मैं समझ रहे हो ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में कुछ थोड़ा पैसा भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बस उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत मतलब अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहा हूँ कि बहुत स्टैंडर्ड आपको बहुत स्टैंडर्ड आपको मतलब मतलब समझो कि इंडियाज़ बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको मतलब बहुत बेहतरीन क्वालिटी क्योंकि तो मैक्सिमम बच्चे मतलब मतलब जो बच्चे नहीं समझते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि मतलब बच्चा वही समझेगा ना उसमें कंपैरिजन किया होगा जिसको पता होगा कि हम इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़े थे बहुत पैसा खर्च किया था पर क्वालिटी हमें वो नहीं मिल रही थी ठीक है या वैसी ही क्वालिटी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ठीक है तो वही समझ पाएगा इसलिए एक प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ को समझना ठीक है कि आप पैसे से क्वालिटी को कंपाइल मत करना बेटा ठीक है ये ये मैं मैं बहुत बहुत मतलब दिल 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 से 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 बोल रहा रहा वाली बात दिल से पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है और उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो मैं, जो मैं मैंने देखे हैं बच्चे जो मतलब आ, मतलब फोर थाउजेंड भी अफोर्ड नहीं कर सकते मैं सच कह रहा हूं ठीक है और खाली फोर थाउजेंड से नहीं होता है सब कुछ क्योंकि बच्चे को एक मोबाइल भी चाहिए होता है एक डेटा भी चाहिए होता है प्रॉपर ठीक है तो कहीं ना कहीं से ठीक है अगर उनको मोबाइल डेटा आजकल क्या होता है कि जगह जगह पर ठीक है लाइब्रेरीज होती हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जब बच्चों को ये फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं ठीक है वो चीज़ें बन रही हैं ठीक है एक छोटा सा अमाउंट पे करके बट एजुकेशन उनको क्वालिटी वाली मिल जाए तो तो बस उस चीज को मेंटेन रखना जिससे कि आपको फ्यूचर में भी मतलब अच्छे ट्यूटर्स आपको एक बेस्ट क्वालिटी दे पाए ठीक है वो तभी पॉसिबल होगा जब समझ रहे हो ना मेरी बात आप अगर फ्री वाली एजुकेशन को बिल्कुल हल्के में ना लोगे ठीक है ये फ्री में मत समझना मतलब ये बहुत आपको बहुत बेहतरीन चीज मिल रही है ठीक है उसको हल्के में मत लेना बस ये मैं कहूंगा बहुत हल्के में मत लेना ये बहुत मतलब इंडियाज बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूं मैं ठीक है बस ये समझो कि उसको हल्के में मत लेना ठीक है तो यहां तक बताओ कोई भी डाउट है बेटा कोई भी डाउट है ठीक है क्योंकि अब बच्चे भी दो टाइप के होते हैं एक तो मतलब मतलब ऐसे बच्चे भी होते हैं जो यूट्यूबर्स को ही चूज़ करते हैं मतलब उनको चाहिए कोई मतलब समझ रहे हो ना मस्ती करने वाला टीचर आए यार वो मुझसे नहीं होती ठीक है मैं सिर्फ ओनली पढ़ाना जानता हूँ और सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको ओनली पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो ठीक है नहीं लगता है तो ठीक है क्योंकि एक ही चीज़ आती है मुझे सिर्फ पढ़ाना ठीक है ना तो समझ रहे हो ना गाने ये मस्ती ये चीज़ें मुझे नहीं आती ठीक है तो मतलब अच्छा लगे तो ठीक है क्योंकि मुझे ये क्या लगता है कि बच्चा अगर यहाँ आया है तो पढ़ने आया है ठीक है तो उसको सिर्फ पढ़ाओ ठीक है मस्ती के लिए तो पूरा YouTube भरा पड़ा हुआ है तो क्या जरूरत है भाई टाइम सबसे कीमती है तो बस यही चाहूंगा कि अगर पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो ठीक है और कुछ मत करो ठीक है और बस एकदम फोकस्ड और टारगेट को अचीव करो और जहां चाह होगी वहां राह होगी ही होगी ये एक बस सीधा कंसेप्ट है अपने अंदर वाकई में चाह पैदा करो और मतलब आप टारगेट को अचीव कर जाओगे मैं पक्की बात कह रहा हूं अब नीट का एग्जाम बहुत पास आ रहा है तो मैं यही कहूंगा एकदम सीरियस एकदम सीरियस और अब दौड़ लगा दो जितनी लगा सकते हो ठीक है चैप्टर भी फिनिश हो रहा है मतलब आपका कोर्स भी फिनिश हो रहा है बस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक है और पेपर पर डे फुल पेपर आपको सॉल्व करना है फुल पेपर छह से लेकर सिक्स टू सेवन ईयर तक के लास्ट के पेपर सॉल्व करोगे और एक फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटी का कंबाइंड पेपर सॉल्व करोगे एग्जैक्ट थ्री आवर्स के अंदर घंटे के अंदर टाइम लगा करके सेम टाइम पर जिस टाइम पर नीट का एग्जाम होता है और सेम उसी पैटर्न में और हैबिट डालनी है कि पर डे जब आप नीट का एग्जाम दोगे तो आपको लगना नहीं चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो आपको ऐसा लगना चाहिए यार तो हम हमेशा ही देते आ रहे हैं तो आपकी बॉडी उस टाइम के हिसाब से आपकी बॉडी उस थ्री आवर्स के हिसाब से स्टेबल हो जाए आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात और इतने बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि यार किया हुआ है तो आप मॉर्निंग में इवनिंग में यानी आप मॉर्निंग के टाइम पर फिजिक्स जियोलॉजी उठा सकते हो इवनिंग के टाइम पर केमिस्ट्री बॉटनी उठा सकते हो कोई भी चूज कर लो जो आपको कॉम्बिनेशन सही लगे ठीक है और दिन में एक एक फुल पेपर सॉल्व करना ही है ठीक है फुल पेपर का मतलब है जिसमें जैसे नीट का पैटर्न है ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योलॉजी बॉटनी कंबाइंड पेपर थ्री आर्ट्स के लिए एग्जैक्ट टाइम में वॉच लगा करके एक फोटोस्टेट ओ सीट के ऊपर जो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन करेगा और एग्जाम हॉल में जो मिस्टेक्स होंगे वो पहले ही इंप्रूव हो जाएंगे यार करना पड़ेगा ये ठीक है तो बस अगर चाह अच्छी है तो राह मिलेगी ही मिलेगी ठीक है तो बस यही कहूंगा ठीक है चलो तो हमारे बेटा चारों टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से मैंने कराने की कोशिश कर दी है तो आर एन इंटरफेरेंस समझ में आई होगी मैं वापस एनसीआर पर आ रहा हूं पहले एनसीआर ने समझाया कि आर इंटरफेरेंस है क्या मैंने उसको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया कि आर इंटरफेरेंस होती क्या यहां से समझाया मैंने आर इंटरफेरेंस होती क्या है फिर इसकी एप्लीकेशन एनसीआर ने बताई है कि निमेटोड और प्लांट स्पेशली टोबैको प्लांट लिया है एग्जाम्पल तो मैंने उसकी पूरी एप्लीकेशन समझाया कि सबसे पहले निमेटोड के अंदर हमने उस जीन को आइडेंटिफाई किया जो अपनी पैरासिटिज्म यानी प्लांट पर जो पैरासाइट होता है उसके लिए प्रोटीन बनाता है उस जीन को ढूंढ लिया ठीक है और पता भी कर लिया ये प्रोटीन प्लांट के ऊपर पैरासिटिज्म के लिए है यानी इस जीन को अगर हम टीआई बनाकर के संग करके करके ठीक है रिकॉम्बिनेंट बना करके, इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दें मॉडिफाई करके मॉडिफिकेशन क्या है कि इस जीन के दोनों स्टैंड एमआरएनए बनाएंगे मीन एक सेंस आरएनए होगा एक, एक एंटी सेंस होगा और दोनों आरएनए अगर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे तो हमारी रिस्क एक्टिवेट हो जाएगी और रिस्क एक्टिवेट हो जाएगी तो सेंस आर सेंस जो पहले नहीं बनता था अब एंटी सेंस बनना स्टार्ट हो गया जब भी निमेटोड जिसके अंदर सेंस आर था इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसको इंटेक करेगा तो एंटी सेंस इसके अंदर एंटर कर जाएगा और एंटी सेंस अगर इसके अंदर एंटर करेगा एक मिनट देखो बैटरी बची है क्या देखो बैटरी जाने वाली है मैं चेंज करूंगा उसके टेक्निक के बाद ठीक है बैटरी चेंज कर देंगे तो जिससे कि साउंड में कोई दिक्कत ना आए तो अब जब भी निमेटोड ठीक है इस प्लांट को इंटेक करेगा ठीक है तो एंटी सेंस एंटर कर जाएगा नेमेटोड में और इसके सेंस के एक्सप्रेशन को साइलेंट कर देगा इसी को बोलते हैं आरएनए के थ्रू आरएनए की साइलेंसिंग ठीक है इसी को बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए ठीक है का फॉर्मेशन और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस को होने ही नहीं देगा ठीक है यानी एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो कि एक्सप्रेशन को रोकने का, का काम करता है एंटी सेंस आर जो एक्सप्रेशन को रोकने का काम करता है यानी आर के थ्रू आर के एक्सप्रेशन को रोकना इसी को बोलते हैं आर एन इंटरफेरेंस या आर एन साइलेंसिंग तो ये सारे कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता नहीं यहां कोई डाउट है अब एनसीआर आपको और बेहतर तरीके से क्लियर कर देगी इन ऑल यू सेलुलर डिफेंस मैंने अभी बताया कि हर एक यू में सेलुलर डिफेंस का एक मैकेनिज्म है दिस साइलेंसिंग मैके आर एम आर ठीक है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसमें मैं मैं फिर से बोल रहा हूं मैंने लिखा भी दिया है अलग से ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू ठीक है एंड प्रीवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एम इसके ट्रांसलेशन को रोक देगा यानी साइलेंट कर देगा यही तो है साइलेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है समझ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कहां बन रहा है कैसे बन रहा है क्लियर है द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए कुड बी ठीक है फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस है जीनोम या आर एन ए मैंने बताया अगर एनिमल सेल है तो आप वायरस यूज करोगे या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी यूज कर सकते हो ठीक है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट समझते हो यानी ऐसे ठीक है जेनेटिक मटेरियल जो यहां से वहां यानी जिनके पास कैपेसिटी होती है जीनोम के साथ जुड़ने की आप उनको भी यूज कर सकते हो वो भी एक एग्जाम्पल है पर हमने प्लांट के लिए क्या यूज किया टीआई प्लाजमेट ठीक है वो भी हमने यूज किया है ठीक है तो वो तो हमने एग्जाम्पल बताई दिया आपको पर इसके अलावा और क्या कर सकते हो ठीक है आप इसके अलावा यूज कर सकते हो वायरस यूज कर सकते हो एनिमल सेल के केस में या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी यूज कर सकते हो ठीक है चलो अब यहां आप यूज क्या कर रहे हो मैंने बताया आप एग्रो बैक्टीरियम को यूज कर रहे हो ये तो बेसिक समझा दिया एग्रो बैक्टेरियम को यूज कर रहे हो किसके लिए नेमेटोड्स के लिए नेमेटोड स्पेसिफिक जीन के लिए ठीक है वर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट आपने इस होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक इंट, है इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज सच दैट ये प्रोड्यूस करेगा बोथ सेंस भी बनाएगा और एंटी सेंस भी बनाएगा तभी तो चीन तभी तो वो चीज एक्टिवेट होगी ठीक है इन द होस्ट सेल दीज टू आर एन ए बींग कॉम्प्लीमेंट्री टूच अदर जो क्या बनाएंगे डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही तो इनिशिएट करता है आरएनए इंटरफेरेंस जब तक डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनेगा आरएनए इंटरफेरेंस इंड्यूस ही नहीं होगी क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही रिस्क को एक्टिवेट करता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तब रिस्क एक्टिवेट होगा और रिस्क एक्टिवेट होगा तो सेंस को उड़ाएगा एंटी सेंस बचेगा ठीक है साइलेंस द द द द द द स्पेसिफिक ऑफ ठीक है कॉन्सिक्वेंस पैरासाइट कुड नॉट इन ट्रांसजेनिक होस्ट ठीक है जिसकी वजह से वो पैरासाइट ट्रांसजेनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो यहां तक एकदम क्लियर है एक पार्ट हमारा फिनिश बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन मेडिसिन में तो सिर्फ इंसुलिन के बारे में दे रखा है पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है वो पहले अंडरलाइन कर दूं मैं पहला पॉइंट तो ये आता है बेटा कि अब तक वर्ड में वर्ड लेवल पर कितने प्रोडक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है जो डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से बने हुए हैं तो थर्टी प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट थर्टी प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल चुका है थर्टी ठीक है एक क्वेश्चन इंडिया में कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में आ चुके हैं ठीक है आ चुके हैं ट्वेल्व प्रोडक्ट इंडिया में ट्वेल्व प्रोडक्ट वर्ल्ड में जो अप्रूवल मिला है वो प्रोडक्ट को मिला है ये क्वेश्चन नीट में आता है तो पहले समझो ठीक है एट प्रेजेंट मैंने मैंने वही लाइन है डार्क कर दी है क्वेश्चन आएगा एट प्रेजेंट पूरा ही अंडरलाइन कर देते हैं ये इतना ठीक है एट प्रेजेंट अबाउट थर्टी रिकॉम्बिनेंट थ्रेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड कितने अप्रूव हो चुके हैं थर्टी अप्रूव हो चुके हैं बेटा थर्टी अप्रूव हो चुके हैं इंडिया में वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया में अगर हम पूछते हैं इंडिया में कितने अब ट्वेल्व ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बींग मार्केट यानी मार्केट में आ चुके हैं ट्वेल्व प्रोडक्ट जिसके मैंने एग्जाम्पल इनिशियल फेज में आपको बताए थे स्टार्टिंग में वो सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो इंडिया में ट्वेल्व प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में और वर्ल्ड लेवल पर थर्टी प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल चुका है जो रिकॉम एंडी टेक्नोलॉजी से बने ये लाइन डायरेक्टली पूछी जाती है बस यही इंपोर्टेंट लाइन है इसकी आगे बढ़ते हैं अब यहां बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड ठीक है इंसुलिन आपको ये पता होगा ना पहले इंसुलिन हम कौन सी इंसुलिन यूज करते थे हम इंसुलिन 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 यूज 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 करते 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 थे बीफ यूज़ करते थे बीफ ठीक है कब हैं जब ह्यूमन के अंदर स्पेशली पैनक्रियास में बीटा सेल फंक्शन नहीं करते हैं ठीक है तो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता जिस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज कर जाता है और आपको डायबिटीज ठीक है मलाइटस हो जाती है या आपको पता है ये वाली बात हम पढ़ा चुके हैं आपको बहुत बार फिजियोलॉजी में ठीक है तो अब क्या करना पड़ेगा जब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम पॉक और बीफ इंसुलिन यूज करते हैं इंसुलिन एक प्रोटीन है ठीक है पर अब आपसे पूछा जाए इस प्रोटीन को आप पॉक प्रोटीन और बी प्रोटीन निकाल करके आप बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या एक्टिवेट नहीं होगा क्या प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये एनसीआरटी पूछती भी है और क्वेश्चन भी आता है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ठीक है कोई नहीं ठीक है ठीक है अगर हम इंसुलिन को आइसोलेट करते हैं अदर एनिमल से ठीक है जैसे पॉक बोला मैंने बी बोला बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सीक्रेट बाय द ह्यूमन बॉडी जैसे हमारे बॉडी बनती है से वैसे ही काम करती हैं सेल्फ एंड वुट इज नॉट ठीक है इली एंड इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन बॉडी भाई नाव ठीक है आसमान मेरी बात अगर हम उस इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल केस में नहीं होता वो किसी किसी केस में किसी किसी केस में जिनका बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है जो एलर्जिक होते हैं तो वहां इसका रिस्पांस आ जाता है यानी नॉर्मल केस में उसका रिस्पांस नहीं आता तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसा क्यों होता है बेटा मैंने हॉर्मोन में बताया भी था तभी तो करो मेरे एक एक लेक्चर में हर कंसेप्ट था मैंने बताया था अगर कोई प्रोटीन ठीक है एंटीजन की तरह तभी बिहेव करेगी जब उसका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा है अगर लो मॉलिकुलर वेट की प्रोटीन है तो वो एंटीजेनिक समझ रहे ना मेरी बात एंटीजेनेसिटी या इम्यूनोजेनेसिटी यानी एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करेगी इसीलिए इंसुलिन का मॉलिकुलर वेट कंपेटिव कम है मान के चलो एक तरीके से ठीक है तो यह कह सकते हो कि इंसुलिन पॉक इंसुलिन बीफ इंसुलिन ठीक है कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो कि ह्यूमन इंसुलिन की ही तरह है जिसको बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है ये भी एक एक इसका कॉज है ठीक है तो ये दो मतलब कह सकते हो कारण है जिसकी वजह से बॉडी इसको क्या कर लेती है एक्सेप्ट मैं कॉमन चीज बता रहा हूं अगर किसी भी प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट टेन थाउजेंड ड से कम ठीक है ठीक है कम है तो वो एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी नहीं दिखाती मतलब एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करती वो डिपेंड करता है किसी का इम्यून सिस्टम अगर हाइपर है तो वो केस अलग है ठीक है और अगर मैं पॉक इंसुलिन बीफ इंसुलिन की बात करता हूं ये ह्यूमन इंसुलिन से काफी सिमिलर होती है जिसकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है पर कहीं कहीं इसके एलर्जिक सिम्टम मिल जाते हैं तो अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई कहां से आइसोलेट करते हैं उन पेंट्रिया से आइसोलेट करेंगे या नहीं मिलकर ठीक है तो इसको सॉल्व करने के लिए अब साइंटिस्टों ने क्या काम किया उस इंसुलिन को बनाने वाले सोचा यार इंसुलिन हम वहां से आइसोलेट कर रहे हैं ये तो प्रोटीन है क्यों ना इसको हम होस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं इकुलाई के अंदर ठीक है और डायरेक्टली ह्यूमन को इंजेक्ट करते हैं तो हमें प्लांट से एनिमल से आइसोलेट नहीं करना होगा तो क्योंकि रिकॉम टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो अब दिमाग लगाया कि इंसुलिन के जीन को ढूंढा जाए इसकी मैकेनिज्म को समझा जाए तब हमें कुछ और ही चीज मालूम पड़ी क्या मालूम पड़ा अब देखो अच्छा एक क्वेश्चन और ये भी देख लो एनसीआरटी का जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इंसुलिन जो डायबिटिक के केस में दी जाती है इंजेक्ट की जाती है ओरली क्यों नहीं दी जाती आप अभी बताया ना इंसुलिन प्रोटीन होती है आप ओरली इंटेक कराओगे प्रोटीन को तो स्टमक में और भाई डिटेन में जाके डाइजेस्ट हो जाएगी आप समझ गए ना मेरी बात इसलिए इंसुलिन को कभी भी ओरली नहीं देते ठीक है इसको हम क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं ब्लड में ठीक है समझ में आ गया क्यों इंजेक्ट करते हैं क्योंकि ओरली प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी या एनसीआर दो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है समझ में आनी चाहिए आपको अब इंसुलिन कैसे प्रिपेयर की जाती है कितनी चेन होती है इंसुलिन के अंदर ये वही चीज़ है बस मैं डायरेक्ट डायग्राम से समझा देता हूं तो इंसुलिन को बनाने वाला जीन होता ना एक सिंगल जीन होता है मतलब समझो सिंगल जीन का मतलब एक 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 सिंगल जीन नहीं डीएनए का सेगमेंट जिसमें ठीक है तीन पार्ट हैं इसके तीन टाइप के जीन है उस सेगमेंट के अंदर जो थ्री टाइप की पॉलीपेप्टाइड को एक साथ बनाते हैं ठीक है, है? पूरी पॉलीपेप्टाइड एक साथ बनती है मतलब यहां एक दिक्कत आई बनाने के लिए क्योंकि यहां एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती तो रिकॉम डीएनए टेक्नोलॉजी से बना सकते थे पर यहां क्या है एक नहीं तीन तीन जीन के एक्सप्रेशन से सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो पूरी की पूरी इंसुलिन नहीं बनाती मैच्योर इंसुलिन नहीं बनाती उसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन ठीक है रिमूव होने पर इस बजे एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है बेटा ठीक है उसको रिमूव करना पड़ता है तब जाकर के इंसुलिन का मेच्योरेशन होता है मैं समझा रहा हूं इस चीज को मैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो मैं समझाता हूं तब शायद समझ में अच्छे से आएगी देखो ये क्या है इनिशियल जो इंसुलिन का प्रो इंसुलिन बोलोगे इसको प्रो इंसुलिन इनिशियल इंसुलिन कैसे बनती है इनिशियल इंसुलिन के अंदर थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ठीक है मान लो ये ऊपर वाली चेन को दिखाते हैं हम ये सी पैप्टाइड लगभग थर्टी थ्री माइनो एसिड से मिलकर बनी होती है ठीक है यहां जो ब्लू कलर की चेन दिख रही ना ब्लू कलर की ये 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 ए ए पेप्टाइड है A, ठीक है इसकी बात करते हैं तो ये बहुत छोटी होती है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी वन ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी होती है जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहा है ना स्ट्रक्चर कलर जरूर ध्यान रखना कलर से ही आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आप कर पाओगे ये कलर अलग है ये ये सी पेप्टाइड हो गई ब्लैक कलर से दिखा दी मैंने ठीक है जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं ये ए पेप्टाइड हो गई जो हम बेटा ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर ये ग्रीन कलर वाली ये तीनों पर तीनों एक साथ बन रही हैं ठीक है अब समझ में अच्छे से आ जाएगा हाँ बेटा तो ए हो गई और ये हो ये कौन सी पेप्टाइड होगी बी बी और बी 30 थर्टी एसिड से थर्टी अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी होती है ठीक है फिर क्या होता है ये पूरी पॉलीपेप्टाइड बन जाती है इसमें से ए और बी ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसके किसके बीच में ए और बी के बीच में ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ठीक है यानी ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं समझ में आया ये क्या है भाई इनिशियल प्रो इंसुलिन है फिर इसका क्या होगा भाई मेच्यूरेशन ये जो मैकेनिज्म हो रही है ठीक है ये हो रहा है मेच्युरेशन ऑफ इंसुलिन जब मैच्युरेशन होता है इंसुलिन का तो उसमें से सी पैप्टाइड सेपरेट हो जाती है सी पैप्टाइड क्या हो गई अलग हो गई ये अलग हो गई सी पैप्टाइड ए और बी पैप्टाइड अलग हो गए भाई ए और बी आपस में जुड़ करके इन्होंने ए हो गई ये बी हो गई ए और बी आपस में कनेक्ट हो गए और ए बी कनेक्ट होकर इन्होंने ये बना लिया मैच्योर इंसुलिन ठीक है यानी अगर मैं मैच्योर इंसुलिन की बात करता हूं ठीक है ये क्या बन गई मैच्योर इंसुलिन की बात करते हैं तो मैच समझना मेरी बात ठीक है तो मेरी बात समझना प्रो इंसुलिन में तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन थे अब प्रो इंसुलिन के अंदर आप की बात करते हो तो तीनों को ऐड कर दोगे मैच्योर इंसुलिन की बात करते हैं तो मैच्योर इंसुलिन के अंदर टोटल अमायनोसेट कितने होते हैं ठीक है आप बोलोगे इसमें ए प्लस बी पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं मीन्स यहां पर ट्वेंटी वन प्लस थर्टी ये भी पूछा गया है यानी फिफ्टी वन अमाइनो एसिड होते हैं मैच्योर इंसुलिन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड फिफ्टी ठीक है इमेच्योर इंसुलिन में नंबर ऑफ ऑम एसिड तीनों को एड कर दो मैच्योरेशन के अंदर किस रिमूवल किसका होता है रिमूवल ऑफ सी पैप्टाइड सी पैप्टाइड अलग हो जाएगी जो कितने माइनोसाइड की थी थर्टी थ्री है माइनोसाइड की वो रिमूव हो गई मैचोर इंसुलिन बन गई ठीक है बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है अब कंपनियों के सामने चैलेंज था यार ये तीन प्रोटीनों पोलिपेप्ट को एक साथ बनाना फिर एक सेपरेट करना जोड़ना ये कैसे पॉसिबल होगा रिकॉम डी टेक्नोलॉजी से तो एक एल कंपनी थी तब उसने दिमाग लगाया एक काम किया जाता है ठीक है ए जीन को अलग करो ए पेप्टाइड को बनाने वाले बी पेप्टाइड वाले जीन को अलग करो और इन दो जीन से सेपरेटली ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और बाद में फिर चैलेंज क्या आया इनको पॉलीपेप्टाइड को जोड़ा कैसे जाए डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच कैसे किया जाए उसकी टेक्निक डेवलप की इन लोगों ने फाइनली फिर ए और बी चेन को जोड़ करके मेच्योर इंसुलिन आर्टिफिशियली रिकॉमेंड टेक्नोलॉजी से बनाई तो वही मैं समझाने वाला हूं कि बनती कैसे ये क्वेश्चन सारे यहां मिलने वाले हैं आपको तो इंसुलिन यूज फॉर भाई ये सब कॉमन बातें सारी बता चुका हूं मैं ठीक है अब फाइनली हम आते हैं बनती कैसे ठीक है वन नाइन एटी थ्री ये क्वेश्चन आता है कंपनी का नाम भी पूछेंगे किस कंपनी ने कहा की कंपनी थी अमेरिकन कंपनी थी ठीक है तो 1983 में एली लिली कंपनी थी अमेरिकन कंपनी थी इसने बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन इसको हिमुलन भी बोलते हैं ठीक है किस तरीके से बनाया अब देखो इसने उन्होंने क्या 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 यूज किया वो सब क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने जीन को आइडेंटिफाई किया किसको ए जीन को और बी जीन को सेपरेटली ए जीन पहले ए जीन को ही दिखा देते हैं अब इस जीन को ठीक है जो सेल के अंदर था ठीक है ह्यूमन सेल में ए जीन था ठीक है और यहां से हमने यूज किया ठीक है भाई अब यहां एनिमल की बात चल रही है तो ठीक है अब हम होस्ट लेने वाले ईकोलाय तो अब ईकोलाय भी दिखा दो यहां पर ईकोलाय ईकुलाय के अंदर अपना प्लाजमेट था ठीक है नॉर्मल प्लाजमेट अब यहां से तुमने तो क्या किया इस प्लाजमेट को आइसोलेट किया यहां से हमने इस जीन को आइसोलेट किया समझना और हमने बना दिया एक रिकॉम नैंट जीन इसमें जोड़ दिया ठीक है इंसुलिन वाला जीन यहां पर आ चुका है ए पेप्टाइड को बनाने वाला ठीक है ए जीन ठीक e है इकोलाई में हमने प्लाजमेट लिया और क्या बना दिया हमने रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन कर दिया जब रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ डीएनए इस रिकॉम्बिनेंट को हमने एंटर करा दिया अगेन ई कोलाई के अंदर किसमें एंटर करा दिया ई e कोलाई के अंदर जब रिकॉम्बिनेट इक्वलाई e में जाएगा साथ में डीएनए को भी लेके जा रहा है ठीक है इस मेथड के थ्रू हमें क्या मिल गई अब ये इक्वलाई e प्रोड्यूस करेगी ठीक है ए पेप्टाइड्स ए पेप्टाइड्स हमें मिल गए समझ में आया होगा सबसे पहले ह्यूमन सेल्स से हमने ए जी को, को आइसोलेट किया e रिकॉमलाय e e अब रिकॉम ईकोलाई e में जाएगा तो अगेन भाई जीन ए पैप्टेड है तो ए पैपटेड का फॉर्मेशन हो जाएगा सेम इसी तरीके से हमने बी पैप्टेड बनाया ठीक है जैसे हम दिखा देते हैं आगे ठीक है तो ए पैप्टाइड हमें मिल चुका ए प्रोटीन ठीक है ठीक ऐसे ही हमने बी पेप्टाइड भी बनाया सेम वही मेथड से सेम वही तरीके से रिकॉमेंट लिखने की जरूरत तो नहीं है ठीक है मैं समझा ही देता हूं ऐसे हमने बी पेप्टाइड का फॉर्मेशन किया और फाइनली इन दोनों पेप्टाइड को बनाने के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको हमने क्या कर दिया जोड़ दिया डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया हमने इसको ये बन गई मैच्योर इंसुलिन तो बेसिक समझ में आया होगा कि बेसिक क्या कहना चाह रहे हैं तो इस कंपनी ने ठीक है क्या किया ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन ठीक है एंड इंट्रोड्यूस दैम इन प्लाज्मेट ऑफ इकोलाय इकोलाय के प्लाज्मेट में उसको इंट्रोड्यूस किया ठीक है और क्या किया चेन ए एंड बी वर्क

इंसेक्ट की मिड गट में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपका ठीक है मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इंक्लूड ठीक है तो आप, आप समझना मैंने बताया ना आर एन ए इंटरफ्रेंस भी इसमें इन्वॉल्व है बी डी भी इसमें इन्वॉल्व है दोनों के दोनों क्या करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप करते हैं यानी बोथ वन एंड टू बीटी टॉक्सिन किल द इंसेक्ट बाय कैसे किल करते हैं बीटी टॉक्सिन ठीक है मैंने बताया था कि इसके क्रिस्टल्स मिड गट से अटैच हो जाते हैं सोलिबलाइज होते हैं ठीक है एक्टिवेट होते हैं और फाइनली इसको फाइनलीट करते हैं क्रिएटिंग पोर इन मिड गिडगट की एपीथिलियल सेल में पोर क्रिएट करके ठीक है टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू एंड टू एन ठीक है नेमेटोड हैव बीन डेवलप बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस इन होस्ट सेल ठीक है अब टोबैको प्लांट जो रेजिस्टेंस बनना है नेमेटोड के लिए उसको हमने रेजिस्टेंस कैसे बनाया उसमें क्या इंट्रोड्यूस करते हैं सेंस या एंटी सेंस ठीक है या दोनों ठीक है या पर्टिकुलर कोई हॉर्मोन या कोई एंटी ठीक है फीडेंट या कोई टॉक्सिक प्रोटीन आप समझ गए यहां पर हम क्या करते हैं बोथ सेंस एंड एंटी सेंस क्योंकि जब दोनों नहीं बनेंगे तब तक यह मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होगी डबल स्टैंडर्ड ठीक है आर एन ए रिक्वायर्ड मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए द प्रोटीन प्रोड्यूस द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन जीन क्राय फर्स्ट एसी एंड क्राय क्राइ से आ गया होगा क्राय फर्स्ट एसी एंड क्राय क्राइ से बताया था मैंने कॉटन बॉल बॉम कॉटन बॉल बॉम ठीक है ये एकदम क्लियर है कोई डाउट नहीं होना चाहिए अ ट्रांसजेनिक राइस गोल्डन राइस हैज बीन ठीक है तो मेरे लिए किसके लिए ये मतलब इसको डेवलप किया गया था आप बोलोगे फॉर ठीक है

ठीक है प्रोटो प्रो, प्रो, प्रोटोक्सिन प्रो, गेट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट यस रूही पूछा है बीटी प्रोटीन एग्जिट एज एक्टिव टॉक्सिन नहीं इनएक्टिव की फॉर्म में होती है द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर द ठीक है ओवरीज ऑफ पेस्ट समझ में आ गया होगा अब आदो जीन थेरेपी गेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट देखो मेन टेक्निक बस लास्ट ये बची है एप्लीकेशन में एक जीन थेरेपी तीन चार चार टेक्निक में बता चुका हूं जो मेन थी जहां कंफ्यूजन था और लास्ट टेक्निक है जीन थेरेपी ठीक है इसके बाद तो कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट चीज नहीं है जनरल थ्योरी है जो मैं समझा करके ठीक है फिनिश कर देंगे चैप्टर को पर ये बहुत हाँ टेक्निक्स और उसके अंदर एक टेक्निक्स और बच्चों को समझ में नहीं आती ठीक है वो भी मैं समझाता हूं तो जीन थेरेपी है क्या अब समझना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जीन थेरेपी यानी डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना ठीक है तो पूरा मैकेनिज्म ही समझाता हूं मैं पहले डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले कहां का सबसे पहले समझना मेरी बात एक एंजाइम था एक एंजाइम था बेटा एडीए एडिनोसिन डी एमिनेस एडिनोसिन डी डेफिशियंसी कहां देखी गई सबसे पहले ये डेफिशिय देखी गई एक फोर ईयर की गर्ल्स के अंदर कब का केस है वन नाइन नाइन जीरो का केस है ये डिसऑर्डर इसको बोलते हैं एस सी आई डी एस सी आई डी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम ये एच आई के इंफेक्शन से भी खतरनाक है क्योंकि तो एच का इन्फेक्शन होगा तो सिर्फ एक टाइप की इम्यूनिटी आपकी बिगड़ेगी सोचो उसमें एक टाइप की इम्यूनिटी बिगड़ने से ही नहीं बचते तो यहां तो दो टाइप की इम्यूनिटी जाती है तो पहले पता तो होना चाहिए एडीए करता क्या है ठीक है तो इसलिए मैं एक एक चीज समझाऊंगा ठीक है तो पहले बेसिक समझो बेसिक क्या है बिल्कुल हर चीज का बेसिक समझा के हम आगे बढ़ेंगे तो पहले पता तो नहीं चाहिए एडीए क्या है एस क्या है क्यों इतनी प्रॉब्लम आती है एक जीन है ये क्या है जीन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ये जीन एक क्या बनाता है एक प्रोटीन बनाता है प्रोटीन कौन सा जीन है ए डी ए जीन है प्रोटीन क्या बनेगी यहां पर एडिनोसिन डीएम एडीए का मतलब है एडीए प्रोटीन बनेगी प्रोटीन कौन सी है एडीए प्रोटीन इन एडीए एंजाइम प्रोटीन का मतलब है ए डी ए एंजाइम। एंजाइम का मतलब है एडेनोसिन डीएमिनेज ये एंजाइम करता क्या इसकी इतनी इंपोर्टेंस क्या है भाई ठीक है इसका भी इसका जीन अगर डिफेक्टिव हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा ठीक है एचआईवी से भी डेंजरस है अब देखो ये एडीए एंजाइम करता क्या ये स्ट्यूमलेट करता है प्रोलीफरेशन ऑफ टी लिंफोसाइड एंड बी लिंफोसाइड भाई टी लिंफोसाइड और बी बीलिंफोसाइड दोनों के प्रोलिफ्रेशन को प्रोलिफ्रेशन डिवीजन को इंड्यूस करता है अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो इनका प्रोलिफ्रेशन डिवीजन नहीं होगा ठीक है और आप समझते हो टी लिंफोसाइड कौन सी इम्यूनिटी बनाते हैं और बी लिंफोसाइड कौन सी इम्यूनिटी बनाते हैं ये भी मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं आपको ठीक है टी बनाते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सी एम आई और बी बनाते हैं आप बोलोगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ठीक है ए एम आई यानी अगर ये जीन डिफेक्टिव हुआ तो ये मैकेनिज्म नहीं होगी और ये मैकेनिज्म नहीं होगी तो सीएमआई पर भी असर पड़ने वाला है और एम पर भी असर पड़ने वाला है जबकि एच सिर्फ सी को नुकसान पहुंचाता है यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाता है ओनली टी हेल्पर सेल को तो डिस्ट्रॉय करता है एच पर अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो टी सेल भी समझ रहे ना मेरी बात टी सेल के प्रोलिफ्रेशन पर भी इफेक्ट आएगा और बी सेल के प्रोलिफ्रेशन पर भी इफेक्ट आएगा मीन सेल मीडियट इम्यूनिटी और ठीक है हिमोरल इम्यूनिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड ठीक है एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी ठीक है या बी सेल मीडियड इम्यूनिटी तो इस पर भी इफेक्ट आएगा यानी दोनों टाइप की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी इस ये इसलिए बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है ठीक है तो इसी के लिए स्टार्टिंग सारी सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है तो 1990 का केस है फोर ईयर ओल्ड गर्ल थी बेटा उसमें एडीनोशन डी एम थी यानी इस एंजाइम में म्यूटेशन हो रखा था यानी ये एंजाइम इस प्रोटीन को नहीं बना रहा था जिसकी वजह से सी और ए दोनों ही वर्क नहीं कर रहे थे इस डिसीज को बोलते हैं क्या एस सी आई डी सीबियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशंसी सिड्रोम समझ रहे हो जो एड्स से भी एक्वाइर्ड इम्यूनोडेफिशी सिंड्रोम से भी डेंजरस है क्योंकि सिंड्रोम में ओनली सी एम आई सी एम आई आपकी खत्म होती है सी एम आई और एम आई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी आपकी खत्म हो रही है ठीक है तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है उस बच्ची को क्या क्या तरीके से ट्रीट किया गया था तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझना एक तरीका क्या है भाई बोन मैरो के अंदर इस जीन को बनाने वाला एंजाइम नहीं बन रहा जिस वजह से इनका प्रोलीफ्रेशन नहीं हो रहा तो एक तरीका तो क्या है उस बोन मेरो को रिप्लेस कर दिया जाए ठीक है जिस बोन मैरो में सेल्स होंगे जो उसको बना रहे होंगे उनको रिप्लेस कर दिया जाए पर इतना आसान तो नहीं ना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आप जानते हो भाई बोन मैरो मैच करेगा तभी तो दिया जाएगा और वो इतना आसान नहीं होता तो बहुत टिपिकल काम है फिर एक तरीका साइंटिस्टों ने क्या निकाला इसके अलावा कि यार इस एंजाइम को ठीक है इंट्रोड्यूस किया जाए बॉडी के अंदर पर कब तक करोगे यार कब तक एंजाइम को बार बार इंट्रोड्यूस करोगे ठीक है ये भी कोई परमानेंट क्योर तो है नहीं ये क्योर हो गया ये भी ठीक है फिर साइंटिस्टों के दिमाग में कुछ और आया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उन्होंने कहा क्यों ना हम बोन मैरो से डिफेक्टिव सेल को निकालें ठीक है और उन डिफेक्टिव सेल में जो उस ह्यूमन की ही है ठीक है हमें किसी का बोन मैरो लाना नहीं पड़ेगा हमें किसी एंजाइम आइसोलेट नहीं करना पड़ेगा हम उस ह्यूमन की बोन मैरो से डिफेक्टिव सेल आइसोलेट करते हैं और डिफेक्टिव सेल के उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी जीन से विद द हेल्प ऑफ रिट्रोवायरस और ऐसा कर दिया तो अब उन सेल को हम सेल कल्चर में ग्रो करेंगे बाहर ठीक है हेल्दी सेल को और जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो हेल्दी सेल ट्रांसफर कर दी जाएंगी उसके बोन मैरो के अंदर आप समझ रहे हो वो एक लॉन्ग टर्म काम करेंगी पर ये भी परमानेंट क्योर नहीं है पर लॉन्ग टर्म तक वर्क करने के लिए कंपेटिव अदर ये बेटर है ठीक है तो जीन थेरेपी अगर एम्ब्रोनिक एंगर स्टेज में होगी यानी जब आप एम्ब्रियो बना रहे हो जायगोट से टेस्ट्यू के अंदर वहां पर जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हो तो वो परमानेंट क्योर है ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक स्टेज में ठीक है ड्यूरिंग आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उस समय अगर आप जीन को इंट्रोड्यूस करते हो तो ये परमानेंट क्योर होगा ठीक है क्योंकि वहां इंट्रोड्यूस करोगे तो हर सेल में जाएगा ठीक है और आगे जाकर के वो डिफेक्टिव जीन रिप्लेस बाय हेल्थ जीन तो ठीक तो है आपकी पूरी बॉडी एकदम तो ठीक हो जाएगी बट अगर आप समझ रहे हो ना बाद में इंट्रोड्यूस करते हो तो परमानेंट की ओर तो है नहीं ये ठीक है हां पर कंपेरेटिव अदर ये बेटर है क्योंकि आप अपनी ही सेल को अपने अंदर इंप्लांट करा रहे हो ठीक है जिसकी पर्टिकुलर एक लॉन्ग टर्म लाइफ भी होगी अब तो डिजनरेट करेगी देन अगेन फिर से इंप्लांट करा देंगे सेल कल्चर हम मेंटेन करके रखते हैं तो बेसिक समझ में आया कि एक्चुअल में है क्या आपको समझाते हैं डायग्रामेटिकली तो एडीए का मतलब समझ में आया क्या करता है क्या प्रॉब्लम है ठीक है डिसऑर्डर किस तरीके से होता है पूरी मैकेनिज्म सर चल रहा हूं एकदम थेरेपी कैसे करते हैं अब देखो ये वो बच्ची है मान लो ठीक है इसको प्रॉब्लम क्या हो रखी है इसको रखिए एस सी आई डी सीबीआर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम ठीक है हमेशा एस सी लिख के ही मिलेगा हर जगह ठीक है सीबीआर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम और इसको एससीआईडी में क्या होता है यानी इसके अंदर एससीआईडी हो गया मतलब एडीए डेफिशियंसी हो गई हो गई क्योंकि इसके अंदर ADA है, है. तो अब इसका ट्रीटमेंट करना है हमें एससीआईडी हो रखा है एडीए डेफिशिएंसी है इसके अंदर अब हम क्या करेंगे तो हम एक तरीका बताया हमने आपको क्या कर देंगे बेटा इसके बोन मैरो से हम सेल को आइसोलेट करेंगे करते हैं आइसोलेट ठीक है उफ। समझना बेटा आइसोलेशन ऑफ ए डी ए ठीक है डिफेक्टिव सेल्स मैं कर लिया आइसोलेट अब इन सेल्स को हम क्या करने वाले कल्चर में बाहर जाकर के कल्चर में ग्रो कराएंगे ग्रो करा लेते हैं भाई ठीक है कल्चर में भी ग्रो करा लेते हैं इनको ये ठीक है ठीक है कल्चर में आपने ग्रोथ करा ली ग्रोथ करा ली सेल को ठीक है अब क्या करोगे आप ठीक है अब यहां पर आपने वायरस को मॉडिफाई किया ठीक है क्या किया मॉडिफिकेशन ऑफ वायरस एक वायरस है रिट्रो वायरस आप समझ गए हम क्या करने वाले हैं इस रिट्रो वायरस में हमने हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया ये एक हेल्दी जीन है कलर चेंज कर देते हैं ये हेल्दी जीन है एडीए एडिनोशन डी एंजाइम का हेल्दी जीन हमने रिट्रोवायरस में ये क्या है रिट्रोवायरस रिट्रो वायरस के अंदर हमने रिकॉम्बिनेट बनाया और हेल्दी जीन को उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया समझना मेरी बात अब इस रिट्रो वायरस का काम करेगा ठीक है इस वैक्टर से हमने इन सेल को क्या करा दिया इन्फेक्ट करा दिया ठीक है यानी ये क्या बन गया वेक्टर बन गया रिकॉम्बिनेट बन गया इसमें इंफेक्शन करा देंगे तो अब ये वायरस का काम करेगा ये वायरस यहां पर आएगा और इन सेल के अंदर जो हम चाहते थे वो करेगा मतलब हेल्दी जीन को इनके अंदर ट्रांसफर कर देगा ये वायरस इसकी वजह से ठीक है ग्रोथ ऑफ ग्रोथ इन कल्चर ठीक है ग्रोथ किसकी हो रही है ये सब क्या थे लोगे। अब लोगे लिखी थी हमने यहां तो अब फाइनली हमें करना क्या है बस जब इसमें सब ऐसा हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा इस कल्चर में जितने भी सेल होंगे ठीक है हेल्दी सेल्स विथ हेल्दी ए डी ए जीन ठीक है अब ग्रो करा लिया अब क्या करेंगे भाई समझना सेल को निकाला रिकॉम्बिनेंट बना के इसको इंफेक्शन कराया ठीक है यानी ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बेटा ये हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस करा दिया इसके अंदर हेल्दी जीन जब इसके अंदर आ जाएगा तो अब हेल्दी जीन सबके पास है हेल्दी जीन सभी के अंदर प्रेजेंट है अब हेल्दी जीन प्रेजेंट है इनको ग्रो कराते रहेंगे जब भी हमें इस गर्ल्स को ठीक है जिसको अंदर डेफिशियंसी है तो इसको क्या कराना पड़ेगा अब हमें टाइम टू टाइम इन सेल्स को यहां से इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है ठीक है टाइम टू टाइम जिससे क्या होता जाएगा इसके अपने ही सेल हेल्दी जीन से क्या हो जाएंगे रिप्लेस हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम्स की तब भी कंपेटेटिव अदर टेक्निक बेटर है मैंने बताया एक तरीका क्या था एक तरीका था क्या ओहो साउंड आ रही है क्या एक मिनट रुक जाओ एक मिनट ठीक है ध्यान ही नहीं है मुझे साउंड का तो ओके <tap> साउंड okay. में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं बेटा साउंड बेटा <tap> <tap> मैं वो कंसेप्ट करा रहा हूं मतलब आप सोचो हर चीज ठीक है दुर्घटना से देर भली ठीक है मतलब मैंने बोला ना कि मेरे खत्म कराने से खत्म नहीं होता आपके खत्म करने से खत्म होता है कि आपको कंसेप्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे ये वो कंसेप्ट दे रहा हूं जो चलो खैर ठीक है तो ये चीज समझ लो अब एकदम क्लियर हो गया होगा एक एक चीज कि क्या अगर इस फीमेल थी इसको कौन सी बीमारी थी किस जीन का डिफेक्ट था rip, क्या आपने किया आपने आइसोलेट किया ठीक है हेल्दी सेल बना लिए इसको रिप्लेस कर दिया आप टाइम टू टाइम इन सेल को हम रिप्लेस करते रहेंगे और ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी पर अगर एम्ब्रोनिक स्टेज में करते तो परमानेंट क्योर था ये होगी जीन थेरेपी एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से जीन थेरेपी आपके दिमाग में सेट कर दी है ठीक है दे आर नॉट ठीक है कंप्लीटली क्यूरेटिव ये टेक्निक कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है कंप्लीटली क्यूरेटिव तब होगी जब एम्ब्रोनिक स्टेज में होगी ठीक है मैं बताई चुका हूं ठीक है हा इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम द फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इन टू सेल एट अर्ली एम्ब्रोनिक स्टेज इट कुड बी ठीक है परमानेंट क्योर तभी आप परमानेंट क्योर टर्म यूज कर सकते हो जब इसको आप एम्ब्रोनिक स्टेज में क्या करने वाले हो आइसोलेट करने वाले हो ये चीज एक और पूछी जाती है ध्यान रखनी है परमानेंट क्योर कब है जब इसको आप अम्ब्रोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस कर दोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मुझे भी समझ रहे हो खाली पेट घंटों तक चीखने में मजा नहीं आता मैं भी इसको एक डेढ़ घंटे में खत्म कर सकता हूं ठीक है एज ए ठीक है क्रैश की तरह पर टारगेट है, कि एक, है कि एक है कि एक एक कंसेप्ट एक बार पढ़ोगे दोबारा नहीं पढ़ने पढ़ने की जरूरत है परमानेंट सेट हो जाएगा परमानेंट ठीक है चलो अब मोलिकुलर डायग्नोसिस ये बच्चा और थोड़ा दिक्कत करता है सर मोलिकुलर डायग्नोसिस समझ में नहीं आई ठीक है क्या है ये क्या मतलब नहीं समझ में आएगी क्योंकि है 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 ही ही नहीं नहीं डिटेल ठीक अब समझो और क्वेश्चन बेहतरीन बनता कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या इंक्लूड पीसीआर में बता चुका हूं आपको हाँ रेडियोग्राफी तो नहीं पता वो तीनों को मिलाकर के कंबाइन बता देता हूं ठीक है किस तरीके से क्या होता है ठीक है तो अगर मैं रिकॉम्बिनेंट जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कोरोना वायरस या आगे जाकर के माइक्रोवेल वॉर होगा तब ऐसे ऐसे वायरस आएंगे जिनका आइडेंटिफिकेशन ही टिपिकल हो जाएगा ठीक है तो या किसी ह्यूमन को डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हो रखे हैं वायरल वैक्टर इंफेक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे देखा होगा आपने कि वायरस की जांच के लिए पीसीआर करवाते हैं कहता देखा होगा ना कोरोना वायरस पीसीआर चेक करा के आओ पीसीआर में क्या कर रहे हो कैसे पता लगाते हैं पीसीआर से ठीक है यही सारी बातें डायग्नोसिस के अंदर किस तरीके से हेल्प करती है तो रिकॉमेंट टेक्नोलॉजी का पार्ट क्या है जैसे मान लो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूं ये भी ये मान लो एक ह्यूमन है बहुत दुखी है क्योंकि बीमार है इसकी बॉडी में वायरस भी हो सकते हैं इसकी बॉडी में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं वायरस का इंफेक्शन भी हो सकता है इसको और बैक्टीरिया का भी हो सकता है कोई भी इंफेक्शन हो सकता है वायरस है बैक्टीरिया तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसके लिए तो सबसे पहले क्या काम करने वाले हो इसकी बॉडी से एक सैंपल आइसोलेट करोगे ये सैंपल ब्लड सैंपल आइसोलेट कर लिया आपने वायरस वैक्टीरिया हम कोरोना वायरस ही ले लो सैंपल आइसोलेट कर लिया इस सैंपल में अभी तो कहते हैं कि पीसीआर करा क्या बोलते ना पहले पीसीआर लगाओ पीसीआर क्या हो? कैसे क्या आइडेंटिफाई करेगा भाई नॉर्मल आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो तो टेस्ट निगेटिव आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है सिम्टम आ रहे हैं सिम्टम आ रहे हैं मतलब अगर एक भी वायरस मिल गया एक सिंगल वायरस भी मिल गया इसकी बॉडी के अंदर तो उसका डीएनए कहां जाएगा मतलब वायरस कहां जाएगा सैंपल में आ जाएगा एक सिंगल समझना मेरी बात अब आप क्या काम करोगे इस सिंगल वायरस से क्या करोगे आइसोलेशन क्या करोगे बेटा आइसो अच्छा ये नीचे लिख देता हूं मैं सैंपल को आइसोलेट किया इस सैंपल में आप क्या ढूंढोगे बेटा यहां पर आइसोलेशन ऑफ या तो डीएनए अगर होगा तो डीएनए को आइसोलेट करोगे और आरएनए होगा तो आरएनए को आइसोलेट करोगे दोनों तो को आइसोलेट कर तो करेंगे यहां पर जो भी है ठीक है जो भी जिस तरीके के वायरस है जो भी इंफेक्टिव एजेंट है इसको आइसोलेट करोगे इसको आइसोलेट करने से आपको पता तो चलेगा नहीं इसमें अगर माइन्यूट सा भी है तो इसको क्या क्या करने वाले उसका पीसीआर लगाओगे क्या करोगे पीसीआर पी सी आर पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन अगर सिंगल पार्ट भी इसका मिल गया तो पीसीआर क्या कर देगा एम्प्लीफिकेशन कर देगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डी एन डीएनए हो या आरएनए हो ठीक है उसको एम्प्लीफाई कर देगा इस स्पेशली अभी हम डीएनए की बात करते हैं डी एन ए ठीक है जब आपका जो भी डीएनए होगा वो एम्प्लीफाई हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा उसका पीसीआर के थ्रू तो आप क्या काम करने वाले हो भाई एम्प्लीफिकेशन हो गया तब आप आसानी से उसकी स्टडी कर सकते हो ठीक है कैसे स्टडी करोगे इसके लिए देखो ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं ऑलरेडी प्रोव आते हैं मार्केट में में डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करने की टेक्निक है इसमें प्रोब होते हैं समझो मेरी बात ये सिंगल स्टैंडर्ड प्रो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड प्रो ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए या आरएनए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए या आरएनए ये रेडियो लेबल्ड होते हैं एक तरीके से प्रोफ्स ये प्रोफ्स ऑलरेडी हमने बना रखे हैं सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की हेल्प से इन प्रोफ को डिजाइन कर रखा है ठीक है अब हम क्या करेंगे आपको एम्प्लीफाइड ईएनए मिल गए ठीक है इन एम्पलीफाइड ईएनए को आप क्या करोगे पर रन कराओगे जेल इलेक्ट्रोफोरसिस करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके सेगमेंट कर लोगे सेपरेट ठीक है उन सेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आप एक फोटोग्राफिक फिल्म पर उस जेल को ठीक है मान लो ये जेल है इस जेल पर आपने सेगमेंट को रन करा लिया था ठीक है सब सिंगल स्टैंडर्ड सेगमेंट है अब इस जेल से इन सेगमेंट को ब्लॉटिंग करोगे थोड़ा पढ़ा तो होगा ना आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ब्लॉटिंग ठीक है ब्लॉट करने का मतलब है ट्रांसफर करना एक फोटोग्राफिक प्लेट पर उसको ट्रांसफर कर लोगे सारे सिंगल सेगमेंट को तो अब इनको ठीक है ये ब्लॉटिंग करेंगे इसको ब्लॉटिंग करने के बाद ये यहां पर आ गए ये एसए 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 ठीक है अब देखो इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेक्टररे का जीन कौन सा है वायरल का जीन है या नहीं है जो आप जो आप सोच रहे हो ठीक है या म्यूटेंट जीन भी आप उस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो समझना अब इस प्रोब को अप्लाई कराओगे इसके ऊपर जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड क्या होंगे सिंगल ठीक है स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए भी हो सकते हैं आरएनए जो भी आप चाहते ढूंढना ठीक है तो जब सिंगल स्टैंडर्ड सेगमेंट को इस, इस पे अप्लाई करोगे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर है तो वहां बाइंड कर जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो बाइंड कर जा नहीं, तो नहीं करेगा मान लो एक दो तीन दिखा देते हैं बाइंडिंग हो गई बाइंडिंग हो गई बाइंडिंग हो गई जहां जहां बाइंडिंग होगी समझ लो यहां ये इसको आइडेंटिफाई किसको कर लिया आइडेंटिफाई हमने हमने यहां इसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने इसको आइडेंटिफाई किया हमने इसको आइडेंटिफाई किया यानी यहां पर वन टू थ्री थ्री के कॉम्प्लीमेंट्री हमें प्रो सिंगल स्टैंडर्ड हमारे रन किए थे हमने प्रोव लिए जो ऑलरेडी रेडियो लेबल्ड होते हैं क्योंकि आप जानते हो यहां पर फॉस्पेड होगा यहां फॉस्पेड कौन सा लेते हैं पी थर्टी टू रेडियो लेबल्ड है यानी हमने जो जो सेगमेंट थे फ्रेगमेंट्स थे ऑलरेडी लैब में बनाए हैं स्मॉल सेगमेंट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड जिनमें फॉस्पेड को रेडियो लेबल्ड कर दिया थर्टी वाला ठीक है रेडियो लेबल्ड कर दिया का मतलब है जब हम स्पेल ठीक है लाइट डालेंगे तो ये ठीक है आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो अब इन डी को देखने के लिए के पता करने के लिए कौन सा डीएनए इसके अंदर आप भाई जो ये तो आइडेंटिफाई है ना भाई कोरोना वायरस के हैं हमें पता है या कोई और वायरस के हैं तो हमें पता है या कोई हमें ह्यूमन जीनोम का म्यूटेशन पता करना है तो ह्यूमन जीनोम के बना के रखे हैं हमने हमने उसको लेकर के इस पर अप्लाई करा दिए जिनकी बाइंडिंग हो जाएगी स वो वाले तो डीएनए सेगमेंट को आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये वाले वायरस से बैक्टीरिया हैं। अगर म्यूटेशन का पता करना है जो म्यूटेंट जीन होंगे उनके अंदर बाइंडिंग नहीं होगी जो म्यूटेंट जीन नहीं होंगे उनमें बाइंडिंग हो जाएगी यानी जहां जहां बाइंडिंग नहीं हो रही वो इंडिकेटर हो गया ये म्यूटेंट जीन है आप समझ गए मेरी बात तो ये टेक्नोलॉजी आज की टाइम बहुत यूज की जा रही है ये पूरी टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम पहले क्या करते हैं आइसोलेशन ऑफ सैंपल जिसमें डीएनए आरएनए को जो भी आइसोलेट करोगे उसको एम्पलीफाई कराओगे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से उसको सेपरेट करोगे फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर ट्रांसफर करोगे फिर उसमें जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोब ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट सी डी एन ए कॉम्प्लीमेंटी डी एन ए से बने हुए प्रोब्स हैं इसको अप्लाई कराओगे अगर आपको वायरस और बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करना है तो वाले प्रोब डालोगे बाइंडिंग हो गई हाइब्रिडाइजेशन हो गया इंडिकेटर है वो प्रेजेंट है बाइंडिंग नहीं हुई वो प्रेजेंट नहीं है अगर आपको म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करना है तो जहां बाइंडिंग हो रही है मतलब वो जीन ओके okay है जहां बाइंडिंग नहीं हो रही वो जीन म्यूटेंट है आप समझ रहे हो ना मेरी बात तो ये वो तरीका है जिससे आप बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें कर सकते हो ठीक है तो टेक्निक समझ में आई होगी दिस आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप पीसीआर भी यूज कर रहे हो और ये पूरी ये क्या कर यूज कर रहे हो यहां पर आप रेडियो रेडियोग्राफी यूज कर रहे हो ये रेडियोग्राफी टेक्निक यूज कर रहे हो जिसमें आप रेडियो लेबल्ड प्रोव यूज करते हो ठीक है तो ये पूरी टेक्निक समझ में आई होगी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो पॉलीमरे चैन रक्षण बताई चुका हूं पूरा का पूरा ठीक है ऑटो तो रेडियोग्राफी अभी मैंने बताया अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डीएनएर विद विदियो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसको हम प्रोफ बोलते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं प्रोफ जो अलाउ करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आर एन ए से हाइबाइशन उसके हाइब्रिड बना लेना मतलब जोड़ लेना सेल्फ फॉर्म बाय द ठीक है हा फॉलोड बाय द डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन अगर म्यूटेटेड जीन है विल हैज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म वो अपीयर नहीं होगा क्योंकि बाइंडिंग नहीं होगी ठीक है बिकॉज द प्रो विल नॉट हैव कॉम्पलीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन क्योंकि जो आपने प्रो बनाया वो म्यूटेटेड जीन के नहीं बनाए वो नॉर्मल जीन के बनाए तो नॉर्मल जीन से तो प्रो बाइंड कर जाएंगे म्यूटेटेड जीन से बाइंड नहीं करेंगे तो म्यूटेशन की आइडेंटिफिकेशन में भी इस टेक्निक को यूज करते हैं और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की आइडेंटिफिकेशन में भी इस टेक्निक को यूज करते हैं ठीक है कंबाइंडली इस टेक्निक को हम रिकॉम डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसमें आपने पीसीआर भी यूज किया जिसमें आपने जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस भी यूज की जिसके अंदर आपने ऑटो रेडियोग्राफी भी यूज की तब फाइनली आइडेंटिफिकेशन किया आप समझ में आया होगा कि एक्चुअल में ये टेक्निक्स है क्या चलो अब एक टेक्निक और है बहुत बेहतरीन टेक्निक है एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट देख रहा होगा आज की डेट में भी लोग कहते हैं ना एलाइजा लगवाओ एच आई केस, केस अक्सर कर कहते हैं एलाइजा ठीक है एलाइजा टेस्ट कराओ ठीक है भाई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए तो यही लगाते हैं पर कन्फर्मेशन के लिए आपको पता है ब्लॉटिंग करते हैं पर एलाइजा होता क्या है एलाइजा से आप बॉडी में एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हो और एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हो अब देखो मैं समझाता हूं इसमें देखो एलाइजा की अगर मैं बात करता हूं समझना एंजाइम लिंक नाम छुपा हुआ है एंजाइम लिंक एक ऐसा ऐसे जिसमें एंजाइम पर बेस्ड है, मतलब जो एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है जो कहीं ना कहीं क्रोमोजेनिक सबस्टेंस होते हैं कलर चेंज के बेस पर वो पूरी मैकेनिज्म बताने वाला हूं ठीक है मान लो ब्लड सैंपल लिया आपने इस ब्लड सैंपल में आप एंटीजन को देखना चाहते हो किसको देखना चाहते हो एंटीजन को तब आप क्या करोगे और एंटीबॉडी को ढूंढना है तो आप क्या करोगे ये समझना मेरी बात तो पहले मैं एंटीजन के लिए बात करता हूं जब आप एंटीजन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो इस सैंपल के अंदर एंटीजन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप ऐसे प्लेट लोगे जो उसमें एंटीबॉडी कोटेड होंगे क्या कोटेड होंगे इस प्लेट में ऑलरेडी बने हुए आते हैं प्लेट एंटीबॉडी कोटेड प्लेट ये एंटीबॉडी लगे हुए हैं ठीक है ये एंटीबॉडी कोटेड प्लेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं पर्टिकुलर हर पैथोजन के एंटीबॉडी आपको लगे हुए मिल जाएंगे ऑलरेडी कोटेड अगर आपको सैंपल में एंटीबॉडी को ढूंढना है तो आप कैसे प्लेट लोगे एंटीजन कोटेड प्लेट लोगे ऐसे प्लेट जिनमें एंटीजन लगे हुए होते हैं ऐसे प्लेट जिनमें एंटीजन पहले से लगे हुए होते हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन के तो दो तरीके हैं यानी आपको ये 96 वेल वाले प्लेट जिनमें अगर एंटीजन को ढूंढना है तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट यूज करने पड़ेंगे और एंटीबॉडी को ढूंढना है तो एंटीजन कोटेड प्लेट यूज करने पड़ेंगे ठीक है बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं अलहजा समझ लेना ठीक है आप किसी भी टाइप के सैंपल को बॉडी में से निकालोगे उस सैंपल में एंटीजन डिटेक्ट करने हैं एंटीबॉडी उस पैथोजन के ठीक है अब उस पर डिपेंड करता है उसी के बेस पर प्लेट यूज की जाएगी और एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है समझना एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है तो आप सैंपल कहां अप्लाई करोगे इस प्लेट में सबसे फर्स्ट स्टेप सैंपल में क्या होगा एंटीजन एंटीजन आइडेंटिफाई करने वाले हो आप ठीक है तो जब इस सैंपल को डालोगे उसमें एंटीजन को ढूंढना है आपको तो अगर मान लो हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं टेस्ट एंटीजन है तो एंटीजन किससे बाइंड कर जाएगा एंटी बॉडी से बाइंड कर जाएगा ठीक है मान लो अब दिखेगा कुछ भी नहीं तो, तो लास्ट मालूम पड़ेगा क्या है क्या है नहीं आपने सैंपल भर दिया अगर एंटीजन है तो बाइंडिंग हो जाएगी पर आपको कुछ भी दिख नहीं रहा ठीक है बाद में कुछ समय के लिए प्लेट को रखते हैं फिर उसको नीचे पलट देते हैं पलटने का मतलब है एडिशनल सॉल्यूशन बाहर अगर एंटीजन होगा तो बाइंड कर जाएगा कर गया ठीक है अब क्या करने वाले हैं अब इस प्लेट के अंदर हम ऐसे एंटीबॉडी ऑलरेडी प्लेट के साथ आते हैं ऐसे एंटीबॉडी डालेंगे जिसमें एंजाइम लिंक्ड होता है तो अब आप यहां अप्लाई करेंगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी समझना कलर ले लो वाइट तभी तो एंजाइम लिंक इमिनो सर्वेंट ऐसे बोला हम यहां ले रहे हैं बेटा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को आप इसमें अप्लाई करोगे जब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को इसमें अप्लाई करोगे तब क्या होने वाला है आप देखो अगर मान लो एंटीजन थे तो एंजाइम लिंक्ड एंजायडी से बाइंड कर जाएंगे कर गए अभी भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है हुआ क्या अंदर ये बाइंडिंग हो गई एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी की बाइंडिंग हो गई फिर आपने प्लेट को कुछ देर रखा रिएक्शन होने दी फिर प्लेट को पलट दिया ठीक है अब आप क्या करने वाले हो अब आप बेटा इसमें अप्लाई करोगे सबस्ट्रेट क्या अप्लाई करोगे सबस्ट्रेट ऐसा सबस्ट्रेट जो एंजाइम के संग रिएक्शन करता हो और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जो कलर देता हो ठीक है जब आप सबस्ट्रेट को इसमें अप्लाई करोगे इस प्लेट में जिसमें पहले से एंटीबॉडी की बाइंडिंग हो चुकी है कौन सी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ठीक है ये एंटीबॉडी बाइंड कर चुके हैं जिनमें एंजाइम पहले से जुड़ा हुआ था अब सबस्ट्रेट डालोगे तो सबस्ट्रेट क्या काम एंजाइम क्या काम करेगा ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में सबस्टेट डाला सबस्टेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्या होगा क्रोमोजेनिक क्रोमोजेनिक मतलब कलरिंग क्रोमोजेनिक सबस्टेंस इसमें होते हैं तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का मतलब है ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है सबस्टेट क्या है क्रोमोजेनिक सबस्टेंस ये क्रोमोजेनिक सबस्टेंस है जो एंजाइम की प्रेजेंस में क्या कर देगा कलर प्रोडक्ट बनाएगा प्रोडक्ट बनाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा अगर प्लेट का कलर चेंज हो रहा है वो इंडिकेटर है पॉजिटिव टेस्ट सिंपल पॉजिटिव टेस्ट तो प्लेट के संग अगर आपको एंटीजन डिटेक्ट करने हैं ठीक है थीके? तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट आते हैं साथ में एक बाइल आती है जिसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होते हैं ठीक है थीके? और अगर आपको एंटीबॉडी डिटेक्ट करने हैं तो एंटीजन कोटेड प्लेट आती है सिंपल ठीक है भाई आपने यहां क्या अप्लाई करने वाले हो एंटीबॉडी सैंपल करोगे उसमें क्या होंगे एंटीबॉडी एंटीबॉडी सैंपल में होंगे तो ऑटोमेटिकली बाइंड कर जाएंगे भाई बाइंड कर गए मान लो पॉजिटिव टेस्ट दिखाना है आपको पर आपको पता ही नहीं है बाइंड करें नहीं अब क्या करोगे जब बाइंड कर जाएंगे तो अगेन ठीक है अब ऐसे एंटीबॉडी लोगे मतलब ऑलरेडी एंटीबॉडी ऐसे भी आते हैं जो एंटीजन से बाइंड करते हैं एंजाइम लिंक और ऐसे एंटीबॉडी भी आते हैं जो एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी होते हैं तो अब यहां पर डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी है पर एंजाइम लिंक्ड ही है एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी से बनाए गए हैं सारे के सारे तो इनमें एंजाइम लिंक्ड होता है जब इनको अप्लाई करोगे तो ये एंटीबॉडी ऐसे हैं जो एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी जिनमें एंजाइम जुड़ा हुआ है ठीक है अब अगेन क्या करने वाले हो सबस्टेट अप्लाई करोगे सबस्टेट अप्लाई करोगे तो सबस्टेट डालने पर क्या होगा ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा अगर प्रोडक्ट में चेंज कर गया तो कलर चेंज हो जाएगा कलर चेंज हो जाएगा वो इंडिकेटर क्या है कि है कि बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट यानी अगर बॉडी में आपको एंटीजन डिटेक्ट करने हैं तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट लेने पड़ेंगे एंटीजन डिटेक्ट करने सॉरी एंटीजन डिटेक्ट करने तो एंटीबॉडी कोटेड लेने पड़ेंगे और एंटीबॉडी डिटेक्ट करने तो एंटीजन कोटेड प्लेट लेने पड़ेंगे मार्केट में ऑलरेडी ऐसे एंटीबॉडी साथ में आते हैं जो एंजाइम लिंक्ड होते हैं Osionfish. जो एक और एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस भी आता है र्यूस एंजाइम का कह सकते तो सबस्ट्रेट तो वो वो प्रूव करता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है ठीक है अगर आपके सैंपल में एंटीबॉडी थे तो बाइंड हो गए होंगे ठीक है अगर एंटीबॉडी बाइंड हो गए होंगे तो एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी भी बाइंड हो गए होंगे बेटा अगर ये बाइंड हो गए होंगे तो हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालेंगे ठीक है तो वो क्या कर देगा कलर चेंज कर देगा कलर चेंज होना इंडिकेटर है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है मीन्स आपके बॉडी के अंदर आपके उस पैथोजन के एंटीजन है या एंटीबॉडी है मैकेनिज्म एक ही है बस बेसिक समझ में आ गया यहां पर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज करते हैं पहली बात और एंटीजन डिटेक्ट करना है तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट और एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो एंटीजन कोटेड प्लेट लेते हैं बस इतना याद रखो फिनिश बहुत बेहतरीन टेस्ट है जो बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है बहुत सारे डिसऑर्डर्स के अंदर अब थोड़ी सी थ्योरी है ट्रांसजेनिक एनिमल तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसजेनिक एनिमल जो बने हैं वो कौन है माइस मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट ट्रांसजेनिक एनिमल पे होते हैं मैक्सिमम क्या है माइस अब बस फिनिश है क्योंकि तो अब ज्यादा नहीं है इसके अंदर तो एक तो ध्यान रखना है आपको माइस फाइव परसेंट क्वेश्चन यहां से आता है 95 फाइव परसेंट जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ठीक है वो उसमें 95 फाइव परसेंट कौन आते हैं माइस ठीक है और फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो भी माइस ही है ठीक है ट्रांसजेनिक एनिमल में कहीं इन्होंने नहीं दे रखा मैं लिख देता हूँ ठीक है इट इज आल्सो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल एनिमल फर्स्ट ट्रांसजेनिक तो पहला ट्रांसजेनिक बनाया था वो भी माइसी था फर्स्ट ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक का मतलब समझ रहे हो ना जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है अपने काम के लिए यानी ऐसे एनिमल जो हम अपने यूज के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल है तो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट आप देख रहे होगे कहां पर हो रहा है माइस के ऊपर कोरोना वैक्सीन बन रही है तो ट्रायल के लिए क्या करो क्या करोगे माइस यूज करोगे किसी डिसऑर्डर का आइडेंटिफिकेशन करना है डायरेक्टली ह्यूमन में तो पैथोजन को एंटर नहीं कराओगे ना इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर आप उन पैथोजन को एंटर कराओगे फिर उसकी स्टडी करोगे ठीक है या डिफरेंट टाइप के जीन के मॉडिफिकेशन देखने हॉर्मोन के इफेक्ट देखने इन एनिमल्स के ऊपर ट्राई करोगे ठीक है तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो अपने हिसाब से तैयार किए जाते हैं ठीक है उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है कहीं देखोगा लैब में व्हाइट कलर के एल्बाइनो रेड होते हैं उनके पास थाइमस ही नहीं होती जब थाइमस नहीं होती तो उनका इम्यून सिस्टम भी सारे जैसे मानो चार माइस हैं मानो एक का इम्यून सिस्टम बहुत हैवी है एक का बहुत वीक है आपने सेम ड्रग अप्लाई की कहीं ड्रग अपना असर दिखाएगी कहीं ड्रग असर नहीं दिखाएगी तो आप आपके डेटा खराब हो जाएंगे सारे तो आपको क्या करने पड़ेंगे अपनी ड्रग के एक्सपेरिमेंट के लिए सारे एनिमल के इम्यून सिस्टम सिमिलर करने पड़ेंगे वो कैसे करोगे ट्रांसजेनिक एनिमल यानी उनके हमने थाइमस को क्या कर दिया रिमूव कर दिया ऐसे जीन बना दिए जो थाइमस को एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे अब अब मेरी बात जिस वजह से इक्वली ट्रायल होगा और आपके ड्रग की प्रॉपर एफिशिएंसी आइडेंटिफाई हो पाएगी आप समझ पा रहे हो ना तो इस वजह से इन ट्रांसजेनिक एनिमल को अपने हिसाब से डिजाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए तो अब क्या क्या हम कहां का यूज करते हैं तो 95 परसेंट ट्रांसजेनिक एनिमल में जो आता है वो माइस आता है फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल भी माइस है इसके अलावा हम रैबिट भी यूज करते हैं पिग भी यूज करते हैं रेट भी यूज करते हैं सिप भी यूज करते हैं काव भी यूज करते हैं फिश भी यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बना रखे हैं जो हम अलग अलग लैब्स में अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं ठीक है अब कहां कहां यूज हो रहे हैं जैसे अब समझना जैसे हम यूज कर रहे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड ठीक है डेवलपमेंट का आइडेंटिफिकेशन मानो हम पता करना चाहते हैं कि इस जीन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है ठीक है तो हम क्या करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल लिया उसके अंदर उस जीन को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया अब वो जीन जाएगा उसमें एक्सप्रेस करेगा उसमें चेंजेस होंगे उन चेंजेस की हम आइडेंटिफी देखो मूवीज में भी देखा होगा आपने कई मूवीज में भी दिखाते हैं कार्टून्स में भी दिखाते हैं ठीक है कि उस एनिमल्स के अंदर जीन इंट्रोड्यूस कर दिया फिर एनिमल में चेंजेस हो रहे हैं यानी फिजियोलॉजिकल क्या चेंज हो रहे हैं जीन के तो जीन को इंट्रोड्यूस करके उन ट्रांसजेनिक एनिमल जो हमने बनाए हैं इसी चीज के लिए नॉर्मल एनिमल पर ये काम नहीं होते एक बार क्लियर हो गया चलो इसके अलावा और कहाँ यूज कर रहे हैं इसको स्टडी ऑफ डिसीज जैसे मानो माइकोवेक्ट्रीम ट्यूब्रेकलोसिस का इफेक्शन कैंसर का इफेक्शन नॉर्मल एनिमल में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल एनिमल प्रोड्यूस किए हैं जिनमें मतलब कुछ ना कुछ हमने डिजाइन किए हैं उसके हिसाब से ठीक है इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया है कुछ ना कुछ ऐसा किया है उनको जिससे उन पर एक्सपेरिमेंट हो पाए प्रॉपर रिजल्ट आ पाए तो जैसे मानो कैंसर की स्टडी करनी है ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मान लो कैंसर की स्टडी करनी है मान लो सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्टडी करनी है मान लो रोमेटोट अर्थराइटिस की स्टडी करनी है मान लो एल्जाइमर की स्टडी करनी है तो नॉर्मल एनिमल आप यूज़ नहीं करोगे इनके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल यूज़ करोगे तो इन डिसीज कॉजिंग एजेंट को या उनके अंदर उस डिसीज को इंट्रोड्यूस कराओगे फिर उन डिसीज़ का उनके ऑर्गन पर क्या इफेक्ट होता है फिर उसकी स्लॉटिंग करोगे कट करोगे एनिमल को उनके सारे ऑर्गन निकालोगे फिर इफेक्ट देखोगे किस ऑर्गन पर क्या इफेक्ट आ रहा है तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल पर होता है डिसीज़ की स्टडी के लिए ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनता है जैसे भाई कई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको हम किससे प्रोड्यूस करते हैं भाई ट्रांस नहीं एनिमल जैसे मैंने बताया था आपको अल्फा एंटीट्रप्सिन जो एम के, के केस में यूज होती है ठीक है एमफाई के केस में यूज होती है जैसे ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटीट्रप्सिन यूज इन एम फाइस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर प्रोड्यूस की जाती है जैसे इसके अलावा भी फिनाइल कीटोन यूरिया इसके लिए ट्रीट इसके ट्रीटमेंट के लिए भी जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं ठीक है इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी कुछ सबस्टेंस है जो इन ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं ठीक है अब बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन बनता है एक ट्रांसजेनिक काउ भी बनाई गई थी रोजी बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन आता है इतना तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन मिल्क की क्वालिटी क्या है ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन तो बहुत ज्यादा होती है ह्यूमन मिल्क के अंदर पर ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रोटीन तो ज़्यादा होगी पर फैट बहुत कम होता है तो बहुत बेहतरीन बात हो गई ना और काओ के मिल्क के अंदर प्रोटीन कम होती है और फैट होता है कंपरेटिव ज़्यादा तो वो इतना बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है अगर दिमाग लगाया ह्यूमन ने कि अगर ह्यूमन जीन को काओ में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और काओ का मिल्क ह्यूमन मिल्क जैसा समझ रहे ना पौष्टिक हो जाए मजा आ जाएगा ना वही किया रोजी काओ तो है तो 1997 में एक रोजी काओ काओ थी रोजी इसको बनाया गया क्वेश्चन क्या आता है इस काओ में खास बात क्या थी इसका जो मिल्क था वो प्रोटीन रिच था कितनी प्रोटीन पे क्वेश्चन आता है ठीक है ये भी क्वेश्चन बनता है कितनी प्रोटीन 2.4 ग्राम पर लीटर वेरी इंपॉर्टेंट कितना 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर इतना प्रोटीन प्रोड्यूस होता था इस काव के अंदर ट्रांसजेनिक थी ठीक है खास बात द मिल्क कंटेन इसमें ह्यूमन का अल्फा लैक्ट एल्विमिन भी था यह प्रोटीन थी ठीक है ये ये ठीक है एंड वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन ठीक है काओ मिल्क तो काओ मिल्क से बहुत बेहतरीन था ठीक है भाई नॉर्मल मिल्क मिल्क था अब ये मिल्क कैसा हो गया? हो गया गया ह्यूमन लाइक तो ह्यूमन बेबीज के लिए इसकी इंपोर्टेंस बढ़ गई ठीक है तो आप समझ रहे हो ना यानी इंसान इस टेक्नोलॉजी का यूज कहीं पर भी कर सकता है कहीं पर भी मैंने आपको एक इंडस्ट्री यूज भी बताया था बताया था मैंने स्पाइडर वेब को बनाने के लिए ठीक है गॉट के अर्डर के अंदर उस जीन को इंट्रोड्यूस किया अब गॉट की बॉडी से और उसके मिल्क में वो सिल्क फाइबर थे जिनसे वो स्ट्रॉग फाइबर बनाया जाता था तो ब्लड प्रूफ जैकेट के लिए ठीक है डिफेंस सिस्टम में यूज किया जाता है यानी कुछ भी कर सकते हैं यानी एनिमल सेल को एनिमल में प्लांट सेल को प्लांट एनिमल में समझ रहे हो ना किसी को भी किसी में भी इंटरचेंज किया सकता है डेंजरस समझ रहे हो ना मेरी बात तो इसीलिए आगे जाकर के एक बायोथिकल कमेटी बनाई गई बताता हूं जो डिसाइड करती है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना कहीं ह्यूमन जीनोम के संग छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे आप ठीक है तो ह्यूमन भाई ह्यूमन बेनिफिट के लिए आप कर सकते हो नॉर्मल केस में इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो बन रहे हैं मार्केट में अवेलेबल उनको याद रखना होगा आपको इसके अलावा वैक्सीन सेफ्टी मैंने बताया कोरोना की वैक्सीन आती है या पोलियो की वैक्सीन आती है तो पोलियो की वैक्सीन का पहले ट्रायल किया जाता है भाई तो लंबा सफर है भाई जैसे मानो कोरोना के अंदर भी कौन सी वैक्सीन जो अगर कोरोना के अंदर ऐसी वैक्सीन है जिसके अंदर लाइव एट्यूनेटेड वायरस है तो ट्रायल करना पड़ेगा जो सब यूनिट वैक्सीन है उनके लिए ट्रायल की जरूरत नहीं है ठीक है लाइव एटिवेटेड वायरस हो सकता है इस ड्यूरेशन के अंदर एक्टिवेट हो गया हो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर वो एक्टिवेट हो गया ठीक है या वो पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गया तो पहले ट्रायल करके देखना पड़ेगा आपको माइस के ऊपर कि अगर उसको नुकसान हो रहा है तो उस प्लॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ठीक है तो क्लिनिकल ट्रायल में भी यूज करते हैं इसके अलावा वैक्सीन सेफ्टी में भी इन एनिमल्स को यूज करते हैं और स्पेशली किसको यूज कर रहे हैं ट्रांसजेनिक माइस को यूज कर रहे हैं ठीक है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग मैंने बताया अगर आप कोई भी केमिकल या ड्रग बना रहे हो ठीक है उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो अगेन ट्रांसजेनिक एनिमल पर पहले ट्रायल करोगे इसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं तब जाके पर, ठीक है परमिशन मिलती है आगे इसको यूज करने की तो वहां पर भी इसको यूज करते हैं ठीक है थीके? मैंने बताया इसको मैं समझ में आ गया होगा इतना कि अगर इस को यूज समझ रहे इस टेक्नोलॉजी का यूज और मिस यूज बहुत खतरनाक है ठीक है यहां हम एनिमल प्रोटीन को प्लांट में और प्लांट प्रोटीन को एनिमल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो रहे हैं यहां पर ठीक है यानी एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन हो रहे हैं सोचो कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें अगर आपने आर्टिफिशियली इंड्यूस करने स्टार्ट कर दिया जीन तो वो पूरी बिगड़ सकती है सोचो ह्यूमन जीनों के संग छेड़छाड़ हो गई तो क्या होगा आप समझ रहे हो ना मेरी बात अर्थ से सब नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा सारा सारा तो जब टेक्नोलॉजी आई तो लोग सीरियस भी हुए डर भी गए कि हम कुछ भी कर सकते हैं यार ठीक है तो अगर ह्यूमन तो पता नहीं कहां भी कहाँ दिमाग कहाँ लगा दे किसको कहाँ बना दे ठीक है मान है दो अलग अलग टाइप के एनिमल को फ्यूज करा दे हो सकता है ह्यूमन जीनों को किसी और के संग फ्यूज करा दे भाई हाइब्रिड बना दे ठीक है डिफरेंट टाइप के जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे पुरानी कहानियों में मिलता है कि आधा मानव आधा अलग वो जो पुरानी आपने स्टोरीज में सुना होगा लोग कहते भी हैं कि जल परी का कंसेप्ट है यानी कहीं ना कहीं हाइब्रिडो में टेक्नोलॉजी क्या वास्तव में ये साइंस ही तो नहीं है बहुत सारे मतलब तथ्य हैं ऐसे जो मतलब लगता है कि यार वो यही टेक्नोलॉजी तो नहीं है क्या ऐसे जीव जंतु अभी भी हैं क्या और कभी एविडेंस भी देखते हैं यानी कोई बड़ी बात नहीं है ये दिस अ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हम दो टाइप की सेल को फ्यूज करा सकते हैं पहले सेंडाई वायरस यूज करते थे फ्यूज कराने के लिए टू टाइप की सेल को फ्यूज होकर के एक हाइब्रिड सेल बन जाती थी दोनों की प्रॉपर्टी होती थी ठीक है कैंसर सेल को भी तो नॉर्मल सेल से फ्यूज करा करके हाइब्रिड बनाते हैं हम ठीक है जो मोनल कोनोनल एंटीबॉडी बनाने में यूज होते हैं मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन में एक टेक्निक है पूरी की पूरी मतलब आज की डेट में हम कुछ भी कर सकते हैं इसीलिए बायोडायवर्सिटी या ह्यूमन जीनों को संग छेड़छाड़ ना हो तो एक कमेटी बनाई गई इसको क्या बोलते हैं ठीक है एथिकल इश्यूज और कमेटी के नाम क्या था जेंडिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कौन सी कमेटी थी इस पर क्वेश्चन आता है यह कमेटी डिसाइड करती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना नहीं आप नॉर्मल एनिमल के साथ तो गलत नहीं कर रहे समझ रहे हो उसके ऊपर आप ड्रग का ट्रायल कर रहे हो उसको मतलब गलत तरीके से मार रहे हो ठीक है तो इसके लिए भी रूल्स बनाए गए तो इस जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है वो डिसाइड करती है कि आपका वर्क ऑथेंटिक है या नहीं ठीक है आप चुपचाप से काम करोगे तो आपके जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे जब आप मार्केट आएंगे ही नहीं बाहर तो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे आप समझ रहे हो ना वो किसी मतलब की रिसर्च नहीं है रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो सोसाइटी के लिए हो जिसमें ह्यूमन जीनोम के साथ छेड़छाड़ ना हो ठीक है जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी बिगड़नी नहीं चाहिए जिसके अंदर मतलब एथिकल इशू यानी एथिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि एनिमल के संग कुछ गलत ना हो ठीक है मतलब बहुत सारी चीजें इसमें एक रूल्स बनाए गए उसको डिसाइड कौन करता है ये एथिकल कमेटी करती है इंडिया के अंदर ठीक है तो जीई ए सी जेनटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये डिसाइड करती है क्या होना है क्या नहीं होना आप समझ गए होगे मेरी बात चलो ये एक बात क्लियर हो गई मेन इसी पे क्वेश्चन आएगा बाद में बात आती है चलो तो कमेटी तो बन गई अब पेटेंटिंग की बात कर लेते हैं ठीक है तो क्योंकि अब पेटेंटिंग की बात चालू होती है आपको पता होगा आपको पता होगा कि इंडिया में इंडिया में जो राइस की वैराइटीज हैं वो टू लैख से ज्यादा हैं दो लाख से ज्यादा बहुत टू लैख से बहुत ज्यादा ठीक है टू लैख वैराइटीज हैं जिसमें से भी जो टॉप बासमती की वैराइटीज हैं ट्वेंटी सेवन पहला क्वेश्चन तो यहां आएगा ठीक है अगर मैं बात करता हूं एस्टिमेट टू लैक वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया ये ऑलरेडी प्रेजेंट है ठीक है इस पर क्वेश्चन आएगा जिसमें अगर मैं बासमती की बात करता हूं ठीक है जिसकी वजह से वो फेमस है हमारा इंडिया बासमती यूनिक एरोमास का और फ्लेवर इसकी ट्वेंटी सेवन वेराइटीज इंडिया के अंदर अवेलेबल है ट्वेंटी सेवन वेराइटीज इंडिया के अंदर ट्वेंटी सेवन वेराइटीज यार इंडिया का ही है ये पर समझना मेरी बात पेटेंटिंग स्टार्ट हुई समझना पेटेंटिंग क्या होती है अगर आपका वर्क नोवेल है बहुत नोवेलिटी है उसके अंदर ठीक है कह सकते हो अनओबियसली मतलब कहीं उसका ऑलरेडी पहले से उसके बारे में नोन नहीं है और ह्यूमन वेलफेयर के लिए है या वो वर्क हो आपका कोई टेक्निक हो आपका प्रोडक्ट हो ठीक है आपने किसी अननोन चीज को आइडेंटिफाई किया हो ठीक है आप उसको पेटेंट करा सकते हो अगर आपने ऐसा किया यानी आपके वर्क में या आपकी चीजों में आप नाई कोई इनोवेशन कोई किया ठीक है कोई टेक्निक ही डेवलप किया पेटेंट करा कराते हो तो अगर ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई और यूज करता है विदाउट प्रॉफिट तो उसको परमिशन है प्रॉफिट के बिना काम करने की ठीक है पर अगर वो उससे अर्निंग करता है समझना मेरी बात अर्निंग करता है तो उसको परमिशन लेने पड़ेगी जिसने पेटेंट कराया है पहले उससे अगर वो परमिशन देता है ठीक है या आपस में जो एग्रीमेंट होगा तो ही आप यूज उस टेक्निक को अर्निंग सोर्स यूज कर सकते हो तो इस लॉ को लाने के लिए जो पहले डेवलप कंट्री थी लाइक यूएसए ठीक है लाइक जापान ठीक है और आप कह सकते हो कि मतलब जो बहुत डेवलप कंट्री थी उन्होंने इस टेक्निक को लेकर के आए ठीक है पेटेंटिंग मैकेनिज्म को लेकर के आए और अनडेवलप कंट्रीज को तो पता ही नहीं था या डेवलपिंग कंट्री को तो उसके बारे में पता ही नहीं था अब उन्होंने क्या काम किया उन्होंने इस टेक्निक मतलब इस जब इस लॉ को लेकर के आए इस ठीक है सिस्टम को लेकर के आए तो उन्होंने डिफरेंट जब बीस चीजें आ गई तो वहां के साइंटिस्ट हुए वहां के लोग उन्होंने ढूंढना चालू कर दिया कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है अगर हम किसी और कंट्री की कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं तो उस कंट्री को फ्यूचर में जब वो आइडेंटिफिकेशन होगा तो समझ हमसे परमिशन लेने पड़ेगी तो एक बहुत बेहतरीन तरीका हो गया अब समझ ना अभी लोगों को पता नहीं था स्टार्टिंग में तो ये जो ऑलरेडी पहले से डेवलप कंट्री थे उन्होंने इस पेटेंटिंग सिस्टम को लेकर के आए ठीक है लाइक जापान ठीक है लाइक like, ठीक है इधर यूनाइटेड किंगडम पूरा का ले लो ठीक है इसके अलावा एक यूनियन थी ठीक है यूरोपियन ठीक है टेरिटरी की एक यूनियन पूरी है तो उन्होंने भी मतलब उसकी भी कुछ उसके मेंबर्स थे तो वो भी इसमें इंक्लूडेड थे मेनली दो का नाम है यहाँ पर ठीक है जो मैं बता रहा हूँ मैं आपको तो इन्होंने सिस्टम को लेकर के आए जिससे वो पेटेंटिंग मैंने बताया नोबिलिटी होनी चाहिए अनोवियसनेस होनी चाहिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए होनी चाहिए ये टारगेटेटेटेटेट थे तो उन्होंने क्या कम किया जो अनडेवलप कंट्री थे उनके चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया और अपने नाम से पेटेंट कराना स्टार्ट कर दिया जैसे मैं इंडिया का केस में बात करता हूँ भाई इंडिया में राइस की इतनी वैरायटी थी जिसमें बासमती की 27 सेवन वेराइटीज थी इन्होंने क्या काम किया इंडियन बासमती राइस को पेटेंट करा लिया उतना ही नहीं उसके जीन को पेटेंट करा लिया ठीक है जीन को पेटेंट कराने से क्या हुआ भाई राइस को करा लिया एक बार कोई दिक्कत नहीं है वो उस जीन को वो अपने राइस में इंट्रोड्यूस कर देंगे और एक समझ रहे हो ना हमारे राइस जैसा ही राइस में कन्वर्ट कर देंगे और फ्यूचर में अगर हमें उसी राइस की रिक्वायरमेंट होगी तो उनसे परमिशन लेने पड़ेगी उनको पे करना पड़ेगा अपने ही राइस के लिए तो ये पेटेंटिंग का मतलब समझ लो ना फायदा था नुकसान भी था तो देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन ठीक है एंसियंट जो भी टैक्स है हमारे पुराने जो मतलब टैक्स हैं ठीक है जो हमारी लोगोक्तियां हुई ठीक है पोइट्री हमारी पोइम्स हुई वहां ऑलरेडी बासमती के राइस का पहले से ही ठीक है एक्सप्लेनेशन है इन्होंने बाद में आकर के क्या किया उसको पेटेंट कराया ट्रेडमार्क कराया ठीक है 1997 की बात है एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन द बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस समझना तो पूरी किसका लॉ ही होता है उसको पेटेंट करा लिया ठीक है वो तो बाद में ठीक है फाइट हुई कुछ चीजों को ठीक है हमने वापस लिया कुछ चीजें नहीं ले पाए भाई कुछ जीन को उन्होंने मॉडिफाई करा लिया था अपनी क्रॉप को भी ठीक है उन्होंने ठीक है कह सकते हो कि मॉडिफिकेशन कर लिया था तो कई चीजों को तो हमने वापस ले लिया पर कई चीज़ों को मतलब उसके लिए फाइट करने पड़ी फाइट करने का मतलब है कहीं ना कहीं वो लॉ समझ रहे हो ना सब चीजें चली तब कुछ चीजें हमारी वापस आई पर ये समझ में आया होगा दिस न्यू वेराइटीज ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर वेराइटीज इन्होंने जो एक न्यू वरायटी डेवलप की थी और बोला था ये न्यू वेरायटी है इन्होंने खुद डिस्कवर की है पर ऐसा नहीं था उन्होंने क्या किया इंडियन बासमती के राइस के जीन को अपनी वरायटी में इंट्रोड्यूस किया और अपनी वरायटी को क्या कर लिया मॉडिफाई कर लिया तो ये तो गलत है ना भाई ठीक है आपने जीन को आप किसी की चोरी कर रहे हो ठीक है ये क्या है एक तरीके से भाई चोरी तो ही भाई बायो भाई पायरेसी हो एक तरीके से आपने वो उस कंट्री की चीज़ को आपने अपना कह करके भाई आप कह करके करो कि यार इंडिया की चीज़ें हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आप इंडियन चीज को आप समझ रहे हो जैसे मानो कोई चीज मैंने कोई टेक्निक डेवलप की मान लो ठीक है मैंने कोई ट्रिक डेवलप की आपको समझाने के लिए इस ट्रिक को अगर कोई और यूज करता है ठीक है और ये क्या करता है कि भाई एमडी सर की ट्रिक यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो परमिशन है पर वो ये कहता है कि एमडी सर की नहीं है ये टेक्निक मैंने डेवलप की है ये गलत है भाई ये चोरी है ठीक है ये चोरी है जिसका लॉ है जिसका पनिशमेंट मिलता है ठीक है जिसको प्रूफ करना पड़ता है ठीक है तो अगर प्रसर्थ है कि उसमें नोबिलिटी होनी चाहिए ठीक है अगर मेरी भी टेक्निक है तो डिफरेंट है जो बुक्स में नहीं है मैंने खुद इसको किया हुआ है ठीक है तो नो no डाउट वो टेक्निक है उसको आप आप समझ गए हो ना मेरी बात ऐसे ही आपने कोई मतलब कुछ भी आपने नया काम किया है किसी नई चीज को ढूंढा है ठीक है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो सकती है उसको पेटेंट करा सकते हो आप ठीक है तो बाद में पता चला कि वो इंडियन वेराइटी की ही कॉपी थी ठीक है बाद में आप समझना इतना ही नहीं इस यूएस ने ठीक है और कुछ समझना कुछ, कुछ और कंट्री ने मतलब स्पेशली वहां के पेटेंटिंग सिस्टम में हमारी टर्मिनिक और नीम ऑयल को भी पेटेंट करा लिया ठीक है जबकि हमारे पुराने कल्चर में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि टर्मेरिक हल्दी ठीक है किसके लिए पेटेंट कराया वुंड हीलिंग के लिए और हम तो भाई सदियों से ये यूज करते आ रहे हैं भाई घाव हो जाता है तो हल्दी का लेप लगाते थे पहले ठीक है तो वो चीज पेटेंट करा रहे हैं तो बाद में इसको भी खैर रिटर्न किया हमने केस हुए चले नीम ऑयल को भाई आपको पता है अगर कोई भी फंगल इंफेक्शन हो जाता है तो नीम ऑयल यूज किया जाता है एज तो ए बहुत बढ़िया फंजी, एंटी फंजी है यहां तक कि नीम की बार को भी अगर घिस करके आप फंगल इन्फेक्शन पर लगा दोगे तो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट होता है इतना उसको भी पेटेंट करा लिया। पर इसको भी हमने लीगली वापस ले लिया पर पेटेंट इन्होंने करा लिया था ऑलरेडी यहां तक कि समझ में आ गया होगा बायो पायरेसी बायो का मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्स की पायरेसी चुरा लेना बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं बायोपायरेसी बायो का समझ में आ जाएगा आपको ठीक है जैसे एक बेस्ट अफ्रीकन प्लांट था ठीक है पेंट्रा ठीक है डिप्लेंड्रा ब्राजियाना पेंटा डिप्लेंड्रिया ब्राजियाना एक समझना बेस्ट अफ्रीकन प्लांट था समझना मेरी बात और ये एक ऐसा प्लांट था जिसके अंदर एक प्रोटीन बनती थी ब्राजीन और इस प्रोटीन की अगर बात की जाए ये नॉर्मल शुगर से 200 टाइम्स समझ रहे हो ना मेरी बात स्वीट स्वीट थी और इसकी कैलोरी लो कैलोरी थी समझ रहा इतनी बेहतरीन चीज मिल गई पर वहां के जो नॉर्मल भाई बेस्ट अफ्रीकन के लोग थे सीधे साधे थे उनको चीज पता मतलब पता नहीं था कि ये पेटेंट की भी क्या चीज होती है वो नॉर्मली इस चीज़ को यूज करते थे और हेल्दी रहते थे ठीक है तो यूएस के लोग गए तो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है यहाँ के सीधे साधे लोगों को पता ही नहीं है तो इसको पेटेंट करा लो ठीक है उसको भी पेटेंट कराया उसके जीन को भी पेटेंट कराया ठीक है फ्यूचर में लोगों को मालूम पड़ेगा तो लोग हमसे परचेस करेंगे हमसे परमिशन लेने पड़ेगी इतना ही नहीं उन्होंने इसके जीन को अपनी नॉर्मल जो माइज मक्का होती है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करके अब उस प्रोटीन को वहां बना रहे हैं और वहां से एक्सट्रक्ट करके लो कैरो की फॉर्म में बहुत हाई कॉस्ट में इसको बेचा जा रहा है समझना तो ये थी बायो पायरेसी क्योंकि दो आप देखो भाई कोई कंट्री बहुत डेवलप है उसके पास पैसा बहुत है पर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं है उसके पास बायोडाइवर्सिटी इतनी नहीं है तो वो वहीं ना कहीं ना कहीं कमजोर है पर कुछ कंट्री ऐसी हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं डेवलपिंग में हैं पर उनके पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है नेचर ने उसको बहुत कुछ दिया ठीक है समझना मेरी बात जिसको वो नेचुरल nat में यूज जैसे इंडिया भी इसी में है ठीक है तो क्योंकि आप समझते हो इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के ठीक है यहाँ पर एटमोसफियर होते हैं तो भाई बायोडावर्सिटी बहुत तकड़ी है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो इन कंट्रियों ने क्या किया जो जिनके पास पैसा था पर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं थे उन्होंने उन अनडेवलप या अंडर डेवलप कंट्रियों के चीजों को पेटेंट कराना स्टार्ट किया ठीक है जिसका एग्जाम्पल दिया मैंने इसको अभी तो यही है बायो पायरेसी बायोलॉजिकल रिसोर्स को ठीक है पायरेट कर लेना चुरा लेना ठीक है उसके जीन को आइडेंटि जेनेटिक टेक्नोलॉजी में बढ़ चुके थे आगे इसको बोलते हैं बायो पायरेसी बायो पेटेंट समझ में आ गया बायो पायरेसी समझ में आ गया ठीक है बाद में आकर के अब एक ये भी दिक्कत थी कि इंडिया में पेटेंटिंग की प्रोसेस बनी बाद में इतनी स्लो प्रोसेस है इतने इतने ताम झाम किए गए हैं इसमें हम इंडियन अगर पेटेंट कराना भी चाहें ठीक है ऑलरेडी ठीक है हम पेटेंट कराना भी चाहें किसी भी चीज़ को इतना आसान नहीं है ठीक है जैसे हम जिस रिसर्च जहाँ थे करते थे तो वहाँ हमारी मैडम थी ठीक है आ, सर थे ठीक है तो वो भी चाहते थे कि अभी हमारे प्रोडक्ट की पेटेंटिंग हो प्रॉपर तरीके से पर इतनी ताम है इंडिया के अंदर मतलब इतने तामझाम है तो लंबा प्रोसेस है पेटेंटिंग का कि यहां पेटेंटिंग कराना ही मतलब लगता है कि पॉसिबल नहीं है पर अदर कंट्री में इसको इतना सिंपल कर दिया है इतना सिंपल कर दिया है कि आप तुरंत पेटेंटिंग करा सकते हो ठीक है तो टाइम टू टाइम नो डाउट ठीक है अब इंडिया में भी अब क्वेश्चन बनता है कि लेटेस्ट कौन सा अमेंडमेंट है जिसके हिसाब से इसको अपग्रेड किया गया है यह क्वेश्चन आता है इन इंडियन ठीक है पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर दैट सेकेंड यह क्वेश्चन आता है मेंडमेंट एक्ट सेकेंड अमेन्डमेंट एक्ट क्वेश्चन आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल इंडियन पेटेंट बिल के अंदर हम बात करते हैं Second Amendment Act इसको लाया गया है, जिसके हिसाब से क्या हो सकता है सच इशूज ठीक है इन टू कंसिटे किसी कोई कंट्री हमारा पेटेंट करा लेती है तो अब एक एक्ट ला दिया गया इसमें तुरंत सुनवाई होगी उसको इजिली सोल्व किया जाएगा नहीं पहले तो लोग ध्यान जानते ही नहीं थे इसमें काम ही नहीं होता था करा है करा लेने दो ठीक है हमें समझ रहे ना मेरी बात लोग समझ में आएगा यार ये करा लेने से क्या होगा नुकसान क्या होता है फ्यूचर में कितना बड़ा लॉस होने वाला है ठीक है परमानेंट लॉस होने वाला है ठीक है तो इसलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया ठीक है इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी ठीक है प्रोविजंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी इसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं एक पूरा एक एक डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया गया जो इससे रिलेटेड है इसके बाद काफ़ी सुधार हुए हैं हर कंट्री इतना आसानी से हमारी चीजों को पेटेंट नहीं करा सकती आज की डेट में <laughs> कुछ प्रीवियस ये किसकी बात कर रहे हैं जीन kind of थेरेपी तो की बात कर रहे हैं ठीक है हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन यूज इन वर्ल्ड थर्टी इंडिया में कितने मार्केट में आ चुके हैं ट्वेल्व यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय मल्टी नेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथर समझ ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री या इट्स पीपुल क्या बोलते हैं इसको बायो पायरेसी समझ गए कि नीट में आए हुआ क्वेश्चन देख लो इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है असाइनिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज कौन सी है जेनडिकल अप्रूवल कमेटी अभी बताया मैंने इसको ध्यान रखना सारे नाम कुछ नाम भी दे रखे हैं इन्होंने उसको भी ध्यान रख लेना ठीक है सी एस आई आर क्या होता है ठीक है है क्या होता जनरल टर्म है यूज होने वाले नाम है ठीक है मोस्ट ऑफ द ठीक है ट्रांसजेनिक एनिमल आर बताया था मोस्ट ऑफ द भाई नाइनटी फाइव परसेंट कौन है यहां पर माइस नाइनटी फाइव परसेंट तक होते हैं और फर्स्ट ट्रांसजेनिक भी यही होता है ठीक है फर्स्ट फर्स्ट ट्रांसजेनिक भी है और 95 फाइव परसेंट माइंस ही होते हैं सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल में काउंट होते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी हेल्प इन इजिली डिटेक्शन एंड ठीक है डिटेक्शन ऑफ डिसीज एक्सेप्ट भाई डिसीज डिटेक्शन में ठीक है रिकॉमेंट एन टेक्नोलॉजी को भी रखा गया है पीसीआर को रखा गया है एंजामिकम्योसॉरमेंट ऐसे को भी रखा गया है पर जीन थेरेपी नहीं है समझ गए होगे परमानेंट क्योर ऑफ एडीए एडिनोसिन डी डेफिशिएंसी तो परमानेंट क्योर कब है अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप करते हो ट्रीटमेंट तो परमानेंट क्योर है ठीक है अर्ली एम्ब्रियो अ प्रोव इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज विद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल एंड इज लेटर ऑन ठीक है डिटेक्टेड बाय द ऑटो रेडियोग्राफी बताया था मैंने ठीक है

ठीक है इलेक्ट एल्यूमिन जीन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए प्रोब ठीक है जीन थेरेपी में ना nah, रॉन्ग हो गया पीसीआर मोलिकुलर डायग्नोसिस ठीक है एब्सोल्युटली राइट right, पूछा क्या इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट क्या हो गया यहां पर थर्ड द इंडियन पार्लियामेंट मैंने बताया था हैज रिसेंटली क्लियर विच ठीक है अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन ठीक है पेटेंट बिल कौन सा अमेंडमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड बताया था अभी मैंने बहुत इसलिए मैंने बोला क्योंकि गलती होती है ये बच्चा नहीं याद रख पाता अब आपको याद रहेगा मैं दो जगह बताया इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कहां पर ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज नहीं करते ठीक है स्टडिंग ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ जीन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट करते हैं बताया भी था मैंने तीन चार प्रोडक्ट भी बताए थे आपको टेस्टिंग ऑफ आप द वैक्सीन सेफ्टी करते हैं ट्रांसफरिंग नॉर्मल जीन टू रिप्लेस डिफेक्टिव जीन ये तो जीन थेरेपी है यहां ट्रांसजेनिक एनिमल यूज नहीं करते ओके थैंक यू तो आज ठीक है मेरे हिसाब से तो बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर भी बहुत बेहतर तरीके से सारा क्लियर कर दिया सेकंड भी कर दिया ठीक है कोशिश तो सोचा था मैंने दो घंटे ढाई घंटे में कर दूंगा पर वही है ना कि फिर वो अंदर का टीचर जाग जाता है लगता है कि यार एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर कराओ क्योंकि आदत वही पड़ी हुई है कि एक एक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे यानी जब तक आत्मा नहीं कहती यार ढंग से नहीं पढ़ाया ठीक है तब तक मतलब वो फीलिंग ही नहीं आती ठीक है अगर तेज़ी से पढ़ा दूंगा लगेगा यार वो वो मासूम बच्चे ठीक है वो नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो मतलब मेरी मतलब अंदर की वो चीज़ ही नहीं आएगी ठीक है तो बस वो एक अंदर की आदत है जब तक कि मैं हर चीज को आपके ब्रेन में सेट ना कर दूं ठीक है एक एक कंसेप्ट क्लियर ना कर दूं तब तक अंदर अंदर का वो टीचर वो कहता है ना अभी नहीं अभी नहीं टाइम जा रहा है जाने दो ठीक है थकान हो रही है होने दो जो हो रहा है होने दो एक एक कंसेप्ट क्लियर कराओ ठीक है तो बस वही एक आदत है इसलिए थोड़ा टाइम तो जरूर लग गया ठीक है पर फिर भी सिंगल शॉट में ये बहुत बेहतरीन चैप्टर था इसके कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है बेटा और दोनों चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो कोशिश की है ठीक है समझ में आया भी होगा आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि हाँ वाकई में आप कितना समझ पाए ठीक है कहाँ क्या आपको लगा ठीक है कमेंट तो आपको करना जरूरी रहता है कि आप थोड़ा किया करो ठीक है टीचर भी इतना करता है तो अच्छा करो बुरा करो पर कमेंट तो करो ठीक है तो ये रिस्पॉन्स मिलता है कि हां कैसा आपका ठीक है कैसा आपका रिस्पांस आ रहा है ठीक है क्या समझ में आ रहा है स्पेशली अच्छे बच्चों को तो कमेंट करना ही चाहिए जो जो मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर है वो समझ सकते हैं कि यार क्या है क्या नहीं ठीक है और ठीक है ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम बहुत पास आ रहा है अब पूरी दम लगा देनी है मैं बता चुका हूं आपको ठीक है इस समय बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है क्योंकि जैसा हम फीलिंग लाएंगे वैसा ही बॉडी रिस्पॉन्स देती है मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं पॉजिटिव रहेंगे ठीक है पॉजिटिव लेकर के चलेंगे थ्योरी अब कम से कम पढ़ेंगे टोटल थ्योरी कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन के बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ठीक है क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तब थ्योरी पढ़ोगे ऑलरेडी एक स्प्रिंट सीरीज सारे बच्चों के लिए चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐप पर है ठीक है ऐप पर उम्मीद वाले ऐप में जाना उसको तो क्लिक करना तो उसमें आपको स्प्रिंट सीरीज मिल जाएगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है स्प्रिंट सीरीज को आप क्लिक करोगे तो स्प्रिंट सीरीज़ के अंदर आपको ठीक है सारे के सारे डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो हम करा रहे हैं ठीक है कुछ चीज़ें दे रहे हैं बहुत बेहतरीन है, लास्ट टाइम के लिए वो आपको मिल जाएंगे जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा ठीक है और आगे भी कुछ ना कुछ हम करेंगे बट अभी स्प्रिंट सीरीज लॉन्च कर दी चल रही है ऑलरेडी ठीक है उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको ठीक है बहुत कम टाइम के अंदर एक रिविजन की स्ट्रैटेजी है ठीक है किस तरीके से उस रिवीजन को जब भी स्प्रिंट सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आता है उससे पहले आप उस टॉपिक को कवर कर लो स्प्रिंट सीरीज में क्वेश्चंस के बेस पर हम सारा रिवीजन करा देंगे ठीक है तो बस हम तो कोशिश कर रहे हैं बेटा बेहतर भैतर से बेहतरीन करने के लिए आपके लिए बस यही चाहते हैं कि आप भी कोशिश करो बेहतर भैतर से बेहतरीन ठीक है हमारी मेहनत भी तभी रिजल्ट देगी जब आप मन से जीत तोड़ मेहनत करोगे ठीक है तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप ठीक है तो आपके रिस्पॉन्सिस में देख रहा हूं बेटा ठीक है तो बस कोशिश करना वैसे तो मेरा आज जहां तक लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि बैठक नहीं फिनिश हो गई पर अगर मिलता है तो एक स्ट्रेटेजी वाला लेक्चर है उसमें जोलॉजी वाला पार्ट है वो मैं कराऊंगा बहुत मजेदार कहानी की फॉर्म में कराऊंगा आपको मजा आ जाएगा ठीक है बहुत बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं उसके अंदर ठीक है तो एक से डेढ़ घंटे का टॉपिक होगा वो छोटा ही टॉपिक है तो उसको भी एक संडे या मंडे जब भी आएगा टर्न उसको हम इसी संडे मंडे को फिनिश कर देंगे पर मेन सिलेबस आपका फिनिश हो चुका है जहां से एक बल्क में क्वेश्चन आते हैं तो बस अब मैं यही बोलूंगा कि क्या राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला मतलब अपना टारगेट को ले लोगे बस एक लक्ष्य बना लो कि अब ये मंथ है इसमें ना इधर डाइवर्ट होना है ना उधर डाइवर्ट होना है ठीक है मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा दूर का मतलब है इस पर फालतू चीजों से दूर रहना पड़ेगा ओनली स्टडी ओनली स्टडी पर फोकस करना होगा ठीक है एकदम टारगेट पर टारगेट को लिख लो ठीक है ये टारगेट है हर कीमत पर अचीव करना ही करना है क्योंकि यार देखो यही एक टाइम है यहां थोड़ी सी मेहनत कर लोगे लाइफ एकदम बहुत बेहतर हो जाएगी और यहां जरा भी मस्ती कर लोगे ना तो लाइफ फिर एक साल और जितना आप ओल्ड होते जाओगे ना उतना ही सिलेक्शन टिपिकल होता जाएगा ठीक है और मैं बोल रहा हूं पेपर बहुत हार्ड नहीं आएगा बस क्वेश्चन बहुत सावधानी से करने समझ समझना मेरी बात रैंकूप अगर पेपर हार्ड नहीं आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी कट ऑफ हाई जाएगी मतलब एक क्वेश्चन की वैल्यू है मीस कुछ भी छोड़ना नहीं है हर चीज को अपने दिमाग में घुमा लेना है ठीक है एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है बस ये समझना ठीक है एनसीईआरटी मैंने पूरे कोर्स की बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी बायो की जितना हमने टपाट लिया पूरी एनसीईआरटी करा दी है सारी बेहतरीन ट्रिक्स करा दी है जो बेहतरीन ट्रिक्स हो सकती थी ठीक है मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम ठीक है गॉड ब्लेस यू प्रभु का भी हर आशीर्वाद आपके साथ रहेगा ठीक है आपके पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आशीर्वाद आपके साथ रहना चाहिए ठीक है तभी तो बोलता हूं सुबह उठ के उनके ठीक है चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए जिससे कि आपके अंदर भी पॉजिटिव चीज रहेगी ठीक है उनका जो पॉजिटिव एनर्जी है ऑटोमेटिकली मिलेगा और कभी कभी ये पॉजिटिव एनर्जी ही अगर टच होकर आप नहीं कभी कभी छूट जाते हैं टच होकर के बॉर्डर लाइन पर छूट जाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपको पुश करती है वहां तक पहुंचने के लिए ठीक है इसीलिए मैं कहता हूं कि नंबर पेरेंट्स और गुरुजन इन सबके आशीर्वाद लेते रहा करो मतलब पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करते रहा करो और पॉजिटिव रहा करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ठीक है नेगेटिव मत रहा करो यार नहीं होगा होगा नहीं होगा यार क्यों नहीं होगा यार आप पॉजिटिव रहोगे तो होगा ठीक है हंड्रेड परसेंट होगा तो पॉजिटिव अपनी तरफ से हंड्रेड देना है बाद बाकी का ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है ठीक है हंड्रेड परसेंट दो रिजल्ट आएगा ही आएगा हंड्रेड परसेंट आएगा और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती ध्यान रखना अगर आप आज मेहनत करोगे हो सकता है इस साल ना आए पर ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी ठीक है फिजिक्स का रूल है ठीक है अगर आपने कहीं एनर्जी इनपुट की है तो उसका आउटपुट आना ही आना है किसी और फॉर्म में आ जाएगा पर आउटपुट आएगा ठीक है ये पक्की बात है अगर सच्चे मन से मेहनत की आउटपुट आएगा तो समझ गए ना मेरी बात राह पकड़ तू एक चला चल बस अब राह पकड़ लो नीट का टारगेट बना लो ठीक है और अपना बस ढंग से पूरे टाइम को एकदम फोकस करके ठीक है बस लग जाओ बिल्कुल लग जाओ बहुत बेहतर तरीके से आउटपुट आएगा ही आएगा ऑल द बेस्ट हाँ रिजल्ट आएगा तो भाई मुझे तो नहीं पता कितने बच्चे कहाँ पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्स देना जिससे आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ कितने बच्चे अपने हैं ठीक है कितने बच्चे जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा भी बच्चे थोड़े से ठीक है बेहतर रिस्पॉन्स दें मेडिकल के एग्जाम के अंदर और बेहतर रिजल्ट जनरेट हो ठीक है थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम अगेन ठीक है जहां तक है अब हम नेक्स्ट कोई सीरीज आएगी उसमें भी लेंगे नहीं तो एक टॉपिक अब लाइव नहीं होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा जो एक छोटा सा टॉपिक होगा एनिमल हस्बेंड्री का वो लाइव नहीं होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा ठीक है लाइव साइज मेरी समझ समस्या लास्ट है ठीक है तो थैंक यू बेटा अगेन ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू